नमस्कार प्यारे साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है एकेडमी द्वारा प्रस्तुत Prelims 2020 पेपर फुल एनालिसिस में दिस इज एन एक्सिलेंट सेशन फॉर दी स्कॉलर्स आउट देयर जो लोग गंभीरता से पूरे पेपर का अध्ययन चाहते हैं पूरे सौ प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं मैं सेट डी लेके करूंगा इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा तो ये सेशन आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल होगा फॉर दोस्ट हुआ टारगेटिंग द नेक्स्ट ईयर अगला साल अगले दो तीन सालों की तैयारी या जो इस साल का पूरा समझना चाहते हैं अपना स्कोर कैलकुलेट करना चाहते हैं ये सेशन आपके लिए बहुत ही अद्भुत रहेगा सो आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ पी टी आई एस अकेडमी एंड पी टी एजुकेशन फॉर द फुल एनालिसिस सेशन हर साल हम ये प्रस्तुत करते हैं प्रलिम्स के लिए बहुत बहुत लोग इसको सराहाते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मैं पिछले 25 सालों से अलग अलग एग्जाम्स के एनालिसिस करता चला आ रहा हूं 1993 से आई हैव बीन एन एजुकेशनिस्ट एंड आई होप दैट माय एक्सपीरियंस विल कम इन हैंडी फॉर ऑल ऑफ यू हु आर वेरी सीरियस आज का सेशन अंग्रेजी और हिंदी में एक साथ ही कंडक्ट होगा उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगेगा आते ही सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों के साथ दोस्तों जो सबसे मूल बातें इस पेपर की हमको समझनी है वॉट रियली हैपन्ड इन दिस एग्जामिनेशन दिस टाइम 2020 डेफिनेटली वॉज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर नॉर्मल ईयर्स जो सामान्य वर्षों में जो कुछ हम देखते आए हैं उससे ये वर्ष बहुत अलग रहा कैसे अलग रहा सबसे पहली चीज प्रश्न पत्र बेहद कठिन था अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रश्न पत्र तो कठिन आ गया और काफी लोग निराश भी हुए लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अल्टीमेटली इट इज अ रिलेटिव टेस्ट यह एक सापेक्ष परीक्षण है तो अगर मैं टॉपर बनता हूं और मेरा स्कोर ही बहुत कम आता है तो मेरे स्कोर से नीचे ही परसेंटाइल कैलकुलेशन होगा इसलिए उस चीज को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ यह देखना है कि कितना भी टफ रहे आपका परफॉर्मेंस बेस्ट पॉसिबल रहा कि नहीं दूसरा बिंदु यह है कि बहुत सारे प्रश्न जो अदरवाइज बहुत सरल विषयों पर आधारित थे उनमें जो फैक्ट्स यूज किए गए वो माइक्रो लेवल फैक्ट्स थे ऐसे फैक्ट्स जो कई लोगों को पता ही नहीं होंगे इनफैक्ट fact, ऐसे फैक्ट जो कई टीचर्स को भी नहीं पता होंगे तो बहुत ही इजोटरी बहुत ही एबस्ट्रूट बहुत ही कम जाने माने फैक्ट्स पूछे गए वेरी फ्यू रीजनिंग बेस्ड और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन सामान्यतः हमने पिछले सात आठ सालों में ये देखा है प्यारे दोस्तों Uh, सन 2013-14 से तो मैं भी हर एग्जाम का बहुत डिटेल यूपीएससी का एनालिसिस देता ही चला रहा हूं रीजनिंग बेस्ड और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम थे कि जहां कोई स्टूडेंट सोचे कि मैं लॉजिकली क्रैक कर लूंगा वो नहीं हो पा रहा था हालांकि ऐसे सात आठ प्रश्न हमने ढूंढ के निकाले हैं आपको बताएंगे अब आप कुछ प्रश्नों में ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे कि आप चार में से दो तो हटा सकते थे लेकिन जो दो बच गए उनमें तो फिर आपको जो है पूरी तरह से वर्क ही करना पड़ा सम क्वेश्चंस वर टोटली इजोटेरिक जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा वैसे प्रश्नों को छोड़ देना ही बेहतर होता इंटरकनेक्शन बिटवीन लेवल, इन कुछ प्रश्नों में क्या किया उन्होंने जैसे नेशनल पार्क्स का या प्रोटेक्टेड एरियाज के ऊपर कोई प्रश्न है उसको रिवर बेसिन के साथ जोड़ दिया तो अब रिवर बेसिन भी याद रखें और किस रिवर बेसिन में कहा कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है वो भी याद रखें तो यह बिल्कुल ही अलग लेवल का ही प्रश्न हो जाता है फ्यू अफ्यू वेरी इजी क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि पूरे सौ में से अगर आपने पहले दो मिनट ऐसे प्रश्नों को छांट लिया होता तो वो सात आठ आपके पहले राउंड में सही होते मैं जानता हूं विदनिफिट ऑफ हैंडसाइड कहना आसान है लेकिन यह स्ट्रेटेजी भी तो है स्कैन सर्ट सिलेक्ट सॉल्व जो हम कहते हैं ओवरऑल टफेस्ट पेपर इन द पास सेवन ईयर फॉर श्योर ये मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस कर सकते हैं मेरा ऐसा मानना है कि 2013-14 से अभी तक 2020 में ये अभी तक का सबसे कठिन पेपर रहा है और इसलिए नहीं कि इसमें लॉजिकली बहुत कुछ टफ पूछा गया है इसलिए क्योंकि इसमें फैक्चुअली बहुत कुछ अजीबोगरीब पूछा गया है अब लेकिन एग्जामिनर एग्जामिनर है तो हम कुछ कह भी नहीं सकते और क्योंकि ये रिलेटिव है टेस्ट इसलिए दोस्तों फर्क पड़ता नहीं है जिन्होंने अपना बिल्कुल आपा नहीं खोया और जो बिल्कुल शांत रहे और जिन्होंने जो आता था वो अपना बेस्ट दिया टिल द लास्ट सेकेंड वो इस रेस में आगे रहेंगे जो घबरा गए रोने लग गए मन ही मन मतलब वो इस रेस में पीछे हो जाएंगे ये नौ बिंदु क्लियर हो गए अब ये आपको मैं पूरा ब्रेकअप पिछले कुछ वर्षों का दे रहा हूं ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रेकअप है जो आपको एक बर्ड्स आई व्यू प्रेजेंट करता है तो दोस्तों अगर आपने इस साल की परीक्षा दी या आप अगले साल की देने की तैयारी कर रहे हैं दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसाइट आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के यूपीएससी प्रलिम्स ट्वेंटी ट्वेंटी पेपर वन जीएस आज पेपर टू जीएस का भी एनालिसिस दे दूंगा आपको और मैं जैसे पहले भी कह चुका हूं यह डिटेल सेशन है यह स्कॉलर्स के लिए है जो गंभीरता से एक एक प्रश्न में उतरना चाहते हैं तो इसमें समय लगता है यह पंद्रह बीस मिनट का एक बेसिक स्नैपशॉट नहीं है यह कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है तो कृपया उस चीज को ध्यान में रखिएगा और हमारी टीम की मेहनत अच्छी लगे तो कॉमेंट थ्रेड में जरूर बताइएगा टेस्टिमोनियल जरूर लिखिएगा दोस्तों करंट अफेयर्स इंटरनेशनल के इस बार पांच प्रश्न थे पिछली बार छह थे एक कम हो गए और पिछले साल उसके पिछले साल के मुकाबले क्या था छ आए थे उसके पिछले साल नौ थे तीन कम हो गए थे ऐसा ट्रेंड आप 2017 तक का देख सकते हैं करंट अफेयर्स इंडिया तीन थे पिछले साल चार आए थे, थे चार कम हो गए सात आए थे चार कम हो गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस एग्रीकल्चर तेरह प्रश्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी से पूछे गए आठ प्रश्न कृषि संबंधित थे तो ये हो गए इक्कीस पिछले साल थे पंद्रह और पांच बीस मतलब एक ज्यादा आया है और काफी तगड़े प्रश्न थे भैया गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर सात सवाल आए पिछले साल केवल एक आया था तो ज्यादा पूछ लिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पे तेरा प्रश्न थे पिछले साल भी तेरह ही थे तो बराबर हिसाब इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर तेरा प्रश्न आए पिछले साल पंद्रह थे दो कम हो गए और इस बार इकोनॉमी ऑफ इंडिया पर सारे प्रश्न बड़े ए टिपिकल थे सामान्यतः आप जो सोच के चलते हैं कि इंडियन इकोनॉमी पे पूछा जाएगा उससे काफी हट कर काफी कम जो टॉपिक्स पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वैसे अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत कम लोग ऐसी चीज़ों पे ध्यान देंगे लेकिन उसके ऊपर सवाल आया मैं सब पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से बताऊंगा ये अपने आप में पूरा लेक्चर भी है दोस्तों एंशंट मीडियवल हिस्ट्री पे 11 प्रश्न आ गए और सारे बहुत तगड़े प्रश्न थे हालांकि उनमें से दो प्रश्न कम से कम सिटर्स थे बहुत आसान थे वो मैं लूंगा भी अभी बताता हूँ आधुनिक इतिहास जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी है उस पर सात प्रश्न आए पिछले साल से तीन ज़्यादा जियोग्राफी यानी भूगोल पर तीन आए पिछले साल पांच थे दो कम हो गए पॉलिटी पर चौदह प्रश्न आए पिछले साल पंद्रह थे एक कम हो गया तो पॉलिटी जो है वो सबसे अधिक प्रश्नों वाला ये सेक्शन बना चौदह प्रश्नों के साथ पॉलिटी हैड द मैक्सिमम क्वेश्चंस एम आई राइट ऑन दैट आफ्टर दैट यू हैड द इकोनोमी ऑफ इंडिया यू हैड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड यू हैड साइंस एंड टेक्नोलॉजी तेरह 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 तो अगर आप देखें पॉलिटी इकोनोमी एनवायरमेंट इकोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये मिलकर आधे से ज्यादा पेपर हो गया एग्री करते हैं मुझसे वेरी गुड जनरल साइंस के ऊपर दो प्रश्न आए थे पिछले साल एक था मिसलेनियस उसके ऊपर एक प्रश्न आया और आर्ट एंड कल्चर ये ह्यूमन कैपिटल नहीं है क्षमा चाहते हैं और आर्ट एंड कल्चर जीरो पिछले साल एक था तो ये हो गए आपके सौ प्रश्न तो प्यारे दोस्तों ये है पूरी पूरी कहानी इस साल के पेपर की ब्रेकअप समझ में आ गया ये नौ बिंदु समझ में आ गए एक्सीलेंट तो मैं आपके साथ जैसा मैंने कहा ये पेपर डी मेरे पास है इस पेपर डी का पूरा पूरा विश्लेषण प्रश्न दर प्रश्न करूंगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जैसे आप आज नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं और एक सपना है कि यूपीएससी करेंगे आई बनेंगे आईपीएस बनेंगे आई बनेंगे आपको एक बहुत अच्छा फर्स्ट हैंड व्यू देगा डरिएगा मान अब जो सच्चाई है उसका सामना करना पड़ेगा पेपर इस साल ऐसा आया तो मान लीजिए आज आप क्लास टेंथ इलेवन ट्वेल्थ में ग्राउंड जीरो पे आपको कुछ नहीं पता यूपीएससी में एग्जाम में क्या होता है ये आपका पहला एक्सपोजर हो सकता है ठोको ताली बोलो संदीप सर जिंदाबाद तो यह हमारा बुकलेट डी का सॉल्यूशन की है और सिटर्स जो मेरे सेट डी में आए थे सिटर्स का मतलब होता है बेहद सरल प्रश्न ऐसे प्रश्न जो अगर आपसे छूट गए या आप पे दिमाग नहीं लगा पाए तो आपका नुकसान होगा और यह है इस सेट में ये आठ प्रश्न ये मेरा व्यक्तिगत मानना है हर व्यक्ति का अपना अलग अलग एनालिसिस होगा कोई लोग इससे सहमत नहीं होंगे कोई इसके अलावा एक दो और ऐड करेंगे यही तो ब्यूटी है इस चीज की डाइवर्सिटी की यही ब्यूटी होती है तो ये आठ प्रश्न सेट डी के मुझे लगता है कि बहुत सरल थे और अगर आपने थोड़ा कॉमन सेंस लगाया होता तो ये आठ आपसे नहीं छूटते तो ये मैं आपको पढ़ाते समय बता भी दूंगा इज दैट क्लियर तो शुरू करें अब टॉपिक वाइज क्विक इंसाइट देता हूं और उसके बाद क्वेश्चन वाइज डिटेल एनालिसिस एक मिनट में शुरू कर देते हैं अगर हम कृषि की बात करें काफी सवाल आए जैसा कि आपने देख लिया प्यारे दोस्तों आठ प्रश्न तो कृषि पर आए ही आए हैं लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से ज्यादातर बेहद कठिन प्रश्न थे एग्रीकल्चर पर इतने कठिन प्रश्न पूछना यह तो प्रैक्टिकली बीएससी एग्री वालों के लिए आसान रहा होगा जो एग्री बैकग्राउंड के नहीं है उनमें से कितने लोग वाकई में शुगर केन की अलग अलग प्लांटेशन टेक्निक्स पढ़ के गए होंगे आई मीन लेटर्स बी वेरी ऑनेस्ट गन्ना कितने प्रकार से उगाया जा सकता है कौन सी विधि बेहतर है कौन सी विधि श्रेयस्कर है यह बहुत कम लोग पढ़ के गए होंगे क्योंकि वो बहुत माइक्रो डिटेल हो जाता है तो इस तरह का एक इश्यू तो हमको दिखा एंशंट और मीडियाबल हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास और मध्ययुगीन इतिहास बहुत कठिन पूछा गया जब कुछ लॉजिकल को छोड़ दूं तो कुछ कुछ तो इतने कठिन था वो पोर्ट्स के नाम जो पूछ लिए गए वो नाम ही किसी को नहीं पता होंगे बहुत ही जिन्होंने इन डेप्थ हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा होगा उनकी बात अलग है अदरवाइज करंट अवेयरनेस में मिक्स था टफ और मॉडरेट वंस का कुछ इजी थे अब जैसे वेस्ट एक्सस इंटरमीडिएट एक सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है जिसने भी तेल उद्योग के बारे में जरा सा भी पढ़ा है उसको पता है भाई ब्रेंड क्रूड होता है दुबई ओमान सार होता है वेस्ट एक्सस मतलब वो तो इतना बेसिक था कि एक सेकंड में सॉल्व होता है अगर आपने करंट अवेयरनेस वाकई किया है तो और अगर वो प्रश्न आपने छोड़ दिया मतलब पेपर की स्कैनिंग की आपकी स्ट्रेटजी में बहुत बेसिक गलती हो रही है अगली परीक्षा में गलती ना हो ये आपको सुनिश्चित करना होगा एनवायरमेंट इकोलॉजी कुछ बहुत बहुत कठिन थे कुछ मॉडरेट थे और केवल बहुत कम सरल थे तो एनवायरमेंट एकोलॉजी पूरा अच्छे से पढ़ के गए लोगों को भी बहुत दिक्कत आई होगी इकोनॉमी ऑफ इंडिया कुछ मॉडरेटली टफ थे कुछ आसान थे बट जो ट्रेंड था वो पिछले सात सालों में सबसे अजीब ट्रेंड था

यहां आपका सिलेक्शन होगा जो टॉपर के मार्क्स है वहां से नीचे ग्रेडिंग में इसलिए आखिरी मिनट तक खुद को निराश नहीं करना रिलेटिव कॉम्पिटेटिव टेस्ट में बड़ा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों जनरल साइंस में दो आए दोनों बहुत टफ थे नहीं होने वाले प्रश्न थे ऑलमोस्ट ज्योग्राफी के तीन थे और वो डुएबल थे क्योंकि स्टैंडर्ड था भाई ये नदी कहाँ जाके गिरती है ताल मिले मिले नदी नदी के जल में नदी मिले सागर में गवर्नमेंट स्कीम्स पे सात प्रश्न थे टफ और मॉडरेट का मिक्स था सरल तो बिल्कुल ही नहीं थे आधुनिक इतिहास के कुछ बहुत बहुत टफ और ट्रिकी थे और कुछ उसमें से डुएबल थे अब गांधी इरविन पैक्ट की ऐसी बारी की पूछ ली गई कि अच्छी अच्छी तैयारी करके भी वो एक बारी की अगर आप भूल गए तो वो प्रश्न हाथ से निकल गया पॉलिटी में ओवरऑल मॉडरेट टू इजी और मैनेजेबल था ये एक तरह से सेविंग ग्रेस हो गया इस पेपर के लिए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत बहुत कठिन पूछा हालांकि अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है तो सरल कॉन्सेप्ट लेकिन उसमें जो ऑप्शन दिए थे वो बहुत ट्रिकी थे तो दोस्तों इस पूरे पेपर में चार पांच प्रश्नों को लेकर स्टूडेंट कम्युनिटी में खूब डिबेट हो रहा है ये होगा वो होगा तो हमने आज अपना एनालिसिस तैयार किया है आप हमसे डिफर कर सकते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है और आप हमें बता सकते हैं कि इस प्रश्न का हमारे हिसाब से उत्तर यह हो सकता है शालीन भाषा में कीजिए शालीन भाषा में डिसेंट कीजिए शालीन भाषा में अपना लॉजिक दीजिए उससे आपको कोई मना नहीं करता एंड आई होप यू हैव बेसिक सेंस तो दोस्तों यह था टॉपिक वाइज पूरी तैयारी का तो जो लोग आने वाले सालों की तैयारी कर रहे हैं इन चीजों को ध्यान में रखें अब एक चीज आपको बता दूं इस साल का पेपर ऐसा था अब अगले साल का ट्रेंड क्या होगा ये चार साल की कहानी देख के सोच लो कुछ बिल्कुल नया ट्रेंड हो सकता है इसीलिए हम हमेशा कहते हैं किसी एक ट्रेंड को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए आपको सारे टॉपिक्स की तैयारी अगर करनी है तो करनी है जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी इकोनॉमी ये दो सबसे महत्वपूर्ण हो गए एनवायरमेंट इकोलॉजी हो गया और ये सारे टॉपिक जिसमें तेरह तेरह प्रश्न आए थे आपके सामने जो हमने पूरे रखे प्यारे दोस्तों पॉलिटी सबसे आगे रहा इकॉनॉमी ऑफ इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट इकोलॉजी ये चार भी आपने ढंग से कर लिए तो आधा पेपर कवर हो जाता है और मोटे मोटे तौर पर पिछले तीन चार सालों का ट्रेंड यही रहा है तो आधा पेपर तो इन्हीं से कवर

और ये हमेशा साथ में रखें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों गो करोना गो नो करोना नो करुणा शांत हो करुणा शांत हो बहुत जरूरी भैया ये मंत्र कितने लोग रोज पाठ करते हैं उस मंत्र का बच जाओगे तुम तो। शुरू करें क्वेश्चन वाइज डिटेल्ड एनालिसिस जैसा मैंने कहा दिस इज अ सेशन फॉर वेरी सीरियस स्कॉलर्स तो ध्यान रखिएगा सतही सतही काम नहीं होगा गहराई में जाएंगे गहराई में बात करेंगे और आप गहराई से चीजों को सीखेंगे थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए दोस्तों मेरा लाइव कोर्स फॉर 2021 एंड 2022 ट्वेंटी अक्टूबर से शुरू हो रहा है आप लाइव डॉट साइट पर चले जाइए इस सेशन का पीडीएफ का लिंक भी नीचे कमेंट में है ओपन करेंगे तो यह भी ओपन हो जाएगा क्लिक करने पर और आप हमारे साथ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ले सकते हैं या एंट्री लेवल वन और टू में कुछ मॉड्यूल्स हमारे साथ पढ़ सकते हैं बहुत प्यारा है हर महीने आपको एक एंट्री पॉइंट मिलेगा इस तरह के हमारे ये कोर्सेस शुरू हो रहे हैं लेवल एट यानी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है आप इसमें आज के आज एनरोलमेंट लें हमारी टीम से संपर्क करें हमें बहुत खुशी होगी और ये लाइव होगा विथ प्रॉपर लाइव चैट एंड लाइव इंटरेक्शन विथ मी थ्रू आउट द कोर्स तो मैं उम्मीद करूंगा आपका बहुत प्यार बहुत सहयोग मिलेगा बड़ा साइंटिफिकली डिजाइन मेरा लाइव आई ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस लेना शुरू करूं आपका सपोर्ट हमारे लाइव कोर्स को मिले यही हमारी आशा है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एनरोल कीजिएगा दोस्तों प्रीमियम प्रोग्राम है आप शुरू करते हैं आज का पूरा एनालिसिस सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है एंशंट हिस्ट्री से है मैं हर प्रश्न को आपको किस विषय से है बताते चलूंगा उसकी ग्रेडिंग बताते चलूंगा डिटेल सॉल्यूशन बताते चलूंगा और अगर वो सिटर है तो ये भी बताते चलूंगा तो ये प्राचीन इतिहास से है और ये एक सरल प्रश्न है अब आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो ये सरल प्रश्न लग रहा है आपको मतलब सर आप कुछ भी बोल रहे हो अरे नहीं 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 चिल्लाओ मत परेशान मत हो अभी बताता हूं मैंने क्यों कहा ये सरल है एक बार ये पहला प्रश्न है हिंदी इंग्लिश दोनों में पैरल दिखाया आई डोंट थिंक एनी स्टूडेंट शुड हैव अ प्रॉब्लम विद दिस यस और नो टोटली विथ मी प्रश्न को बहुत ध्यान से देखो दोस्तों जिसने भी प्राचीन इतिहास भारत का थोड़ा बहुत भी पढ़ा है उसे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि भारत में एक तरफ ब्राह्मण वैदिक धर्म का उदय हो रहा था और दूसरी तरफ श्रमण परंपरा आ रही थी जो श्रमण परंपरा आ रही थी उसमें था उसमें तपस्या थी उसमें यज्ञ वगैरह नहीं होते थे और श्रमण परंपरा से जैन और बौद्ध धर्म ये बाहर आए समझ में आया तो वैदिक ब्राह्मणिज्म अलग चल रहा था श्रवण परंपरा उसके ठीक विपरीत अलग चल रही थी जिससे जैन और बौद्ध धर्म बाहर आए अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है कि श्रमण परंपरा में तप होता था एंड गिविंग अप ऑफ मटीरियल लग्जरीज होती थी तो आपको पता है कि ये तो हो ही नहीं सकता आपको समझ में आया ना श्रमण परंपरा में यह कहां से होगा ये तो तपस्वी थे ये कोई प्राप्त उच्च पद प्राप्त मटीरियल पुजारी थोड़ी थे तो अगर टू गलत है तो यह ऑप्शन गया ये ऑप्शन गया ये ऑप्शन गया और एक ही आंसर है ऑप्शन बी जादू समझ में आया कि नहीं तो कई बार जो प्रश्न कठिन दिखते हैं वो दरअसल होते कितने सरल हैं मज़ा आया इस ट्रिक में आपको अभी एग्जामिनर ने खुद ही ट्रिक दे दी है हम इसीलिए स्टूडेंट्स को बोलते हैं ऑप्शन पे नज़र डालो कोई एक ट्रिक ढूंढने की कोशिश करो प्रश्न कठिन दिख रहा हो तो भी रोना शुरू मत करो कई बार दिखने वाले एक्चुअली उतने कठिन होते नहीं हैं तो दोस्तों अगर आपको श्रमण परंपरा जो कि बहुत बेसिक चीज़ पढ़ाई जाती है पढ़ी जाती है पता है तो आपको पता है टू गलत है टू गलत है तो भैया ये भी गया ये भी गया ये भी गया क्योंकि तीनों में टू 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 थे तो आपका उत्तर हो गया ये अब मज़े की बात बताऊं हो सकता है आपको वन और थ्री पता ही नहीं हो कि भैया ये परिव्राजक कौन है और ये उपासक कौन है हो सकता है आपको ये पता ही नहीं हो उससे क्या होगा आंसर तो आ गया तो यही तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मजा जितने लोगों को इसमें मजा आया ठोको ताली बोलो संदीप सर जिंदाबाद सेशन को लाइक और शेयर करो और कम से कम आपको पांच कमेंट करने हैं सेशन एंड होते होते अलग अलग प्रश्नों पे कमेंट कीजिए हमारी अप्रोच पे कमेंट कीजिए आप क्या करके आए हैं उस पर कॉमेंट कीजिए पहला प्रश्न क्लियर हुआ कि नहीं अब मैंने आपके लिए डिटेल सॉल्यूशन भी बना दिया है जो लोग इसको गंभीरता से पढ़ना चाहते हैं बारीकी से सीखना चाहते हैं ये रहा आपके लिए सारा बारीक इनपुट इसका पूरा हिंदी वर्जन हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है वो सारी लिंक्स हमने नीचे दे दी हैं कमेंट्स में उनको यूज कीजिए वेबसाइट पे जाइए इसका हिंदी वेब पेज भी मिलेगा सब कुछ मिलेगा आपको जाए तो टेस्टिमोनियल लिखना मत भूलिएगा मजा आया पहले प्रश्न में तो ये एक सिटर था ऐसा हमारा मानना है सिटर यानी एक ऐसा प्रश्न है जो कभी भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए बहुत सरल होता है तो ये हमारा पहला सिटर हो गया डू यू अग्री विथ मी मजा आया अप्रोच समझ में आई गहराई से बात पकड़ में आ रही है कि नहीं अगर आप आने वाले वर्षों की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह की चीजें अभी से सीखना बहुत बहुत यूजफुल हो सकता है आगे चलें दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू पर आ जाएं और निराश मत हुई अगर आपसे ये ट्रिक यहां छूट गई थी अब भारतीय हाथियों पर सवाल आ गए जब हम भारतीय हाथियों की बात करते हैं इतने सारे एलिफेंट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं हाथियों की ट्रेन से कटकर मौतें हो रही हैं हाथी पूरे इकोसिस्टम का एक एज ए बिग मैमल एलिमेंट ऑफ दैट बहुत बड़ा एक उसका संयोजक का काम करते हैं और हाथियों का हेल्दी होना इको के हेल्दी होने की सबसे बड़ी निशानी होती है तो ये सवाल पूछे जाने के पीछे का कारण यह है अब इसमें कुछ बहुत बेसिक चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा भारतीय हाथियों के कंटेक्स में पूछा गया ठीक है भैया अब भारतीय हाथियों के कंटेक्स में लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल हमेशा याद रखना हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा ही करती है ये सारी की सारी मेट्रियार्कल सोसाइटीज हैं समझ में आया मातृत्व आधारित जो माता जिसका नेतृत्व करेगी वो आधारित समाज है जैसे हाइना सोसाइटी एलिफेंट सोसाइटी हाइना एने लकड़बगे वो भी मेट्रियारकल हैं तो इनके मेल्स क्या करते हैं मेल्स डू नॉट लिव इन द ग्रुप छोटे बच्चे तक है उसके बाद उनको खदेड़ दिया जाता है वो अपना ग्रुप बुला के अलग रहते हैं समझ में आया आपको एंड दे कम ओनली फॉर मेटिंग उसके बाद मेल चला जाता है तो ये कहानी है हाथी समाज की तो वन इज करेक्ट अगर वन करेक्ट है तो ये दो ऑप्शन तो उड़ गए तो अब अगर वर्क भी करना है तो केवल दो में करना है ये आपको समझ में आया तो ये एनवायरमेंट और एकोलॉजी का प्रश्न था और ये मॉडरेटली डिफिकल्ट हम मानेंगे क्योंकि इसमें इस लेवल पर आने के बाद भी ए और बी के बीच में ए और डी के बीच में सिलेक्ट करने में थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है क्योंकि आपको यह ढूंढना पड़ेगा कि भैया टू थ्री फोर में से क्या सही है तो बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि टू चेक कर लो ये गलत हो गया तो ऑप्शन डी ही आंसर होगा द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 टू मंथ्स अब ये तो बहुत स्पेसिफिक चीज पूछ ली एक चीज हमें पता है कि हाथियों में गर्भधारण की अवधि जो है वो मनुष्यों से बहुत ज्यादा होती है तो अब वो ट्वेंटी है कि 20 है कि 18 है ये हमें पता नहीं और उसके बाद अब अगर 2 एग्जैक्टली exactly नहीं पता तो फिर थ्री या फोर चेक करो मैं अप्रोच बता रहा हूं और इनमें से एक भी सही हो गया तो आपका काम हो गया और आंसर डी होगा और अगर ये दोनों गलत हो गए तो आंसर ए होगा ये समझ में आया तो जब सब कुछ आपने कर लिया तो उसके बाद आपका आंसर आता है ए समझ में आया आपको ये नहीं वन एंड टू ओनली तो थ्री एंड फोर गलत है मित्रों ये आंसर नहीं है वन एंड टू सही उत्तर है तो टू बिल्कुल सही है और थ्री और फोर सही नहीं है तो क्या गलती हो गई उसके अंदर ये पचास वर्ष की आयु तक मादाएं बच्चों को जन्म दे सकती हैं चालीस तक नहीं अब देखिए कितनी बारीक चीज पूछी गई है और फिर हाइएस्ट पॉपुलेशन पूछी गई है तो वो आप हमें कॉमेंट्स में बताएं कि हाइएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया in कहाँ प्राप्त होगी तो प्यारे दोस्तों हमारा उत्तर है वन एंड टू ओनली आई होप आपको मजा आया ऑप्शन ए एनवायरमेंट इकोलॉजी मॉडरेट तीसरे प्रश्न पर आ गए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन अब ये एक बहुत ही टफ प्रश्न है ये टफ प्रश्न क्यों है नॉर्मली आपसे प्रोटेक्टेड एरियाज पे वाइल्ड लाइफ पार्क पर नेशनल पार्क पर पूछेंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि ये किस नदी घाटी में स्थित है नदी घाटी पे पूछेंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि यहां कौन कौन से पार्क हैं तो इस बार एग्जामिनर सुबह सुबह सो के उठे थे आंगड़ाई ली उन्होंने और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इन दोनों को जोड़ दूं और उन्होंने जोड़ दिया जोड़ना बहुत आसान है उसको सॉल्व करना बहुत कठिन है तो आई एम वेरी सर्टन दैट दिस विल रैंक एज वन ऑफ द वेरी टफ क्वेश्चन हालांकि कई बच्चों ने हल किया है इसको तो ये पूछता है कि भैया ये जो चार आपको हम नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ इन सबको कॉमनली हम संरक्षित क्षेत्र बोलते हैं पीए बोलते हैं कावेरी नदी घाटी क्षेत्र में कौन कौन से स्थित हैं तो इसमें जो है प्यारे दोस्तों बहुत सीधी सी बात है पापी कोंडा नेशनल पार्क यहां स्थित नहीं है लेकिन बाकी के तीनों यहां स्थित हैं तो अब आप बोलेंगे सर ये कैसे पता चलेगा ये रिवर बेसिन और नेशनल पार्क्स को प्रोटेक्टेड एरियाज को जोड़ने से पता चलेगा तो ये इतना कठिन प्रश्न था कि आप इसको छोड़ सकते थे इसको लेके फ्रस्ट्रेट होना दुखी होना आंसू बहाना कि दिल के अर मासुओं में बह गए जरूरत नहीं है उसकी क्योंकि सभी के बह रहे हैं एक साथ तो सभी के बह रहे हैं तो किसी के भी नहीं बह रहे हैं रिलेटिव टेस्ट है समझ में आया कि नहीं आपको और अगर आपने कर लिया तो आप जीनियस हैं आपको बहुत बहुत बधाई अब यह है प्यारे दोस्तों कावेरी नदी घाटी क्षेत्र इंडिया के मैप में भी देख सकते हैं आप और यह है प्यारे दोस्तों गोदावरी बेसिन इंडिया के मैप में भी आप देख सकते हैं यह रहा गोदावरी बेसिन तो जब हम इनकी बात करते हैं तो इनके साथ में आपको प्रोटेक्टेड एरियाज वाले मैप आपके याद होने चाहिए और वो आपको इसमें टैली करना है तो ये सरल प्रश्न कहीं से कहीं तक नहीं है और पता नहीं इस तरह का प्रश्न पूछकर आप क्या चेक करना चाहते हैं लेकिन अब यही है तो ये था प्रश्न तीन आंसर था सी और पापीकोंडा गोदावरी में है लेकिन बाकी के जो तीन है नागर होल सत्यमंगलम वायनाड ये तीनों के तीनों आ, कावेरी बेसिन में जिन्होंने सॉल्व किया आपको बहुत बहुत बधाई यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब कंग्रेचुलेन चौथे प्रश्न पर आ गए दोस्तों सेशन में मजा आ रहा है ना भैया बोर तो नहीं हो रहे हो इंजॉय कर रहे हो ऐसे ही इंजॉय करते चलोगे सीखते चलोगे बारीक लेवल पर सेट डी का पेपर अपने सामने रखें वैसे तो मैं प्रश्न दिखाते जा रहा हूं तो जरूरत नहीं है माई डियर स्टूडेंट्स पर्यावरण और परिस्थिति की तंत्र का मॉडरेट लेवल का एक और क्वेश्चन आ गया है अगर भारत की जैव विविधता की बात करते हैं बायोडिवर्सिटी की तो सिलोन फ्रॉग माउथ कॉपर स्मिथ बारबेट ग्रे चिंड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेस्टार्ट ये क्या है अब एक ही प्रॉब्लम है ये सारे नाम ऐसे हैं कि आप इनको देखकर तो कभी भी गैसी नहीं कर सकते कि ये बर्ड्स हैं या प्राइमेट्स हैं या सरीसर रेप्टाइल्स हैं या उभयचर एम्फीबियंस हैं ये आप नाम से तो पता कर ही नहीं सकते मतलब आपने अगर इन चारों में से किसी एक पर कोई न्यूज कभी पड़ी होती तो एक सेकंड में क्रैक हो जाता क्वेश्चन लेकिन अगर ये नाम याद नहीं हो सारे नाम ट्रिकी हैं तो तो बहुत मुश्किल काम है सिर्फ एक ट्रिक यहां काम आती है वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट पक्षियों के साथ ये थ्रोटेड काफी आता है और अगर ये थोड़ी सी ट्रिक लग गई तो आंसर ए आ जाएगा नहीं तो नहीं आएगा मतलब आज के पेपर में एग्जामिनर आपसे एकदम तो माइक्रो चीज है अब ये तो छोड़ो वो खनिज वाला क्वेश्चन जब आएगा माइंस वाला तो वो ये एक्सपेक्ट करके बैठा है कि आपको सारे मेजर मिनरल्स और सारे माइनर मिनरल्स की पूरी सूची कंठस्थ है आपने रट ली है पूरी मतलब कौन रटता है यार सारे मेजर मिनरल और सारे माइनर मिनरल कौन रखता है यार लेकिन इस बार नहीं रटे थे तो आपसे हो ही नहीं सकते हो मैं रट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दूसरा और शब्द वहां फिट बैठेगा ही नहीं तो दोस्तों ये हैं वो चार बहुत प्यारे प्यारे जीव और ये सारे पक्षी हैं अब नाम अनकॉमन है इसलिए कुछ भी नहीं हो सकता है तो इसका मतलब स्पीसीज के नेम्स आपसे पूछे गए हैं और स्पीसीज के नेम नहीं पता हो तो भैया खेल ही खत्म हो जाएगा तो ये एक बिल्कुल ही नया तरीका है प्रश्नों को पूछने का ऐसे ऐसे प्रश्न नॉर्मली पिछले कई सालों में नहीं आए हैं तो सर अगले सालों में क्या होगा ये तो यूपीएससी ही बता सकता है भाई हम तो बता नहीं सकते इतनी दूर दृष्टि में होती तो अभी तक तो हम सैंडी बाबा साधु बाबा बन के आश्रम शुरू कर चुके होते हमारे यहाँ यहां बैठ के यूपीएससी पेपर एनालिसिस थोड़ा ना कर रहे होते वैसे आइडिया बुरा नहीं है क्या लगता है आपको पारिस्थितिकी तंत्र पे वापस आ गए हैं एक इजी प्रश्न अब हम लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग पीएस इज वेल नोन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अ सब स्पीसीज ऑफ द इंडियन फॉर्म डियर तो बारह सिंगा भारतीय अनुपम्रग इंडियन स्वाम डियर की एक को बहुत अच्छे से बचाने के लिए कौन सा क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध हो गया अब यह बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भी था, तो यह क्वेश्चन हमको दिख रहा है एनवायरमेंट इकोलॉजी का लेकिन दरअसल ये अखबारों की सुर्खियां बना था एक प्रॉपर कंजर्वेशन एफर्ट की वजह से और इसलिए यह प्रश्न बहुत अच्छा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसने बारा सिंगा के प्रोटेक्शन में बहुत अच्छा काम किया था इसके ऊपर काफी कहानियां बनी थी और ये मध्य प्रदेश का राज्य पशु भी है स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश और ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने की वर्ष पे था जब एक ब्रीडिंग प्रोग्राम ने उसको जिंदा वापस ले आया उसके बाद उसने गाना गाना शुरू कर दिया जिंदा हैं तो इत्यादि इत्यादि तो ये है कहानी भैया कान्हा नेशनल पार्क की इंडियन फॉम डियर बारा सिंगा ये सॉल्व करते आना चाहिए था अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ को ट्रैक कर रहे हैं तो उसके साथ ज्वाइन करके आप यहां तक बता सकते थे कितने लोगों का ये सही हुआ कमेंट थ्रेड में बताओ और जरा इस बार कमेंट थ्रेड में ऐसी आग लगा देना भैया हमको भी मज़ा आ जाए कि यार ये सारी मेहनत का सही प्रतिफल मिल रहा है प्रतिसाद मिल रहा है तो ये प्यारा सा जो पशु है ये देख रहा है यूपीएससी वालों ने मेरी फाइनली सुध ले ली धन्यवाद बोल रहा यूपीएससी को अब ये साइंस का है और ये है। ये उसका यूज कहां कहां है रोड बेस कोर्स एग्रीगेट पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट सीमेंट रॉ मटेरियल एस्फॉल्ट मिक्सचर रोड बेस सिविल इंजीनियरिंग वर्क कंक्रीट एग्रीगेट मटेरियल फॉर सिविल वर्क सीमेंट रॉ मटेरियल, सॉइल अमेंडमेंट्स इस तरह के चार्ट्स अगर आपको याद थे तो आप ये प्रश्न सॉल्व कर सकते थे अब ऐसे चार्ट सामान्यतः कहाँ किसे याद रहते हैं मतलब कोई स्टील इंडस्ट्री में काम कर रहा हो कोई मटेरियल साइंटिस्ट हो वो तो मुझे समझ में आता है लेकिन यहाँ हम मटेरियल साइंस तो कर नहीं रहे ना अपनी लाइफ में हर कोई तो नहीं कर रहा है तो स्टील स्लैग कैन बी द मटीरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ये प्रश्न था प्यारे दोस्तों इसे हम एक काफी कठिन प्रश्न की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि इसका आंसर यहां पर था डी वन टू एंड थ्री तीनों में यह काम आता है अब इसमें क्या है कई लोगों ने सोचा होगा कि यार स्टील स्लैग इंप्रूवमेंट ऑफ एग्री सॉइल में कहां काम आएगा तो टू को उड़ा दो तो उन्होंने टू को उड़ा के वन एंड थ्री लगा दिया होगा लेकिन जब हमने भी रिसर्च की तो हमें भी ये पता चला कि स्टील स्लैग जो है वो क्ले सॉइल में स्टेबिलाईजेशन का मटीरियल का काम करता है बहुत अच्छे से ये चीज अगर आपने उड़ाके की यही किया ना आपने कि टू कैसे हो सकता है तो आंसर जो होगा वन एंड थ्री लेकिन वैसा नहीं है तो यहां पर वो एलिमिनेशन लॉजिक से बिल्कुल भी काम नहीं किया और एग्जाम में आप ट्राई करें अच्छी बात है कहीं कहीं अगर कुछ नहीं हो रहा है तो इंटेलिजेंट वर्क करने में कोई हर्ज नहीं अगर आप बार बार ना करें तो इसका उत्तर था डी ये एक बेहद कठिन प्रश्न था और जैसा मैंने कहा इसको लेकर निराश होकर कुछ नहीं होगा अगर पूछा गया है तो पूछा गया है सातवें सवाल पर आ गए हैं यह भी एक बेहद कठिन प्रश्न था एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेट डी में यह प्रश्न पहले पहले आ रहे हैं सर्वाधिक संभावनीय स्थान जहां पर मस्क डियर यानी कि कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवाज में मिलेगा एस्कोट वाइल्ड लाइफ गंगोत्री नेशनल पार्क किशनपुर वाइल्ड लाइफ मानस नेशनल पार्क तो मस्क डियर कहां पर अपने नेचुरल हैबिटेट में आपको मिलेगा समझ में आया कि नहीं आपको तो ये कहीं से कहीं तक सरल प्रश्न नहीं है क्योंकि ये प्योरली फैक्चुअल प्रश्न है जिसका आंसर था वन एंड टू ओनली समझ में आया भैया आपको और ये इसकी सारी रिलेटेड जानकारी है तो बेसिकली यहां आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये कहां कहां मिलेगा मस्क डियर प्यारे दोस्तों समझने वाली बात यह है कि दे आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग यू कि इस एक एक वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी या नेशनल पार्क में कौन कौन सी प्रजातियां विचरण करती हैं आपको सारे याद होने चाहिए तो हर नेशनल पार्क की हर प्रजाति आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है हर नेशनल पार्क कौन से रिवर वैली बेसिन में आ रहा रिवर बेसिन में आ रहा है यह आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है प्रोटेक्टेड एरिया यह कठिन है ये सारा प्रयास करके भी सारी स्पीशीज को याद रख पाना इतना सरल नहीं होने वाला है किसी के भी लिए ऐसा मुझे लगता है क्या आपको यह सब याद है अगर हाँ तो बताइए आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी होगी तो यह है प्रश्न क्रमांक सात आंसर इस ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर फिर से एक बेहद कठिन प्रश्न घबराइए सरल प्रश्न आगे आने वाले हैं एनवायरमेंट एंड का क्या बोलते हैं ये तो इस प्रश्न में इनका यह कहना है प्यारे दोस्तों कि रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में ग्रामीण सड़क निर्माण में निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय दीर्घ उपयोगिता को सुनिश्चित करता है कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है समझ में आया आपको मतलब एक्चुअली द मटेरियल्स बीइंग यूज्ड आर बीइंग आस्ट अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक ये लग सकती थी प्यारे दोस्तों अगर आपको ये पता होता कि भैया ये जो हॉट मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी है उष्ण मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी यह नॉर्मली कार्बन फुटप्रिंट को कम तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी अगर आप इतना कर पाते तो आपके दो ऑप्शन कोई बहुत ही स्टैंडर्ड ट्रिक मुझे समझ में नहीं आ रही है यही ट्रिक है और इस प्रश्न का अंतिम उत्तर है ए वन टू एंड थ्री तो इसका मतलब पोर्टलैंड सीमेंट भी जो है वो कोई कार्बन फुटप्रिंट कम नहीं कर पाता है लेकिन वन टू थ्री ये ग्रामीण सड़क निर्माण में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए मददगार होते हैं अब ऐसा प्रश्न कोई क्यों पूछेगा क्योंकि दोस्तों जो पेरिस क्लाइमेट डील में भारत के नेशनली डिटर्मिन कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं हमने 2020-2030 के लिए जो सोचा है कमिटमेंट कुछ कुछ दिए हैं उसमें ये सारी चीज़ें मैंशनड हैं और वहां से उन्होंने जोड़ के ये सवाल बना दिया समझ में आया आपको काफ़ी माइक्रो लेवल की चीज़ पूछी गई है भैया तो ये है हमारा ऑप्शन ए डिटेल मैंने दे दिया है जो लोग इसमें गहराई में उतर के पढ़ना चाहते हैं इसको देखें और जैसा मैंने कहा निराश होके सेशन छोड़ के मत जाइए आगे आगे अभी बहुत एक्शन आना बाकी है बहुत मज़ा आना बाकी है तो आप तो बस करते चलिए तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर नाइन और ये थोड़ा सा इजी प्रश्न में मानूंगा हालांकि ये एकदम से सिटर तो नहीं है कि जिसमें मैं कोई ऐसी ट्रिक आपको दे दूं कि जो आप एकदम से ही कर दोगे फोड़ दोगे वैसा तो फोड़ने वाला कार्यक्रम अभी नहीं होगा अब देखते हैं दोस्तों आपने अखबारों में जुडिशरी से संबंधित कोल पावर प्लांट्स को लेकर काफी सारी खबरें सुनी होंगी खासतौर पर दिल्ली में नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने में वहां के पावर प्लांट बदरपुर पावर प्लांट इत्यादि को लेकर खबरें बनती ही बनती हैं अगर वो थोड़ा बहुत आपने सुना होता तो कुछ हद तक इसको क्रैक करने में आपको मदद मिल जाती तो एक चीज तो तय है कि टू डेफिनेटली सही है क्योंकि इस पर इतनी खबरें हमने पढ़ी हैं कि ये तो बिल्कुल सही है ही तो अगर टू सही है तो ए गया और थ्री गया मैं कम से कम दो ऑप्शन तो डिलीट करने में आपकी मदद करूंगा दो विकल्प एलिमिनेट करने में मदद कर दी और टू सही है अब आपको बस ये चेक करना है कि वन सही है या नहीं अगर वन सही है तो ऑप्शन डी होगा वन सही नहीं है तो बी होगा ये मेंटल अप्रोच समझ में आ रही है ना आपको भाई एकदम से आपको मेहनत सारे ऑप्शन पर नहीं करनी है सारे स्टेटमेंट्स पे लॉजिक लगाओ अगर टू चला गया मतलब टू सही है तो ए और सी गए ये दोनों उड़ गए अब आपके पास बचे हैं ओनली टू एंड थ्री एंड वन टू एंड थ्री तो आप सिर्फ वन चेक करो ना थ्री चेक करके क्या आप बहुत बड़ा झंडा बाढ़ लोगे गे थ्री तो दोनों में है समय क्यों खराब कर रहे हो वन चेक कर लो और अगर वन नहीं पता तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि थ्री तो दोनों में है तो करेक्ट आंसर वॉज डी और ये तीनों के तीनों सही हैं दरअसल दोस्तों ये प्रश्न आया और उसी दिन ये न्यूज भी आई कि भारत दुनिया में सल्फर डाइऑक्साइड एमिटिंग कंट्रीज में नंबर वन पे है कितनी खतरनाक खबर है ये मतलब चीन जो हमसे कई गुना अधिक पावर बनाता है मतलब कम से कम पांच गुना तो थर्मल पावर चीन हमसे बनाता है हजार गीगावाट का तो उसका थर्मल कई इंस्टॉल्ड बेस है वो भी हमसे आधे से कम एसो टू मतलब कहीं ना कहीं प्रबंधन में चूक भारत में बहुत भयंकर हो रही है और इसकी कीमत आप और हम नागरिक चुका रहे हैं हम मर रहे हैं एसो से सिंपल सी बात है तो आंसर इज डी वन टू एंड थ्री समझ में आ गया मजा आ रहा है सेशन में इंजॉय कर रहे हैं ज्ञान की गंगा बह रही है यू आर पार टेकिंग इन इट आई होप यूर एंजॉइंग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पर यह एक मॉडरेटली डिफिकल्ट प्रश्न है साइंस और टेक्नोलॉजी में मैं इसको मानूंगा व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचार अब यह इतना स्पेसिफिक प्रश्न है कि अगर बायोचार किसी ने पढ़ा है बीएससी एग्री वालों ने तो पढ़ा ही होगा तो आप इसको सॉल्व कर पाते अगर आप इसको सॉल्व नहीं अदरवाइज कर पाते प्यारे दोस्तों तो बायोचार जो होता है दरअसल उसके संदर्भ में ये तीनों ही तथ्य सही हैं अब बायोचार अपने आप में एक पूरा का पूरा टॉपिक है और ये तीनों चीजें वो करता है समझ में आया आपको ऑल द थ्री आर करेक्ट और ये बायोचार की पूरी की पूरी साइकिल है कि किस हिसाब से बायोचार तैयार होता है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी करता है बायोफ्यूल में मदद करता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन्वेजिव प्लांट मैनेजमेंट यूज एड्जॉर्बेंट ये सारी चीजें बायोचार पर लागू होती हैं समझ में आया आपको और वही उन्होंने यहां पर पूछा है तो आंसर वॉज वन टू एंड थ्री और अगर बायोचार मिस हो गया तो फिर यह प्रश्न हल नहीं हो सकता अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन एग्रीकल्चर और ये सरल प्रश्न है सर आप क्या बात कर रहे हो सर ऐसा प्रश्न कोई सरल होता है इतना कठिन प्रश्न सर आपसे भी नहीं होता सर एग्जाम में तो हाँ हो सकता है नहीं होता लेकिन प्रश्न सरल है क्या बात कर रहे हो सर कैसे सरल है अभी समझाते हैं दोस्तों देखिए, बेसिकली इसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी और वो ये एमएसपी को लेके इतना पूरे भारत में अभी बवाल मचा हुआ है जब ये बोलते हैं कि निम्न में से क्या कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाएगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट न्यूनतम समर्थन मूल्य एक बात बेटा आपको याद रखनी है एमएसपी पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं होता है ये एक मार्केट इंटरवेंशन है एम सरकार की लाई हुई एक बाजार पहल होती है यह पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं होता है यह एक तरह से सोशल सिक्योरिटी गारंटी की जा रही है हमारे किसानों को कि न्यूनतम इतने पे तो सरकार तुमसे कुछ फसलों के लिए तेईस चौबीस फसलों के लिए खरीद ही लेगी हालांकि वो भी सरकारें नहीं करती आई हैं इतने सालों में और नए कानूनों के बाद तो यह और बहुत तेजी से गिरेगा लेकिन यह पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो कहीं भी नहीं है अब अगर यह मूल सत्य आपको पता है तो प्यारे दोस्तों विजेताओं की टोली में आपका स्वागत है करेक्ट आंसर इज सी तीनों में वन थे तीनों उड़ गए आपको समझ आया क्यों मैंने बोला कि ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट सिटर है आपको बाकी कुछ भी नहीं पता हो चलेगा सिर्फ इतना पता हो कि एमएसपी जो है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है तो आपका आंसर टू थ्री एंड सिक्स आ गया अब आपको ये पता चल गया कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट में ये आएगा ये आएगा ये आएगा और ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एक तरह से आई होप आपको मेरी ट्रिक समझ में आ रही है और अब आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई अगले साल अगर परीक्षा देने की स्थिति बनती है तो ये सारे तरीके अपनाने हैं तो कई बार बहुत लंबा प्रश्न जो दिखता है वो दरअसल उतना कठिन होता नहीं है जितना हम सोच के बैठ जाते हैं आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा है और मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं ताकि हर स्टूडेंट को पूरा फायदा मिले और ये सेशन में आप इतना समय देंगे तो आप एक बिल्कुल परिष्कृत एक मेच्योर रिफाइंड एग्जाम टेकर बन के निकलेंगे मैं इसको सिर्फ दस पंद्रह मिनट में भी सती सती कवर कर सकता हूं उसमें रियल स्कॉलर्स को फायदा नहीं होता है तो ये है क्वेश्चन इलेवन और ये हमारा आज का अगला सीटर था अब वही बात है कि अगर ये प्रश्न और ये ट्रिक्स छूटती जा रही हैं तो फिर स्कोर लाने में दिक्कत होगी अगर आपको कृषि कानून विवाद को बहुत ही बारीकी से समझना है तो ये हमारा एक पूरा सेशन उपलब्ध है ये उसकी वेब लिंक है इसको देख लेना कृषि कानून से संबंधित सारे फंडे आपके हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे इज दैट क्लियर तो ये पीडीएफ डाउनलोड आप कर लो बेटा कमेंट थ्रेड में हमने लिंक हमारे इस सेशन के पीडीएफ की भी दे दी है अब आते हैं प्रश्न बारह पर अब इंडियन इकोनॉमी से प्रश्न आने शुरू हो रहे हैं और ये मॉडरेट लेवल का प्रश्न है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इन इंडिया ब्याज व्याप्ति अनुपात अब जिसने ये टर्म कभी नहीं पढ़ी है उसको बहुत दिक्कत होगी लेकिन अगर ये टर्म थोड़ी बहुत भी आपने पढ़ी है तो फिर आपके लिए ये प्रश्न बहुत सरल हो जाता है समझ में आया आपको बेसिकली प्यारे दोस्तों जब हम बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेसिकली कंपनी का जितना भी रेवेन्यू हो रहा है राजस्व हो रहा है उसको हम डिवाइड करना चाहेंगे कंपनी के इंटरेस्ट पेबल से जितना भी राजस्व बिफोर टैक्सेस एंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेएबल मतलब आज अगर ये फिगर 10 है या 20 है या 40 है तो जो आपको लोन दे रहा है उसको ये कॉन्फिडेंस है कि तुम ब्याज चुका पाओगे तुम लोन चुका पाओगे तो ये जितना हाई होगा उतना लोन देने वालों को कॉन्फिडेंस आएगा आपको ये समझ में आया तो थ्री तो गलत ही हो गया ना तो अगर थ्री गलत है तो ये चला गया ये चला गया अब प्रेजेंट रिस्क ऑफ द फॉर्म और इमर्जिंग रिस्क हंड्रेड परसेंट दोनों चीजें पता चलती हैं सो द करेक्ट आंसर इज वन एंड टू ओनली आगे समझ में डिटेल में समझा दिया है, इसको पूरा का पूरा देख लीजिएगा और अगर इस टर्म की डेफिनेशन पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं डेफिनेशन नहीं पता है तो आप इसको हल नहीं कर सकते अभी तक का क्लियर कहीं कोई सवाल कहीं कोई शक पूरी तरह से क्लियर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन पर आ गए हैं एग्रीकल्चर का बहुत ही टफ सवाल है अब ये टफ हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको हल करने के लिए आपको पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए सरकार द्वारा किसी अनाज की खरीदी से लेके भंडारण करने से लेके मार्केट इंटरवेंशन करने से लेके सरकार द्वारा खुद बिक्री करने तक के सारी चीजें पता होनी चाहिए तभी आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे अदरवाइज ये हल नहीं होने वाला तो बेसिकली क्या कहता है ये क्वेश्चन क्वेश्चन ये यह ये कहता है प्यारे दोस्तों कि निम्न में से क्या भारत में चावल के मूल्य को अभी तक प्रभावित कर रही थी यह थी का यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग है एमएसपी सरकार का व्यापार सरकार का भंडारण उपभोक्ता सहायकी सब्सिडी अनुवृत्तियां तो इसमें से किस किस चीज से असर आ रहा था देखिए प्राइस जो होता है वो बेसिकली सप्लाई और डिमांड का फंक्शन होता है ये समझ में आया आपको तो जब सप्लाई और डिमांड का फंक्शन आता है तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो सरकार द्वारा व्यापार करना और सरकार द्वारा किसी चीज़ की स्टॉक पाइलिंग यानी भंडारण करना ये बेसिकली सप्लाई को प्रभावित करता है तो टू और थ्री तो असर डालेंगे ही डालेंगे अब सारे ऑप्शन में देखो टू और थ्री कहाँ कहाँ है ये ऑप्शन उड़ गया ये ऑप्शन उड़ गया अगर तुक्का भी लगाना है तो दो में से लगाना बेटा चार में से नहीं समझ में आ गया आप तो ये टू एंड थ्री ओनली वन टू थ्री एंड फोर होगा अब दूसरे पक्ष पर आओ एक और चार जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये मार्केट इंटरवेंशन है कंज्यूमर सब्सिडी ये एक मार्केट इंटरवेंशन है जो डिमांड को प्रभावित करता है आप पीडीएस में इतने सस्ते में बेचते हैं तो वन एंड फोर भी असर डालेगा फाइनल आंसर इज वन टू थ्री एंड फोर आपको अप्रोच समझ में ही कैसे सॉल्व करना है ये अप्रोच सीखो ये बहुत जरूरी है प्रश्न तो आते रहेंगे जाते रहेंगे बट दिस अप्रोच इज वेरी क्रिटिकल तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करने की कोशिश कर सकते हैं तो अब जब आप तैयारी करें तो ध्यान रखें कि आपको वो पूरा 360 डिग्री डायनामिक पता होना चाहिए कि सरकार का दखल किन किन चीजों में कैसे कैसे कहां कहां होता है इट इज ओनली देन यू विल यू बी एबल टू टैकल सच क्वेश्चन एंड एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन ऑलवेज रिमेन्स अ वेरी इंपोर्टेंट टेक्निक ये याद रखिएगा विकल्पों की मदद से जो काम नहीं करता है वो कम से कम पंद्रह बीस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस आउट कर जाता है तो एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन की टेक्निक इसलिए मैं इंटीग्रेटेड तरीके से ही पढ़ा रहा हूं अब आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था मॉडरेट बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है प्यारे दोस्तों इन द लास्ट फाइव इयर्स नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया अब जिसको थोड़ा बहुत भी दक्षिण एशिया की पहचान है और आप और हम सब दक्षिण एशियाई लोग हैं आप कॉमन सेंस से सोचो नेपाल की अर्थव्यवस्था कितनी छोटी है यार 25-30 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है बांग्लादेश उससे 10 से 11 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है कैसे हो सकता है नेपाल हमारा सबसे बड़ा ट्रेडर पार्टनर हो ही नहीं सकता और उसके अलावा मदेशी आंदोलन और बॉर्डर बंद करने वाला सारा झगड़ा आपको पता है नेपाल भारत के रिश्ते कैसे बुरी तरह से स्लाइड हुए हैं भारत नेपाल तनाव पर मेरा पूरा वीडियो तपस्या की सीरीज में पीटी एजुकेशन एच चैनल पर उपलब्ध है जहां आप वो कृषि वाला देखेंगे वहां भारत नेपाल तनाव भी है वो देख लेना तो थ्री तो हो ही नहीं सकता नेपाल सबसे बड़ा पार्टनर हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि बांग्लादेश इज अ टेन टाइम्स बिगर इकॉनमी एंड अवर रिलेशन विद नेपाल हैव बीन एक्सट्रीमली तो अगर थ्री नहीं है तो पहले तो बेटा ये दो उड़ा दो समझ में आया वंस यू एलिमिनेट डीज टू तो थोड़ी सी क्लैरिटी आती कि भैया धुंध छटी थोड़ी उम्मीद की किरण फूटी और अब दो में से ही सोचना है यस और नो तो अब बस वन चेक कर लो द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड अब अगर ये फैक्चुअली नहीं पता है आपको तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे बट फाइनल आंसर इज ए एंड समझ में आ गया ये है पूरी कहानी करंट अवेयरनेस आधारित है लेकिन बांग्लादेश नेपाल से दस गुना बड़ा है अर्थव्यवस्था ये अगर पता हो तो फिर भी काम सरल हो जाता है आपके लिए ये और नो और ये है एक बड़ा यूजफुल ग्राफ जो आपको इस तरह की चीजें समझने में मदद करेगा तो बेसिकली सार्क के कंटेक्स में यह प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण एशिया में किस प्रकार से ट्रेड का क्या प्रोफाइल चल रहा है ये सब आपके सामने है मजा आया आपको हमारा एनालिसिस में आगे चले देखिए एनालिसिस करने वाले टीचर के लिए बहुत जरूरी है कि वो सिर्फ आपको ये नहीं बताए कि इसका आंसर ये इसका वो आपको ये भी बताए कि आप ये कैसे कर सकते थे और यहां आके अटक जाते हैं ताकि आप जब अगली बार तैयारी करो तो आपको पता है कि हाँ यार मैं यहां यहां अटकूंगा तो मुझे यहां यहां नहीं अटकना है तो तैयारी करते वक्त ही उस चीज का ध्यान रखोगे यस और नो डू यू अग्री विथ मी इफ यू डोंट लेट मी नो वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग आपसे मैं सीख लूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया अब आते हैं अगले सवाल पर देखो ये तो आप गलत कर ही नहीं सकते ये आप गलत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी इतनी बातें हुई हैं इस पर कि ये तो गलत जाना ही नहीं चाहिए अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा मलेशिया न्यूजीलैंड मलेशिया तो है ही नहीं भैया जी ट्वेंटी का सदस्य देश ईरान है ही नहीं जी ट्वेंटी का सदस्य देश सिंगापुर इज अ सिटी स्टेट वो इसका है ही नहीं तो आपका सही आंसर आ गया ए और बिल्कुल ये सही है तो ये करंट अवेयरनेस का इजी प्रश्न था और ये बिल्कुल भी गलत नहीं करना है आपको तो सर क्या हमको ये पूरे 19 कंट्रीज पर यूरोप प्लस यूरोपियन यूनियन याद रखना है जी हां आपको ये याद रखना है और नहीं तो आप इस तरह का लॉजिक लगा सको जैसे ईरान और सिंगापुर तो हो ही नहीं सकते तो कम से कम दो तो उड़ाई दोगे गए yes no? तो ये सोन हो तो यह है पूरी कहानी G20 की उम्मीद करता हूं थोड़ा सा आपको इससे फायदा हुआ मेरे अप्रोच से यह G20 का लेटेस्ट विकीपीडिया इंफॉर्मेशन है काफी यूजफुल कंपाइलेशन रहता है तो मैंने सीधे विकीपीडिया की स्नैपशॉट यहां लगा दिए आई होप इट हेल्प्स यू इन सम वे देख लीजिए एक बार अच्छे से ओके okay? और ये पांच ग्रुप्स में बटा रहता है आपको पता है किस प्रकार से उसमें से शेरपाज होते हैं और पूरी मीटिंग्स होती हैं वगैरह 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 आते हैं क्वेश्चन नंबर सोलह पर सौ तक जाना है भैया लंबी यात्रा है आपका साथ बना रहे तो ये यात्रा चलती रहेगी रुक जाना नहीं तू कहीं हार के ये गवर्नमेंट स्कीम्स का है और हमें लगता है कि ये थोड़ा सा सरल प्रश्न सर इतना लंबा प्रश्न सरल कैसे हो सकता है अभी बताते हैं तुमको थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो दुनिया बहुत सरल भी हो सकती है अब समझो लॉजिक क्या है आपसे क्या पूछ रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के एक बड़ी स्टैंडर्ड गवर्नमेंट स्कीम होती है दोस्तों हमारा गवर्नमेंट स्कीम का पूरा एक पी बहुत शानदार है हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं आप भी उसको जरूर परचेज कीजिएगा मैं आपको लिंक दूंगा उसकी दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में शॉर्ट टर्म क्रेडिट देते हैं किन किन चीज़ों के लिए है ना ये पूछ रहे हैं अल्पकालीन अब खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या ट्रैक्टर खरीदना शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है बिल्कुल नहीं क्योंकि ये महंगी चीज है यार ये शॉर्ट टर्म लोन कैसे हो सकता है अपना घर बनाना और विलेज में कोल्ड स्टोरेज बनाना ये क्रेडिट कार्ड से करने निकले हो तुम मतलब यार महान व्यक्ति हो यार तुम भाई ऐसा तो हो नहीं सकता तो टू और फाइव तो गए अब टू और फाइव गए तो ये गया ये गया ये गया, ये गया और बच गया भी खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व अब ये लॉजिक है ये लॉजिकल तरीका है मैं जानता हूं ये एग्जाम होने के बाद यहां बैठ के बातें करना बहुत आसान है आई नो दैट यही सोच रहे हैं ना लेकिन एग्जाम में भी तो अल्टीमेटली देना तो है ही ना सब प्रश्न आपको प्रश्न का हल तो करना ही है ना आपको प्रश्न पत्र तो देना ही है ना इसलिए वहां भी लगा लो ना इस तरह का लॉजिक दिक्कत क्या इस साल नहीं तो अगले साल लगा लेना तो माय डियर स्टूडेंट्स लार्जर परचेज कैन नॉट बी डन यूजिंग केसीसी तो दो ऑप्शन खत्म ही हो जाते हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि एग्जामिनर भी जब बनाता है प्रश्न तो वो कहीं कही ना कहीं इस चीज को दिमाग में तो रखता होगा तो ये कहीं ना कहीं एक सिटर टाइप का प्रश्न है आपको मेरी अप्रोच में मज़ा आया लॉजिक में मजा आया ये है सिक्सटीन आंसर इज बी थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकता है एंड वंस अगेन आई टोटली अग्री कि यह बाद में बड़ी बड़ी बातें करना बहुत किसी भी टीचर के लिए आसान है लेकिन मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं मैं आपको सोचने के तरीके बता रहा हूं जो सेंसिबल स्कॉलर है वो उस बात को समझेगा होपफुली तो ये जो इतनी सारी स्कीम्स हैं इनको कैसे पढ़ें क्या करें सौ पचहत्तर स्कीम का मास्टर कंपाइलेशन हमने आपके लिए रेडी किया है इस लिंक पर क्लिक करेंगे हमारा बुक स्टोर खुल जाएगा ये बुक खुल जाएगी उसको आप परचेस कर लें डाउनलोड कर लें पीसी लैपटॉप पर पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है इंग्लिश में बनी हुई है बहुत बहुत यूजफुल है आई होप कि आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा बहुत डिटेल में ये सब चीजें कवर की हमने और भी उसके अलावा बहुत कुछ कवर किया है और बहुत ही खूबसूरत ढंग से लेआउट के साथ बनी हुई चीज है जरूर पढ़िएगा प्रश्न क्रमांक सत्रह पर आ गए हैं अब ये जो है ये आसान प्रश्न है अगर यह प्रश्न आपने हल नहीं किया तो फिर आपने इकोनॉमी पढ़ी ही नहीं है भारत की यार मेरे को एक बात बताओ प्यारे दोस्तों इतने सरल प्रश्न को कोई कैसे छोड़ सकता है यह प्रश्न एक सिटर है और एग्जामिनर ने आपके लिए विशेष तौर पर बना के दिया है क्यों देखो यार रिजर्व बैंक ने डब्ल्यू इन्फ्लेशन के लिए यूज करना शुरू किया अगर ये रिजर्व बैंक को बता दिया तो शक्तिकांत दास जी कहीं फिर से सारे नोट डिमोनेटाइज नहीं कर दें नाराज होके इसलिए उनको तो बताना नहीं मत सब कुछ सीपीआई बेस्ड है आपको पता है ना अरे भाई फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग पिछले छह साल से पांच साल से जो चल रही है वो क्या है सीपीआई बेस्ड है ना उर्जित पटेल कमिटी सीपीआई सब भूल गए क्या तो थ्री तो गलत ही है अगर थ्री गलत है तो पहले तो इन दोनों को उड़ा दो ये दोनों गए यस और नो अब ये बाकी दोनों सही हैं लेकिन आपको यह पता ही है ना कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड ज्यादा आता है अरे इसीलिए तो भारत में पूरी इन्फ्लेशन टारगेटिंग को सीपीआई बेस किया गया क्योंकि फूड प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो सरकारें गिर जाती हैं तो सरकार ही जानती थी मोदी सरकार की बात कर रहा हूं तो सीपीआई बेस इसलिए करवाया है ताकि फूड प्राइसेस का लॉजिक आपको इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में बहुत मददगार सिद्ध हो और फूड प्राइस मैनेजमेंट वुड बी अ अंटेस्टिक वे ऑफ एंश्योरिंग जनरल सोशल स्टेबिलिटी जो डब्ल्यूपीआई मैनेजमेंट से नहीं हो पाता था यह इसके पीछे का पॉलिटिकल इकोनॉमी एंगल था आपको समझ में आया तो वन एंड टू बोथ आर करेक्ट और ये बिल्कुल सिटर प्रश्न है आपको मैंने इसके पीछे की पॉलिटिकल इकोनॉमी एंगल भी समझा दिया जो हो सकता है आप में से कहीं को पता ही नहीं हो तो आज पता चल गया कितने लोगों ने सही किया कमेंट ट्रेड में एक बार बताओ कि यस सर अभी तक के मेरे ये सिटर्स तो सारे सही हो गए बताते चलिए अब आप बोलेंगे कि सर एक बार ब्रेकअप भी तो दिखा दो ये रहा ब्रेकअप फूड एंड वेवरेज पैंतालीस प्रतिशत बदलता रहता है हर साल और होलसेल में जो है वो बहुत कम है तो प्यारे दोस्तों इसीलिए तो एफ में ये सब लाया गया और ये हमारा सिटर प्रश्न था ये आपको नहीं छोड़ना चाहिए था ये तो करना ही चाहिए था अदरवाइज स्कोर कैसे आएगा निराश मत होइए हो सकता आपने दूसरे कुछ बहुत अच्छे कर लिए हो जो हमें नहीं पता है अब जोग्राफी पे चलते हैं तो हमें बॉलीवुड का वो बहुत खूबसूरत उन्नीस सौ का गीत याद आ गया ताल मिले नदी, के जल में, नदी मिले सागर में तो भैया जब आप यूपीएससी की तैयारी करें सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी नदी कौन से जल में जाके मिल रही है अब ये तो बहुत ही बेसिक ज्योग्राफी की बात है ये सभी को पता होता है इसमें नई कोई भी बात नहीं ना तो ये डिफिकल्ट प्रश्न है आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं वोल्गा नदी कैस्पियन में ड्रेन करती है और जाम्बेजी इंडियन ओशन में ड्रेन करती है दोनों नदियां बिल्कुल सही मैश है लेकिन टेम्स जो है वो आयरिश सी में नहीं जाता नॉर्थ सी में जाता है और मैकोंग दक्षिण चीनी सागर में जाता है एंडमन में नहीं जाता है तो अगर आपको ये पता है तो थ्री एंड फोर ओनली आपका आंसर होगा और ये ज्योग्रफी का बहुत बेसिक है दोस्तों अगर आपने ये गलत किया मतलब आपने ज्योग्राफी की पढ़ाई ढंग से नहीं की है कौन सा रिवर किस ओशन में जाके गिरता है ये आपको मालूम होना चाहिए तो ये है पूरी पूरी कहानी प्यारे दोस्तों तो जैसा आप देख रहे हैं मैकोंग को वो जा रहा है साउथ चाइना सी में जैसा आप देख रहे हैं टेम्स को वो जा रहा है नॉर्थ सी में जैसा आप देख रहे हैं जाम्बेजी रिवर को वो जा रहा है इंडियन ओशन में और जैसा आप देख रहे हैं वोल्गा रिवर को वो जा रहा है कैशपियन सी में समझ में आया तो यहां से आगे नदियों का थोड़ा ध्यान रखना और गाना हमारे साथ गाते रहिएगा जीवन में सुरताल अच्छा रहे तो काम करने में मजा भी आता है ओहरे ताल मिले नदी के जल में उस गीत के खूबसूरत लिरिक्स अगर आप में से कोई ढूंढ के कमेंट थ्रेड में पेस्ट कर दे तो हमारा डबल आशीर्वाद मिलेगा और अगले एग्जाम में इस गीत को लिखने के लिए मतलब इसकी स्क्रिप्ट डालने के लिए यहाँ पर लिरिक्स डालने के लिए एक मार्क एक्स्ट्रा एड होगा आपके एग्जाम स्कोर में नाइनटीन प्रश्न पर आ गए गवर्नमेंट स्कीम्स का मॉडरेट लेवल का टफ क्वेश्चन है ये अब इसमें भी एक छोटी सी ट्रिक लग सकती है अगर आपने लॉजिकली पढ़ाई की है आपको पढ़ाने वाले टीचर्स ने अगर रट्टा नहीं लगवाया है और थोड़ा बहुत लॉजिकली करवाया है तो कुछ हद तक इसका एक हिस्सा तो हल होता है कैसे कथनों पर विचार करें बिल्कुल सर उसी लिए तो आए या कथनों पर विचार करने पहला कहता है कि सभी सीरियल्स पल्सेस और ऑयल सीड्स में एमएसपी इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट एंड यूटी अब जैसे ही आप ये अनलिमिटेड देखें आपको बहुत जोर से प्यारे दोस्तों जो खरीदी होती प्रापण होता है प्रोक्योरमेंट को प्रापण कहते हैं हिंदी में बड़ा प्यारा शब्द है खरीद को ये अनलिमिटेड होगा किसी भी स्टेट और यूटी में जैसे ही आप ये देखें तो बहुत तेजी से दिमाग में वो फायर ब्रिगेड के घंटे बजने शुरू होने चाहिए टंग टंग, टंग, टंग. अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट भारत में कोई भी सरकार कभी भी अक्रॉस स्टेट्स यूटीज कर ले तो भैया भारत तो फिर सुपर पावर अल्ट्रा एडवांस देश बन जाएगा पॉसिबल ही नहीं उतने रिसोर्सेस ही नहीं है हेंस वन इज डेफिनेटली रॉन्ग तो अगर वन डेफिनेटली रॉन्ग है तो ये दो तोड़ गए अब सीरियल्स और पल्सेस के केस में द एमएसपी इज फिक्स इन एनी स्टेट यूटी एट अ लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज इन एनी स्टेट यूटी एट अ लेवल तो इसमें एक आशय ऐसा लग रहा है प्यारे दोस्तों कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अलग अलग एमएसपी होगा ऐसा थोड़ी ना होता है और हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश शायद खुद का ही तय कर रहा है ऐसा थोड़ी होता है हेंस नाइदर वन नॉट टू समझ में आ गया आपको तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स में मॉडरेट है उम्मीद करता हूं आपको मजा आया इस अप्रोच को आपको समझ में आया अब इसमें भी क्या है वो पीएम आशा स्कीम जो है ना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान ये सब उससे जुड़ी हुई चीजें हैं और वो हमने आपको जैसे बताया दोस्तों वो आपको इसमें बहुत अच्छे से मिलेगा बहुत डिटेल में मैंने कवर किया इतना बारीकी से और प्यार से ये पूरा हमने तैयार किया टीम ने मिलकर कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको इसमें मिलेंगे और ये साल भर पढ़ने वाला दस्तावेज है उम्मीद करूंगा कि आप उसको परचेज करके पढ़ेंगे शायद आपको फायदा हो तो ये नाइनटीन का आंसर था डी समझ में आ गया भैया आगे चलें कई बार लोग बोलते हैं कि यूपीएससी ऐसी एग्जाम है कि जहां डेफिनीशंस रटने से थोड़ी होता है अगर अगली बार कोई तुम्हें बोले तो ये प्रश्न उठाकर उसके मुंह पर मारना मतलब फिगरेटिवली मारना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पूरी तरह से डेफिनेशन आधारित प्रश्न है कमर्शियल पेपर की डेफिनेशन सर्टिफिकेट डिपॉजिट की डेफिनेशन कॉल मनी की डेफिनेशन जीरो कूपन बॉन्ड्स की डेफिनेशन वाणिज्यिक पत्र जमा प्रमाण पत्र शीर्घावधि द्रव्य और शून्य कूपन बॉन्ड अगर आपको इनकी डेफिनेशंस पता थी तो आप इनको सॉल्व कर सकते थे अब मजे की बात है कि चारों की डेफिनेशन पता होना जरूरी नहीं होता है कभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एलिमिनेशन तो हो ही जाएगा जीरो कुपोन बॉन्ड का मतलब ही है उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है तो इंटरेस्ट बेयरिंग कैसे होगा उड़ाओ इसको ये दोनों उड़ गए बात समझ में आ रही है ना अप्रोच क्या रहती है इसमें लॉजिक थोड़ा बहुत तो कही कहीं ना कहीं लग ही सकता है ना ऐसा थोड़ी कि लॉजिक लगेगा ही नहीं और ये शॉर्ट टर्म होता है उड़ाओ इसको तो आंसर इज वन इन थ्री अब आपको अगर वन नहीं पता है और आपको थ्री नहीं पता है तो भी आपका आंसर आ गया आप एक मजे की बात देख रहे हो दोस्तों मुझे वन नहीं पता है क्या होता है मुझे थ्री नहीं पता लेकिन मुझे पता टू तो पक्के में शॉर्ट टर्म है और थ्री डेफिनेटली इंटरेस्ट फ्री ही होता उसमें इंटरेस्ट होता ही नहीं है तो टू और फोर को एलिमिनेट करने के चक्कर में मेरा आंसर आ गया और मुझे वन और थ्री पता ही नहीं था तो भी आंसर आ गया बस यही तो है ना खेल सारा आप समझ रहे हो ना बात को तो इंडियन इकोनॉमी मॉडरेट ये बहुत प्यारा है ये सारी चीजें हमने अपने इकोनॉमी के कोर्स में बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं तो हमारा जो लाइव प्रोग्राम है दोस्तों आप जरूर जरूर एनरोल कीजिएगा उन्नीस अक्टूबर तो से बैच शुरू हो रही हर महीने एंट्री पॉइंट रहेगा उसमें और उसमें इंडियन इकोनॉमी का मॉड्यूल पॉलिटी का मॉड्यूल साइंस और टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल एनवायरमेंट इकोलॉजी का मॉड्यूल बहुत बढ़िया से हम पढ़ाएंगे लाइव आप हमारे साथ पढ़ें हमें बहुत आनंद आएगा आपको बहुत मजा आएगा पढ़ के तो ये है भैया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर मैंने यहाँ फिर भी चारों की परिभाषाएं आपके लिए लिख दी हैं आई होप आपको इससे बहुत 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 मदद मिले यस और नो मजा आ रहा है तो हमारा भैया बीस परसेंट पेपर कंप्लीट हो गया क्या आप बात कर रहे हो सर अभी तक अभी अस्सी परसेंट पेपर बचा है अरे सर अब क्या होगा कुछ नहीं होगा चलते जाएंगे और कर लेंगे यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से क्वेश्चन ट्वेंटी वन पर आ गए हैं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन भी है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे शेड्यूल्स आपको पता होने चाहिए डब्ल्यू पी ए के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट डब्ल्यू पी ए उन्नीस आपको एक बात बताएं हम इंदिरा गांधी जो है उन्होंने एनवायरमेंटल और वाइल्ड लाइफ रिलेटेड लॉज में पूरी क्रांति लाई थी इंदिरा गांधी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट एट ब्रॉड होल न्यू चैप्टर अ होल न्यू एरा इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ सारे बड़े कानून सत्तर के बाद बनना शुरू हुए थे बहुत सारे शिकार पे प्रतिबंध लगा था तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी बना उसकी अलग अलग सूचियां बनी और जो सूची छे में है ना भैया सूची छे में बेसिकली टच ही मत करना देखना ही मत नहीं तो जेल जाओगे बस ये है सूची छे अब अगर आपको याद था तो यह उसका आंसर इसके अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते हैं इसमें और यह है प्यारे दोस्तों कौन कौन से प्लांट्स हैं उसमें उसकी लिस्ट मैंने यहां बता दी छह प्लांट्स हैं जिनको आप छू नहीं सकते आप उनको कल्टिवेट किसी भी हालत में नहीं कर सकते यह आंसर है बाकी के शेड्यूल्स में क्या है वो भी मैंने यहां लिख दिया है यह सब कुछ बताया गया है तो क्या सर ऐसे शेड्यूल्स में ब्रॉडली क्या कवर होता मालूम होना चाहिए होना ही चाहिए ना प्रश्न पूछा है तो अब आप वैसा प्रश्न मत पूछो होना ही चाहिए यस और नो सेशन को लाइक और शेयर कर लिया कि नहीं भैया विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी द टाउन घंटाशाला कदूरा एंड चौल वर वेल नोन नोनेस अब यह नाम ही पहली बार सुनाई दे रहे हैं इस तरह के नाम बहुत पॉपुलर नहीं होते हैं एंशियट हिस्ट्री के टीचर्स ने भी उनमें से कईयों ने जो मैंने बात की समझ में आता है कि ये बहुत ही इजोटेरिक टाइप का क्वेश्चन था तो जो प्योरली एंशंट हिस्ट्री ही पढ़ाते हैं हाँ ऑप्शनल लेवल पर शायद आपने देखे हो बट अदरवाइज जनरली नहीं होते हैं और इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर आप सभी को पता ही है अब तो दोस्तों ये सभी के सभी पोर्ट्स थे ये सभी बंदरगाह थे समझ में आया अब ये तो आप गेस कर ही नहीं सकते नाम से तो पता चलना ही नहीं है हेंस दीज वर ऑल पोर्ट्स तो ये बहुत कठिन प्रश्न था पूरी तरह से फैक्चुअल प्रश्न था और ऐसे प्रश्न अगर पूछने पर एग्जामिनर आ जाए तो फिर तो कितनी भी तैयारी आप करके जाओ वो हमेशा ऐसा सवाल पूछ सकता है जिसका उत्तर आपको आएगा ही नहीं तो ये एक टफ प्रश्न है ऐसा हम कहेंगे वेरी वेरी टफ आप में से कितनों ने इसको सॉल्व किया मतलब तुक्का लगा के नहीं आप में से कितनों ने एक्चुअली नॉलेज के आधार पे इसको सॉल्व किया बताइए हमें तो बहुत अच्छी बात है मतलब आई एम प्राउड ऑफ यू इफ यू हैव डन इट इट्स समथिंग वेरी रिमार्केबल क्वेश्चन ट्वेंटी पर आ गए एग्रीकल्चर में मॉडरेटली टफ प्रश्न है आपको याद होगा दोस्तों हाल फिलहाल में काफ़ी बातें हो रही थी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की जेड बी एन एफ मालूम है ना आपको उसी के कंटेक्स में जीरो टेलेज और ऐसी ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऐसी बहुत सी चीज़ें पिछले दो सालों में बजट में भी आने लग गई हालांकि इनमें यील्ड को लेकर बहुत संशय है कि पूरे भारत में ये करेंगे तो भूख से मरने की नौबत नहीं आ जाएगी यील्ड नहीं आएगी क्योंकि केमिकल आधारित ग्रीन रेवोल्यूशन वाला एग्रीकल्चर ही हमें जिंदा बचाए हुए है ऐसा कॉमन मान्यता है अब क्या होगा वो तो करने के बाद ही पता चलेगा क्वेश्चन 23 में शून्य जुताई यानी जीरो टिलेज के फायदे क्या क्या होते हैं यह पूछा गया है तो यह बेसिकली वही जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और उनके विपरीत चलने वाला जो कृषि होता है वो पूछा गया है मजे की बात यह है कि जीरो टिलेज का मतलब ही है कि आपको पिछली बार का रेसिड्यू बर्न नहीं करना पड़े तो पराली जलाना जरूरी नहीं होता है तो वन तो डेफिनेटली सही है अगर वन सही है तो आप इन दोनों को उड़ा सकते हैं थ्री चेक कर लीजिए अब उसके बाद और ये तो हंड्रेड परसेंट होगा कार्बन पृथक्करण होने लगता है क्योंकि वो रेसिड्यू वहीं रह जाता है तो करेक्ट आंसर इज वन टू एंड थ्री समझ में आ गया जीरो टिलेज के ये तीन फायदे हैं तो कृषि में आप देख रहे हैं ना किस किस तरह के सवाल आ रहे हैं मैंने आपके लिए डिटेल आंसर बना दिए हैं इनका हिंदी करंट भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगा लिंक्स कॉमेंट में दी हैं थोड़ा सा ढूंढिए पढ़िए बहुत फायदा होगा तो यह है हमारा आंसर डी फॉर क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री अभी तक कितने बच्चों के अच्छे खासे सही गए अब यह एक ऐसा खतरनाक प्रश्न है इंडिया नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स तो यह सरकारी योजनाओं पर एक बहुत ही टफ प्रश्न है क्यों क्योंकि वो ये बोल रहा है कि बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल जैव ईंधन उत्पादन में कच्चा माल क्या क्या हो सकता है मतलब सारा कच्चा माल याद रखो यही मतलब हुआ ना इसका और क्या मतलब हुआ जितना रॉ फीडस्टॉक हो सकता है आपको सारा याद रखना है और तभी आप आंसर दे पाएंगे तो इसका आंसर तो फिलहाल था वन टू फाइव एंड सिक्स ओनली समझ में आया वन टू फाइव एंड सिक्स ओनली ये नहीं होता है ये नहीं होता है तो अब ये जितनों को पता है बहुत बहुत बधाई यू हैव डन एक्सीलेंटली वेल फॉर योर सेल्फ बट ये आपको फिर पूरी सीरीज याद रखनी पड़ेगी और यह याद रखना है आपको समझ में आ रहा है आपको यह पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का एमओपीएन तो बायोफ्यूल के रॉ मटेरियल आपके सामने है तो अगली बार ये पूरा याद रख के जाइए तो फिर दिक्कत नहीं आएगी पर सर अगली बार यह सवाल थोड़ी आएगा हाँ बहुत समझदार हो यार गुरु तो यह है पूरा पूरा उत्तर प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया कि किस तरह से और कैसे चीजों को पूछा जा रहा है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पर आ गए अब हम एक चौथाई प्रश्न पूरा हो गया प्रश्न पत्र हमारा एनवायरमेंट एनकोलॉजी मॉडरेट लेवल का टफनेस है पर्यावरण परिस्थिति की तंत्र का मॉडरेट लेवल का प्रश्न है ये क्या पूछ रहे हैं यहां पर अब ये वन हंड्रेड परसेंट एक डेफिनेशन बेस्ड है जो आपको आना चाहिए सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या होती है कार्बन का सामाजिक मूल्य ये जो पद है इस पद का बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है इट इज मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द आर्थिक मूल्य के रूप में यह किसका माप है ऑफ द ए बी सी डी अब चारों ही सही लगते हैं मतलब ये तो एग्जैक्टली exactly पता हो तो ही सॉल्व हो पाएगा और इसका सही उत्तर है ए समझ में आया आपको तो अब यह पता है तो पता है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन नहीं पता है तो नहीं पता है तो यह प्योरली डेफिनेशन बेस्ड था और थोड़ा मॉडरेटली टफ इसलिए क्योंकि इन तीनों में से एलिमिनेट करने का कोई चांस ही नहीं था कहीं से कहीं करेक्ट आंसर इज ए प्यारे दोस्तों आपको हम बहुत प्यारी चीज़ बताना चाहते हैं हमारा जो YouTube चैनल है पी टी एजुकेशन एच क्यू इस पर नए नए वीडियोज़ आते रहते हैं लेकिन हमारा एक प्रीमियम सेक्शन भी है YouTube पर जिसमें हम करंट अफेयर बूस्टर प्रीमियम और पावर ऑफ टेन एडिटोरियल एनालिसिस देते हैं आप में से जो भी मेन्स की तैयारी कर रहे हैं बेधड़क आइए और ये लेवल टू अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए इसमें आपको अभी तक के हमारे मतलब आज जब मैंने सेशन लिया तो लगभग नब्बे सेशन तो लेवल वन के रेडी हैं और 15 से 16 सेशन पावर ऑफ 10 के एडिटोरियल एनालिसिस के रेडी हैं आपको क्या फायदा होगा अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बहुत बड़ा फायदा ही होगा कि ये सभी सेशंस में आपको एडिटोरियल एनालिसिस टॉप लेवल का मिलेगा सारे मैंने किए हुए हैं और आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे तो आपके इतने सारे टॉपिक एक झटके में बिल्कुल पिक एंड चूज करके आप पढ़ सकते हैं और अगर आप आने वाले सालों की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम टॉप लेवल का बिल्कुल गोल्ड लेवल ये करंट अफेयर्स की तैयारी और एडिटोरियल एनालिसिस की तैयारी हम करवाते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़े दोस्तों ज्वाइन का बटन वीडियो के नीचे है ये मंथली मेंबरशिप्स होती हैं थ्री मंथली सिक्स मंथली यूट्यूब ऑप्शन देता है पे कीजिए ज्वाइन कीजिए होप टू हैव यू विद मी इन दूट्यूब मेंबरशिप थैंक यू सो मच क्वेश्चन ट्वेंटी पर आ गए हैं दालों के उत्पादन के संदर्भ में बहुत कठिन सवाल है दोस्तों एकदम बारीक मतलब आपको बिल्कुल दाल के व्यापारी के बराबर ज्ञान होना चाहिए भैया इसमें उसके बिना नहीं होगा तो बिल्कुल बारीक अलग अलग दालों के ऊपर ये पूछ रहे हैं कि इस दाल का क्या उस दाल का क्या एक्सेट्रा एक्सेट्रा और इस प्रश्न का सही उत्तर था वन ओनली केवल एक ऑप्शन ए तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट ब्लैक ग्राम यानी कि उड़द खरीफ और रवि दोनों में इसकी खेती होती है लेकिन ग्रीन ग्राम यानी कि जो मूंग है वो आधा नहीं है वो उससे कहीं कम है तो टू इज डेफिनेटली रॉन्ग अगर ये आपको पता होता तो आप ये तीन ऑप्शन उड़ा देते तो बिल्कुल ये उस हिसाब से सिटर हो जाता अगर आपको ये पता था कि मूंग दाल 50 परसेंट नहीं है बल्कि वो एक छोटी दाल है तो तीनों ऑप्शन चले जाते उस केस में तो हम मान जाएंगे कि ये सिटर है लेकिन अगर मूंग दाल जो है वो आपको नहीं पता है कि वो 50 परसेंट से कम है उस केस में उसको कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता येस और नो समझ में आया भैया आपको वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड खास खा के मोटा हो गया यूपीएससी एसपैरेंट कमरे के बाहर नहीं निकलता ना पढ़ाई में लगा रहता है तो आंसर इज ए और ये अलग अलग दालें हैं भारत की जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों एग्जाम की तैयारी करते समय उन सी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा यू विल हैव टू रिमेंबर द वेरियस काइंड ऑफ पल्सेस ईयर और ये सेवन हाई प्रोटीन पल्सेस की इमेज यहाँ पर दी हुई है हमने और कौन सा क्रॉपिंग सीजन किसका कब है वो भी यहाँ दिया हुआ है क्योंकि वो भी एक ऑप्शन में था तो ये आपको पता होना चाहिए इसलिए यहां हमने इंफॉर्मेशन लगा दी है ठीक है तो अगर ये आपको पता था तो तो सब कुछ ठीक है लेकिन मतलब ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर हाफ द पल्स प्रोडक्शन पता था तो बात अलग है पर वैसा है नहीं और इसलिए सिचुएशन एकदम से बदल जाती है भैया यस और नो ये देख रहे हैं ना ये रहा ठीक है तो विद्यो परमिशन कैन आई मूव ऑन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन बहुत कठिन प्रश्न है एग्रीकल्चर का एक एक फसल का एग्जैक्ट क्रॉपिंग पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए मतलब व्हेन यू नाउ प्रिपेयर फॉर एग्रीकल्चर फॉर द नेक्स्ट ईयर यू हैव टू बी वेरी थर विद द माइक्रो लेवल ऑफ प्लांटेशन ऑफ ईच और ये काफी क्लोज है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अनरिलेटेड क्रॉप दी है यह प्रश्न कठिन सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज है अदरवाइज ये हो जाता इसका उत्तर तो था कॉटन ये सारे फैक्ट्स कॉटन पर लागू होते हैं आपको पता ही है दक्षिण यूएसए में पूरे पूरे स्लेव्स को ले जाके कॉटन की खेती ही खेती करवाई जाती थी शुगर केन की खेती करवाई जाती थी तो ये है कॉटन और ये उसका उत्तर है लेकिन हमने साथ ही में जूट शुगर केन टी के बारे में भी जानकारी यहाँ लगा दी है ताकि आपको क्लियर रहे कि एग्जैक्टली क्या है भारत में कॉटन की खेती बीटी कॉटन पर शिफ्ट हो चुकी है जैसा आपको पता ही है कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड और अब सरकार ने एक और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल की अनुमति दे दी है वो कौन सी है फील्ड ट्रायल के लिए तो वो कौन सी जल्दी से बताइए कहीं बीटी ब्रिंजाल तो नहीं है तो दस साल पहले उस पर बैन क्यों लगा था क्या जीएम फसलें अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं हमें बताएं लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए या आप उसमें तटस्थ हैं हमें बताइएगा कॉमेंट थेड में जरूर क्वेश्चन ट्वेंटी एट पर आ गए साइंस और टेक्नोलॉजी का विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हमारे हिसाब से एक मध्यम स्तरीय प्रश्न है वाटर पंप सोलर वाटर पंप्स के कंटेक्स में सवाल पूछा जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग है मतलब सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि सोलर वाटर पम्प हो सकते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं उनमें लगने वाली टेक्निक क्या हो सकती है सब कुछ ही पूछा जा रहा है मतलब द डेप टू विच हैव गॉन इन सर्टन क्वेश्चन इतनी गहराई में ये ये चले जाएंगे ये सामान्यतः ये किसी ने नहीं सोचा था लेकिन अब गए हैं तो गए हैं तो क्या पूछ रहे हैं यहां पर सोलर पावर कैन बी यूज फॉर ओनली सर्फेस पंप एंड नॉट सबमर्सिबल ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सोलर पावर एक बार कैप्चर हो गई तो जमीन के ऊपर रखा क्या और नीचे रखा क्या उससे क्या फर्क पड़ना है तो ये दोनों उड़ जाता है सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल एंड नॉट विथ पिस्टन उससे पावर को क्या लेना देना है वो तो एक बार पावर कैप्चर होगी तो दोनों ही चला देगा हेंस नाइदर वन नॉट टू अब ये मेरे लिए आसान है एनालिसिस करना लेकिन एग्जाम में बैठ कर स्टूडेंट के लिए इतना आसान नहीं होगा आंसर फिलहाल था नाइदर वन नॉट टू अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन को लेकर हमारी एनालिसिस को लेकर और आंसर को लेकर आपको डाउट है बताइए कॉमेंट थेड में हम आपसे सीख लेंगे क्या दिक्कत है कोई भी यहां परम ज्ञानी तो है नहीं वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर तो हमें आप बताइएगा कहां कहा हम गलत जा रहे हैं तो मजा आएगा लेकिन थोड़ा शालीनता के साथ बताना आजकल का जो सोशल मीडिया का कल्चर है गाली-गलौची कल्चर, उसमें मजा नहीं आता तुम तो स्कॉलरली इंटेलेक्चुअल लोग यार वैसा नहीं करना है तो नाइदर वन नॉट टू इज द करेक्ट आंसर आई होप दिस इज क्लियर डिटेल दे दिया है मैंने पढ़ लीजिएगा हिंदी भी आपको वेबसाइट पर पूरा मिल जाएगा मेरी देख लेना तो यह है सबमर्सिबल पंप और यह है सरफेस पंप दोनों में ही सोलर पैनल तो बिजली पकड़ने का काम करता है उसको इससे क्या मतलब पंप रखा वायर नीचे तक जाएगी और क्या होगा यह है पिस्टन वाला पंप यह है सेंट्रीफ्यूगल वाला तो दोनों ही चलेंगे उनको इससे कोई लेना देना नहीं है तो मैंने यह सब इसलिए लगा दिया कि थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज में मिल जाए तो नुकसान कुछ नहीं होता है अब आते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी एग्रीकल्चर का बहुत ही कठिन सवाल क्यों कठिन सवाल क्योंकि शुगर केन कल्टीवेशन की तकनीक पूछी गई है तो मुझे दो मिनट के लिए लगा कि बीएससी एग्रीकल्चर का फाइनल ईयर का पेपर तो नहीं चल रहा है लेकिन फिर ध्यान से देखा तो यूपीएससी का ही पेपर था तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का आंसर है सी स्टेटमेंट्स वन एंड फोर आर करेक्ट अगर आप इस फील्ड से नहीं है ये वन करेक्ट है फोर करेक्ट है तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी डिटेल मैंने यहां समझा दिया है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए इस क्वेश्चन को आप छोड़ के आगे बढ़िए इसको नमस्कार चमत्कार कीजिए और आगे बढ़िए टेंशन मत लीजिए बहुत ज्यादा परेशान मत होइए क्वेश्चन नंबर थर्टी पर आ गए एग्रीकल्चर का फिर से एक कठिन सवाल फिर से एक कठिन सवाल तो क्या है इस प्रश्न में भारत के संदर्भ में हमें यह बताना है कि विच प्रैक्टिस आर इको फ्रेंडली प्रैक्टिस समझ में आया आपको यानी पारितंत्र अनुकूली कृषि पारितंत्र अनुकूली कृषि इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर क्रॉप डिवर्सिफिकेशन फसल विविध रूपण लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन ये बहुत प्यारी चीज़ है भैया लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन शिम्ब आधिक्य लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन टेंश्योमीटर यूज टेंशोमीटर का प्रयोग वर्टिकल फार्मिंग ऊर्ध्वाधर कृषि तो अब सवाल यहां पर यह है प्यारे दोस्तों कि इनमें से क्या क्या इको फ्रेंडली में हमारी मदद करेगा कठिन सवाल है क्योंकि ये वाकई में पता होना चाहिए तभी काम होता है अदरवाइज ये काम नहीं होता है अब लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन तो एक बहुत पॉजिटिव प्रैक्टिस होती ही है ये सबको पता है तो इससे कोई नुकसान तो होना ही नहीं है कहीं से कहीं तक टू तो आंसर का हिस्सा हो गई होगा तो मोस्ट लाइकली ये दोनों गलत हो सकते हैं पक्के में नहीं कह सकते लेकिन ये मोस्ट लाइकली गलत ही होंगे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से डेफिनेटली सॉइल मैनेजमेंट में बहुत मदद मिलेगी तो वन भी होगा लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो अब आपको एक बार फोर चेक करना पड़ेगा वर्टिकल फार्मिंग से जमीन बहुत बचेगी पानी बहुत बचेगा तो वही तो इको फ्रेंडली होता है वर्टिकल फार्मिंग आपको पता है ना शहरों में पूरी पूरी बिल्डिंग्स में वर्टिकली फार्मिंग हो रही है आजकल क्योंकि खेतों की जगह नहीं है या दिक्कत है तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी विच इज वन टू थ्री एंड फोर ये चारों के चारों बहुत यूजफुल हैं टेन मीटर जो होता है वो पानी कब डालें कब नहीं डालें उसके लिए होता है अब देखिए आपको हो सकता है चारों में से कोई एक चीज डेफिनेटली पता हो तो वहां से शुरू करो जो नहीं पता उसको लेकर रो मत और यह है एग्रीकल्चर का अगला सवाल जिसका आंसर है डी अब लेग्यूम्स पे लगे हाथों कुछ इनपुट आपको दे देता हूं तो यह आपके सामने लेग्यूम्स उसी में आते हैं पीस पीनट सोयाबीन फ्रेश बीन्स और सारे के सारे पल्सेस अब लेग्यूम्स पल्सेस और बीन्स को लोग इंटरचेंजेबली यूज तो कर लेते हैं लेकिन लेग्यूम में सब कुछ आ गया लीव स्टेम स्पॉट्स पल्स जो होता है जो दालें होती हैं दोस्तों वो एडिबल सीड होता है लेग्यूम प्लांट का खाद्य बीज जो ये सारी दालें हम खाते हैं इसके बीज होते हैं खाने वाले बीज होते हैं लेग्यूम्स के समझ में आ गया और बीन्स बेसिकली दालों का एक प्रकार होता है अब ये वर्टिकल फार्मिंग के सारे लाभ यहां दिए हैं जिसमें आपको इको फ्रेंडलीनेस समझ में आ जाएगा और ग्रेन लेग्यूम के फायदे तो ये सब मैं एक्स्ट्रा एडिशनल इनपुट आपको दे रहा हूं आई होप आपको हमारी टीम की मेहनत अच्छी लगेगी ये बनाने में बहुत समय लगता है लेकिन आपको फायदा हो हजारों स्टूडेंट देखते हैं इसको आगे स्प्रेड करें सेशन को लाइक और शेयर करें और कम से कम पांच से छह कमेंट अलग अलग इसमें कॉमेंट थ्रेड में दीजिए दोस्तों और टेस्टिमोनियल फॉर्म जरूर भरिएगा सारी लिंक्स कॉमेंट्स में दी हैं पढ़ लीजिएगा एक बार इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही सरल प्रश्न है ये आप गलत कर ही नहीं सकते करना ही नहीं चाहिए इसको गलत आपने अगर इसको गलत कर दिया तो भैया एक सीटर आपने छोड़ दिया देखो यार दोस्त आपको पता है कि भारत सरकार एफ डी आई एफ बी आई दोनों लाना चाहती है भारत सरकार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों लाना चाहती है दोनों में से ज्यादा क्या लाना चाहती है एफडीआई क्यों एफडीआई तो पैसा है शेयर में लगता है कंपनी की होल्डिंग में लगता है प्लांट में मशीनरी में लगता है कर्जा थोड़ी होता है कि चुकाना है तो सबसे बड़ी चीज एफ डी आई की जो पहली लाइन कोई भी टीचर अपनी क्लास में पढ़ाता है किसी भी स्टूडेंट को जो पढ़ता है पहली लाइन इट इज अ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो अब अगर आपको यही नहीं पता है कि एफ डी आई ये होता है तो यार गुरु फिर आपने इकोनॉमी की क्या तैयारी की ऑप्शन टू समझ में आया कि नहीं देखो ध्यान से और अगर ये क्लियर है तो आपने क्वेश्चन क्रैक कर दिया है आंसर इज ऑप्शन बी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं दिस इज हंड्रेड परसेंट करेक्ट आई होप दिस इज क्लियर और सिर्फ लिस्टेड कंपनी में क्यों ये तो अनलिस्टेड में भी आ सकता है ना प्राइवेट इक्विटी आ सकती है बाहर से डेट सर्विसिंग तो होती नहीं है ना ऋण कहां चुकाना ये ऋण थोड़ी होता है सारे के सारे उड़ जाएंगे और ये तो एफ है ये एफ है ही नहीं क्लियर और नॉट तो ये मेरे ख्याल से एक बिल्कुल सिटर था एंड आई होप आपने सही किया कितने लोगों ने इसको सही किया एक बार कंफर्म करो कॉमेंटेड में बताओ हमें क्वेश्चन नंबर थर्टी टू पर आ गए एक तिहाई प्रश्न पत्र पूरा होने जा रहा है इंडियन इकोनॉमी का इजी सवाल विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड विच ऑफ दीज आर करेक्ट प्यारे दोस्तों हमने हमारे हर सेशन में भारत के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को लेकर कुछ बेसिक सत्य लोगों को बताए हैं कि भाई पिछले सात आठ साल से भारत का एक्सपोर्ट जो है तीन सौ बिलियन डॉलर पे फिक्स हो गया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट प्लस माइनस टेन परसेंट हम अटक गए हमारी सुई अटक गई है इसीलिए गोयल साहब उसको हजार बिलियन पे ले आने की बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही बात है वो तो 300 बिलियन प्लस माइनस 10 परसेंट पे हम घूम रहे हैं और अब ये कोरोना वायरस के बाद तो ये आगे बढ़ना नहीं है कई सालों तक दिखे राय इंडिकेशन आर वेरी क्लियर तो हमारे एक्सपोर्ट अटके में ही हमें मालूम होना चाहिए हमारे इम्पोर्ट्स हमारे एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा हैं यह हमें मालूम होना चाहिए हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट हमारे सर्विसेज इम्पोर्ट्स से ज़्यादा हैं यह हमें मालूम होना चाहिए सर्विसेज में वी आर डूइंग वेरी वेल ये कुछ ऐसे बेसिक ट्रूथ हैं कि ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए नहीं तो आपने क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ा भारत का तो अगर आप ध्यान से देखेंगे प्यारे दोस्तों तो इसमें आपको एक चीज़ समझ में आएगी भारत सर्विसेज ज्यादा निर्यात करता है आयात करने से तो थ्री हंड्रेड परसेंट सही है यह दौड़ा दो सबसे पहले या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा हंड्रेड परसेंट इसीलिए तो ट्रेड डेफिसिट है हमारा और इसीलिए हमारा आंसर है एंड चेक करने की जरूरत ही नहीं है सॉरी uh, चेक करने की जरूरत ही नहीं है वन एंड थ्री अब फोर बिल्कुल सही है भारत हमेशा ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट पर चलता है नहीं नहीं सर क्या बात कर रहे हो सर इस साल सरप्लस आ गया ये जब प्रश्न पत्र बना तब तक डेफिसिट ही था अब सरप्लस आ गया है तो भारत अब फिलहाल हम करंट अकाउंट सरप्लस में चल रहे हैं वो इसलिए क्योंकि डोमेस्टिक फैक्ट्री एक्टिविटी कोलैप्स हो गई है तो इंपोर्ट्स गिर गए हैं तो अचानक से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है आप समझ रहे हैं राइजिंग ट्रेड सरप्लस करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ इंडिया इज अ डेंजरस सिग्नल ऑफ कोलैप्सिंग जीडीपी इन दी कमिंग क्वार्टर इट इज नॉट समथिंग टू सेलिब्रेट एट ऑल बिकॉज इट इज नॉट प्राइमरी ड्रिवन बाय राइजिंग एक्सपोर्ट्स बट बाय कोलैप्सिंग इंपोर्ट्स दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स समझ कि नहीं तो हमारा आंसर है एंड फिलहाल और ये बहुत ही सरल सवाल था ये गलत नहीं जाना चाहिए था ये गलत जाएगा तो भैया हमारा डिल टूट जाएगा ऐसी गलती आप मत करना तो प्यारे दोस्तों इसको भी हम कुछ हद तक शायद सिटर बोल सकते हैं लेकिन हमने फिलहाल इसको सिटर में क्वालिफाई नहीं किया है एक तिहाई प्रश्न पत्र कंप्लीट हो गया सिटर के साथ अगर तुमने इस सवाल को गलत किया है तो मैं तुम्हें अपना साष्टांग दंडवत प्रणाम प्रेषित करता हूं तुम महान हो तुम महान से भी परे हो यार वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट तुमको नहीं पता है तो कैसे चलेगा यार ऑयल इंडस्ट्री के बारे में जिसने थोड़ा भी पढ़ा है उसे यह पता है कि भैया वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या होता है प्यारे दोस्तों ये एक सिटर है और ये कच्चे तेल को प्रतिबिंबित करता है यस और नो कच्चे तेल के ऊपर मेरा पूरा पूरा सेशन हाल ही में मैंने अपलोड किया था दी एंड ऑफ क्रूड ऑयल अगर आपने वो सेशन भी देख लिया होता तो ये प्रश्न एक सेकंड में सॉल्व होता एक सेकंड में मैं मजाक नहीं कर रहा हूं तो भैया ऐसी चीजें हमें नहीं छोड़नी चाहिए तो कहां पे देखना है मेरा वो सेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं प्यारे दोस्तों हमने हमारा वो सेशन आपके लिए रेडी रखा है वो सेशन आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तपस्या सीरीज में जाके देखिए तपस्या सीरीज में हम बहुत बढ़िया बढ़िया सेशन लाते रहते हैं अभी हमने क्रूड ऑयल का अंत जो सेशन लाया था बहुत तारीफ मिली लोगों को बहुत अच्छा लगा वो आप जरूर देखिएगा चैनल पर सब कुछ है अब आते हैं क्वेश्चन थर्टी फोर पर एक तिहाई प्रश्न पत्र पूरा हो गया अब हम दो तिहाई फटाफट निपटाएंगे इंडियन इकोनॉमी का मॉडरेट क्वेश्चन है ये अब मॉडरेट तो है लेकिन कई लोगों का गलत हो गया कई लोगों का गलत इसलिए हो गया क्योंकि उसकी बेसिक डेफिनेशन में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को इसलिए आपको अच्छे से समझा देते हैं देखिए इन द कंटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनोमी नॉन फाइनेंशियल डेट गैर वित्तीय ऋण पूछा गया नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसिंग लोन्स ओल्ड बाय द हाउस होल्ड मतलब परिवारों के ऊपर जो घरों को बनाने के लिए लिए हुए ऋण है गृह ऋण अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड आपके मेरे क्रेडिट कार्ड पे पैसा जो बचा है चुकाने का और राजकोष बिल ट्रेजरी बिल तो तीनों में से क्या बेसिकली नॉन फाइनेंशियल डेट में शामिल होगा अब यहां आपको अगर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल का अंतर पता है तो तो यह प्रश्न सॉल्व हो जाएगा नहीं तो ये नहीं हो सकता प्यारे दोस्तों नॉन फिनेंशियल डेट वो डेट होता है जो सभी नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के लोगों के पास होता है जैसे कि हाउस होल्ड नॉन फाइनेंशियल कंपनीज गवर्नमेंट्स तो हाउस होल्ड नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं तो वन तो आंसर में हो गई होगा ये ऑप्शन गया बिल्कुल ये इंडिविजुअल्स के हाथ में है तो टू भी हो गई होगा तो ये भी गया और ट्रेजरी बिल्स ये फाइनेंशियल सेक्टर है ही नहीं क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर है थ्री भी होगा हेंस करेक्ट आंसर इज वन टू एंड थ्री ये तीनों के तीनों सही हैं तो ये सेक्टर की डेफिनेशन से आया है नॉन फाइनेंशियल डेट की परिभाषा ही होती है वो डेट जो सरकारों के पास घरों के पास और कंपनियों के पास होता वो है वो कंपनियां जो फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं है तो फाइनेंशियल सेक्टर में कौन है इनके अलावा जो भी होंगे कमर्शियल बैंक्स इन्वेस्टमेंट बैंक्स इंश्योरेंस कंपनी ये लोग जो भी कर्जा लेंगे वो फाइनेंशियल डेट होगा फाइनेंशियल सेक्टर डेट आपको बात समझ में आ रही है क्वेश्चन जो है डेट हेल्ड के बारे में है इनके सिर पे जो कर्जा है हाउस होल्ड्स के इंडिविजुअल्स के ट्रेजरी बिल्स जो जारी किया गया ये समझ में आया आपको तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था अगर आपकी राय हमसे अलग है तो हमें बताएं हम आपसे सीख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है बट हमें लगता है कि हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है थोड़ा सोचिएगा हमने लॉजिक भी दिया एंड आई होप इट वर्क आउट फॉर यू क्वेश्चन थर्टी पर आ गए करंट अवेयरनेस का है मॉडरेट लेवल का है अगर आपको पता है कि इम्पोर्टेड यूरेनियम होते ही आई लागू होता है और खुद का देशी यूरेनियम होगा तो आई लागू नहीं होगा यह अगर आपको पता था तो यह क्वेश्चन हो जाता भैया बिल्कुल सीधा सरल है और आई ए इंस्पेक्शन जो होते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफ और इंस्पेक्शन वो काफी बड़ा पॉलिटिकल इश्यू होते हैं इसलिए सवाल पूछा गया है वर्ल्ड इकोनॉमी पर एक सवाल आया है जो कि इजी है वर्ल्ड 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 इकोनॉमी है ना करंट करंट अवेयरनेस अवेयरनेस समझ में में आ गया यही मान लो इसको ट्रिम्स के संदर्भ व्यापार संबंधित निवेश उपायों के संबंध में निम्न में से क्या सही है देखिए जब भी डब्ल्यू की पढ़ाई करवाई जाती है ना तो उसमें हमेशा उसके तीन स्तंभ बताए जाते हैं गुड्स सर्विसेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और डब्ल्यूटीओ जिन तीन पिलर्स पे खड़ा है उन तीन पिलर्स के तीनों जो गुड्स सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं कौन कौन से एग्रीमेंट उसको कंट्रोल करते हैं यह भी बताया जाता है तो उसमें यह बेसिक चीज़ बताई जाती है प्यारे दोस्तों कि जो ट्रिम्स होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स जो होते हैं वो गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लागू नहीं होते हैं उसमें से सर्विसेज बाहर होती हैं तो इसलिए टू गलत है अगर टू गलत है तो ये तीनों उड़ गए वन एंड थ्री ओनली खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व हो गया दैट्स इट आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर यस और नो यस और नो यस और नो यस ये नो सर्विसेज आर नॉट कवर्ड अंडर ट्रेन तो ये प्रश्न कठिन हम कहीं से कहीं नहीं बोलेंगे करंट अवेयरनेस वर्ल्ड में है वर्ल्ड इकोनॉमी पे है एंड द आंसर वाज वन एंड थ्री कितनों का सही गया बताइए दोस्तों डब्ल्यूटीओ का क्या हाल चल रहा है बताइए हमें फिलहाल डब्ल्यूटीओ काफी संकट में है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर बहुत हथौड़े मार दिए हैं मल्टीलैटरलिज्म नहीं चाहिए उनको बायलैटरलिज्म चाहिए और उसमें बहुत दिक्कतें आ गई हैं डोनाल्ड ट्रंप का क्या लग रहा है आपको जीतेंगे या हारेंगे फिलहाल लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि गैप बिटवीन जोई बाइडन एंड ट्रंप हैज ग्रोन ड्रेमेटिकली एंड इवन द ट्रेडिशनल रिपब्लिकन स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टेट्स आर स्लोली विटनेसिंग अ मैसिव शिफ्ट आफ्टर दिस कोरोना वायरस इन्फेक्शन क्योंकि ट्रंप ने उसको लाइटली लिया और उनको खुद को हो गया इससे बहुत एक रेपुटेशनल शिफ्ट मेजर हुआ है और अगर जो बाइडन आते हैं तो बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे सबसे पहले बिग टेक के ऊपर हथौड़े पड़ने वाले हैं गूगल फेसबुक अमेजन माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक और एक कौन सा बच गया गूगल हो गया फेसबुक हो गया अमेजन हो गया माइक्रोसॉफ्ट हो गया और एक और बचा एप्पल तो ये जो गैफेम कंपनीज हैं इनकी मोनोपोलिस्टिक एब प्रैक्टिस पे हाउस सब कमेटी ने पूरी रिपोर्ट दे दी है कि इन कंपनियों पे भयानक बंदिश आएंगी और हो सकता है इनके पीसेस कर दिए जाएं तो फेसबुक से व्हाट्सएप इंस्टाग्राम अलग हो जाए ये हो जाए और इन पर बहुत सी बंदिशे क्योंकि दे देआर कॉन्स्टेंटली देयर मोनोपोली पार तो ये बहुत बड़ी चीजें 2021 में होने जा रही हैं लेकिन अगर बाइडेन हार गए ट्रंप आ गए तो कुछ भी नहीं जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा तो इंडियन इकोनॉमी और करंट अवेयरनेस दोनों में आप मान सकते हैं इस प्रश्न को और आरबीआई अगर एक एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी लाता है एक्चुअली सही वर्ड होना चाहिए एक्सपेंशनरी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता आरबीआई अगर प्रसारवादी मौद्रिक नीति और एक्सपांशनिस uh, का मतलब होता है विस्तारवादी जो हम चाइना के लिए बोलते हैं होना चाहिए एक्सपेंशनरी तो वो इसमें से क्या नहीं करेगा देखिए सीधी सी बात है अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है आरबीआई तो उसमें आप सबसे पहले तो इस नॉट को बहुत ध्यान से देख लेना नहीं तो सब गुड़गोबर हो जाएगा क्योंकि दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है तो वो डेफिनेटली कोई भी रेट बढ़ाएगा नहीं क्योंकि उससे लिक्विडिटी घटेगी तो वो सीमान स्थायी सुविधा दर एम नहीं बढ़ा सकता क्योंकि लिक्विडिटी घट जाएगी तो वो ये नहीं करेगा तो जिसमें टू है हमारा आंसर वही हो सकता है फिलहाल हमें वन थ्री भी चेक करने पड़ेंगे कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये तो वो करेगा ना तो वन तो हमारे आंसर में होगा नहीं क्योंकि नॉट पूछा है समझ में आया कि नहीं भैया आपको तो इसलिए अगर वन नहीं है तो सारे उड़ा दो अब रिवर्स चलते हैं ये तो एक सीटर प्रश्न है वन तो हो ही नहीं सकता ना वो तो एस को गिराएगा एक्सपांशनरी पॉलिसी में तो नहीं करेगा तो नहीं ना ये तो वो करेगा तो अगर वन नहीं है तो ये गया ये गया ये गया आंसर इज टू खत्म तो ये तो एक सिटर था एब्सोल्यूटली तो सिटर प्रश्न ही निकला कितने लोगों का इस लॉजिक से सही गया कंफर्म करो डिटेल सॉल्यूशन दे दिया हिंदी भी अवेलेबल है वेबसाइट पर देख लीजिएगा थर्टी पर आते हैं इंडियन इकोनॉमी का टफ अब एग्जामिनर जो है चिड़ गया है हमसे बार बार इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी बता रहे हो तो ले बेटा उसने बम मार दिया उठा के हमारे सिर पे ये ले टफ ले ले तुझे बहुत इजी इजी लग रहा है ना ले बेटा ले, ले ले टफ ले दो भैया टफ दो टफ भी सॉल्व करेंगे दिक्कत नहीं पढ़ो बेटा क्वेश्चन को एक बार तब तक मैं थोड़ी कॉफी पी लू देखिए नरसिम्हा राव जी का लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म जो आया उसने भारत को एक नई लीज ऑफ लाइफ दी इसमें कोई शक नहीं और बहुत अच्छा लेकिन उसके बहुत सारे दूसरे अन इंटेंडेड हैं राव साहब ने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पी चिदंबरम प्रणब मुखर्जी साहब ने लेट श्री प्रणब मुखर्जी साहब ने कॉमर्स मिनिस्टर थे था। ये ट्रायो था इन्होंने लाए थे रिफॉर्म और बड़े विजनरी थे एक बेसिक प्रॉमिस ये था कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा समृद्धि ऊपर से नीचे आएगी रिफॉर्म्स होंगे तो आज तीस साल हो गए आज हम जानते हैं कि ट्रिकल अप चल रहा है अमीर और अमीर होता जा रहा है गरीब और गरीब होता जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज कंप्लीटली स्क्यूड इन इंडिया इसीलिए हमारा जिनी को दुनिया के सबसे हाई में से एक है यह तो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं ऑक्सफैम की रिपोर्ट्स में सब तरफ है कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है दूसरा एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है अदर देन दी प्रोलिफरेशन ऑफ इनइक्वालिटी असमानता के बढ़ने के अलावा एक काम और हुआ है रूरल एरियाज में नॉन फार्म इकोनॉमी काफी बड़ी है ये कैसे पता अगर आप थोड़ा सा लेटेस्ट सर्वे वगैरह पढ़ेंगे तो जो प्योरली फार्म हाउस होल्ड हैं भारत के वहां पर भी नॉन फार्म इनकम में बहुत बढ़ोतरी हुई है यह तभी संभव है जब आपकी नॉन फार्म इकोनॉमी बढ़ेगी मतलब थ्री तो डेफिनेटली सही है तो दो ऑप्शन तोड़ गए यह आप एक लेटेस्ट करंट अफेयर से जोड़कर देख सकते थे समझ में आ गया रूरल एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट तेजी से गिरा है यह हंड्रेड सत्य वचन है इसीलिए तो रूरल से अर्बन माइग्रेशन इतना बड़ा है इसीलिए तो मनरेगा इतना बड़ा है इसीलिए तो पिछले तीन सालों से लगातार प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तेजी से हमारा जिस रेट से बढ़ना चाहिए बढ़ नहीं रहा है इसीलिए नाइन क्वार्टर से जीडीपी में स्लो डाउन आ रहा था जो कोविड ने पकड़ के नेगेटिव टेरिटरी में खींच लिया क्योंकि वहां रूरल वेज ग्रोथ इतनी नहीं हो रही है ये बात तो बहुत पहले से फार्म डिस्ट्रेस तो ये दो चीजें आपको अदरवाइज भी पता होनी चाहिए थी वन एंड टू बहुत ट्रिकी हैं उनको छोड़ दो लेकिन थ्री और फोर तो पता था ना तो ऑप्शन ही उड़ जाते हैं भैया एंड द आंसर इज बी तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि टफ दिखने वाले में भी गली होती है ऐसा नहीं है कि हर चीज इट इज ऑल लॉस्ट वैसा नहीं होता है और फिर भी आपको प्रश्न से संबंधित भी हमें बताना है तो हमने यहां पे डेटा दे दिया है पढ़ लीजिएगा समझ लीजिएगा और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो ठोको ताली बोलो संदीप सर जिंदाबाद 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 थर्टी नाइन पर आ गए इंडियन मॉडरेट भारतीय अर्थव्यवस्था एक मध्यम स्तरीय प्रश्न था अब बैंकिंग और क्रेडिट से संबंधित एक बहुत ही मूल सत्य परखा गया भैया इसके, इसके अंदर कि ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनका मेन काम क्या है समझ में आया और दूसरी बात की आखिर रूरल क्रेडिट ज्यादा कौन देता है अब अगर आप स्टेटमेंट वन पढ़ेंगे थोड़ा बहुत आपको ये रूरल क्रेडिट और ये पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर मालूम है भारत का डीसीसीबीज एससीबीज और आर से मिलके ज्यादा तो देने का कोई सवाल ही नहीं उठता उनकी साइज ही नहीं उतनी तो वन गया तो अगर वन गया तो ये दोनों गए इतना तो करते आना चाहिए आपको बात समझ में आ रही है और यह एक्चुअली सही है सो द करेक्ट आंसर इज टू ओनली तो बहुत टेक्निकल सवाल था हमने इसीलिए आपके लिए पूरा आंसर भी डिटेल बना दिया इसको पढ़ लीजिएगा आपको इससे समझ में आ जाएगा इज दैट क्लियर आप देख रहे हो ना शेड्यूल कमर्शियल बैंक का रूरल क्रेडिट की क्या स्थिति है तो कहां से मतलब डी सी, -सी भी तो इसमें कहीं से कहीं आते ही नहीं है कोऑपरेटिव तो बहुत छोटा है कंपेरेटिवली और उसमें भी बहुत सारे जिसमें एक डीसीसीबी है क्लियर क्वेश्चन नंबर फोर्टी करंट अवेयरनेस का था और कठिन प्रश्न था तो क्या ऐसा क्या कठिन आ गया भैया भारत में साइबर बीमा अगर कोई कराएगा तो कौन से बेनिफिट आएंगे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी साइबर बीमा एजेंट को भी यह सवाल दे दिया जाएगा तो वह भी पांच मिनट सर खुजाने के बाद ही आंसर देगा और वो भी गलत आंसर देगा तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी आपके सामने है जो एक इंश्योरेंस सेक्टर का सवाल है और इसका आंसर है डी वन टू थ्री एंड फोर मतलब एकदम ही बारीक चीज साइबर इंश्योरेंस के बारे में पूछी गई है साइबर इंश्योरेंस में क्या क्या फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी कवरेज होता है हमने यहां पे लगा दिया है यह है फर्स्ट पार्टी कवरेज यह है थर्ड पार्टी कवरेज आपको समझ में आया और यहां पर इन्होंने उसका मिक्स पूछा है तो अब इतना बारीक नॉलेज है यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कर रहे हैं वेरी वेरी टफ क्वेश्चन छोड़ दीजिए इस प्रश्न को हल करने में कोई अर्थ नहीं अनलेस आप इस फील्ड से और आपको ज्ञान बहुत अच्छा है कितने लोगों ने ऑलरेडी उनको नॉलेज था और उन्होंने क्रैक किया बताइए दोस्तों कॉमेंट थ्रेड में तो दुनिया में सभी तरह का नॉलेज होता है ऐसा नहीं है और आप में से कईयों को होगा भी हमें पूरा पूरा मालूम है गुड एग्रीकल्चर टफ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन फर्टिगेशन अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि फर्टिगेशन क्या होता है तो क्या होता है भैया फर्टिगेशन हमें बताइए आप उर्वरकों को घोल देते हैं पानी में है कि नहीं आप क्या करते हैं फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन फर्टिगेशन उर्वरकों को घोल के पानी के साथ ही दे दिया जाता है और उसके अपने बहुत सारे लाभ बताए जाते हैं फर्टिगेशन के तो आप डिजोल्व फर्टिलाइजर सप्लाई करते हो उसके अपने कुछ बहुत स्पेसिफिक अलग अलग तरीके के लाभ हो सकते हैं लेकिन उस पर क्रॉप पे भी डिपेंड करता है और क्रॉप के अलावा बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है मतलब ये कोई एक सीधा सरल जवाब इसका नहीं होता है समझ में आ गया दोस्तों आपको तो इसमें हमसे पूछा गया है कि भैया इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं वो बताइए तो फर्टिगेशन की टेक्निक्स के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना बेहद आवश्यक है उसके बिना इस प्रश्न को हल कर पाना बहुत कठिन होगा यस और नो तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा करेक्ट आंसर इज वन थ्री एंड फोर व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन यस ये होता है यस ये होता है यस ये, ये होता है लेकिन रॉक फॉस्फेट और अन्य फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का एफिशिएंट एप्लीकेशन नहीं होता है उसका एक बहुत बड़ा रीजन यह है कि यह डिजॉल्व होकर एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं अगर यह लॉजिकल ट्रिक आपने लगा ली तो तो ये तीनों ऑप्शन उड़ गए टू 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 वाले और ये आंसर होगा लेकिन ये इतना इंट्यूटिव नहीं है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का पॉइंट मतलब नॉर्मल स्टूडेंट के लिए इस चीज को एकदम से ले पाना बहुत मुश्किल है तो स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग समझ में आ गया आपको तो जो फॉस्फेटिक होते हैं ना वाटर एंड साइट्रेट इन्सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स ये इनसॉल्यूबल इन वाटर होते हैं तो इनको वैसे भी फर्टिगेशन के साथ करना बहुत कठिन काम होगा ये लॉजिक पता था तो तो ये सिटर है क्वेश्चन है कि नहीं तो आप में से जितने भी बीएससी एग्री के आपके सारे सही जा रहे हैं ना एग्रीकल्चर के अरे नहीं तो फिर क्या कर रहे हो यार तुम हा? बाकी लोगों की भी हालत खराब करवा दियो तुम भी सही उत्तर नहीं दोगे ऐसा नहीं चलेगा यार गुरु करेक्ट आंसर इज सी क्वेश्चन फोर्टी पर आ गए हैं सरकार चाहती है कि आप पूरे पूरे मिनरल्स याद कर लीजिए आ, कैसे पॉसिबल है यार <laughs> लेकिन सरकार बोल रही है बेटा तू याद कर कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स ठीक है साहब कंसिडर करेंगे आप बोल रहे हो तो करना ही पड़ेगा विच आर ऑफिशियली द मेजर मिनरल्स कितने लोग कर पाए इसको एक्चुअली सॉल्व प्यारे दोस्तों ये है पूरी लिस्ट सरकार आपको बोल रही है कि बेटा इस लिस्ट को याद कर ले मेजर मिनरल्स फ्यूल मिनरल्स मेजर मिनरल्स मेटालिक मिनरल्स मेजर मिनरल्स नॉन मेटालिक मिनरल्स पूरा याद करो है ना एक एक मतलब वोलास्तोनाइट वर्मीकुलाइट सिल्लीमेनाइट स्टियाइट फुचसाइट पायरोफाइलाइट पायराइट मैग्नेसाइट लैटेराइट कायानाइट कायनाथ में जेस्पर फ्लोराइट फेलेसाइट ड्यूनाइट सब याद रखो हाँ सब याद रखो और उसके बाद माइनर पे आओ बेंटोनाइट अब ये बेंटोनाइट मैंने क्यों बोला क्योंकि बेंटोनाइट यहां दिया है तो बेंटोनाइट नहीं होगा ये माइनर है तो ये थोड़ा कठिन हो जाता है और द करेक्ट आंसर वॉज डी टू थ्री एंड फोर सो आई रियली डोंट नो वॉट दे आर ट्राइंग टू जज हियर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा प्रश्न पूछ के ये क्या हासिल कर लेंगे ये मतलब एकदम माइक्रो माइक्रो फैक्ट पता है कि नहीं शायद ये जरूरी होगा लाइफ में शायद हमें नहीं समझ रहा है मुझे लगता है ऐसे प्रश्न कोई पर्पज सर्व नहीं करते इसके बजाय आप और बहुत अच्छा प्रश्न माइनिंग सेक्टर लिबरलाइजेशन पे लॉजिकल प्रश्न बना सकते थे लेकिन ठीक है पूछा है तो पूछा है एंड द करेक्ट आंसर हियर इज टी गया समझ में कितनी महान आत्माओं का ये सही गया है आप वाकई में बहुत बड़ी महान आत्मा हैं और आप हम सबके साक्षात दंडवत प्रणाम के प्राधिकारी हैं आपको बिल्कुल हम सबका प्रणाम मिलना चाहिए क्वेश्चन 43 पर आ गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टफ क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है बड़ा लॉजिकल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हाल ही में ये खबर में भी था क्योंकि ये जो संस्थान यहाँ पर मैंशनड है प्यारे दोस्तों एक्चुअली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मिटीरियोलॉजी पुणा जो है पुणे का जो संस्थान है उसने ये ओशन मीन टेम्परेचर ओ एम पर रिसर्च वगैरह किया और उस पर काफी लंबी चौड़ी खबरें भी बनी थी इसलिए ये सवाल तो बनता है बहुत अच्छा सवाल है ओ एम टी इज मेजर्ड अपू अ डेप्थ ऑफ ट्वेंटी सिक्स डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म समताप रेखा की गहराई विच इज वन ट्वेंटी नाइन मीटर्स ये गलत हो जाता है लेकिन ये बिल्कुल सही है करेक्ट आंसर इज टू अभी एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन है लॉजिकल और ये इंटरेस्टिंग है ऐसे सवाल आने चाहिए तो हमारे आई आई टी एम पुणे के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ओ एम टी को एक बेहतर समझा है कंपेयर टू सी सर्फेस टेम्परेचर उसका होता है सिक्सटी परसेंट सक्सेस रेट मतलब मॉनसून के प्रेडिक्शन में जबकि ओशन मीन टेम्परेचर का एट्टी परसेंट सक्सेस रेट होता है तो सारे फैक्ट्स को अगर आप देखेंगे तो 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म 50 से 100 मीटर होती है ये इन्होंने एक बोल दिया मतलब ये माइक्रो चीज है लेकिन जो भी है वन गलत है टू सही है करेक्ट आंसर बी आगे समझ में फोर्टी थ्री का आंसर है बी कोई शक क्लियर तो ये है पूरी पूरी कहानी क्या क्या, क्या किया हमारे प्यारे आई ने या आपके सामने आप में से कोई आई का प्रोडक्ट है आप में से कोई आई में काम करता हूं तो भैया आपको सैल्यूट शानदार काम कर रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ही भारत का भविष्य है यह मेरा दृढ़ निश्चय है और आप जैसे लोग भारत के इस भविष्य को कर रहे हैं गॉड ब्लेस यू तो यह फोर्टी थ्री एक बार कॉमन थ्रेड में आई आई जिंदाबाद लिख दो यार सब लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरोलॉजी कोई दूसरा कॉलेज वाला आई नाम से उसको खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए जिंदाबाद नहीं लिखवा रहा हूं इनके लिए लिखवा रहा हूँ 44 पर आ गए प्यारे दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम्स और एग्रीकल्चर दोनों क्षेत्र से है मॉडरेट लेवल का प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है इसमें थोड़ा बहुत लॉजिक तो लग रहा है कम से कम प्योरली फैक्चुअल नहीं है देखिए हमारी कोई फैक्चुअल चीजों से कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन ऐसे फैक्ट्स पूछना जिसका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं हो जो याद नहीं रख सकता वैसे प्रश्न का कोई अर्थ नहीं होता है ऐसा हमें लगता है बस सिर्फ पिछले बाकी कुछ नहीं तो 44 में क्या हो रहा है 44 में बेसिकली प्यारे दोस्तों ध्यान से आप देखेंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात हो रही है रासायनिक उर्वरक आपको पता ही है समय समय पर अलग अलग, अलग रसायनों पर बैन भी लग रहा है दुनिया में इसको लेकर डिबेट भी है ग्रीन रेवोल्यूशन नंबर टू लाने की बात भी हो रही है कि भैया केमिकल फर्टिलाइजर बेस्ड ग्रीन रेवोल्यूशन अब बेकार हो गया है अब हमको एक नॉन केमिकल बेस्ड रेवोल्यूशन भी लाना पड़ेगा जो कि बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी आधारित होगा एक चीज आपको बता दूं साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड का आदमी होने के नाते मुझे अब दिख रहा है अगले बीस से तीस सालों में दुनिया कभी न पहचान में आने वाली दुनिया के रूप में तब्दील होने वाली मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दो में आप देखिएगा बायोटेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी क्वांटम कंप्यूटिंग ये तीनों के मिलन से जो होने वाला है आगे आज आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आगे आगे देखिए होता है क्या तो अब बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर्स की जब हम बात करते हैं एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट अब इसमें सिर्फ एक ही चीज में गड़बड़ हो गई यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स तो सरकार के कंट्रोल में ही है बहुत बड़ी फर्टिलाइजर सब्सिडी भी जाती है तो भैया मेरे वन तो हो गया गलत तो वन को उड़ा दो समझ में आया इतना अगर पता है तो कम से कम ये हिस्सा आपका डेफिनेटली हो जाता है तो आंसर आपका बी होगा या सी होगा और अगर आपको पता है कि सल्फर इज अ वेरी मेजर आउटपुट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज तो आपको मालूम है कि टू एंड थ्री इज डेफिनेटली करेक्ट यह आपका उत्तर है अच्छा सवाल था हालांकि फैक्चुअल है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल आने चाहिए करेक्ट आंसर वॉज बी टू एंड थ्री डिटेल सोल्यूशन दिया हिंदी में साइट पर मिल जाएगा देख लीजिएगा तो ये एक टिपिकल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्लांट है अलग अलग चीजें बाहर आती हैं और रिफाइनरी सल्फर एक बड़ा उत्पाद माना जाता है क्लियर क्वेश्चन 44 हो गया लगभग आधा पेपर हो चुका है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी थोड़ा सरल प्रश्न आ गया है भारत का डेजर्ट नेशनल पार्क के संदर्भ में राजस्थान में ही हो सकता है निम्न में से क्या सही है बहुत प्यारा प्रश्न है बहुत प्यारा प्रश्न है क्यों प्यारा प्रश्न है ऐसा क्या है इसमें कि जो इसको प्यारा बनाता है अभी देखते हैं दोस्तों देखिए इसको लेकर एक विवाद चल रहा है इसको लेकर एक विवाद ये चल रहा है कि इसमें बहुत सारे गांव बसे हुए हैं हजारों लोग रहते हैं और अखबार में खबरें आई थी कि यहां के लोगों को रिहेबिलिटेट कहीं और कर देना चाहिए क्या तो इसका मतलब टू गलत है लोग रहते हैं ना वहां तो टू गलत है टू गलत है तो ये गया ये गया ये गया हो गया आपका काम खुश हो जाओ भाई वन एंड थ्री बोथ आर करेक्ट दिस इज करेक्ट दिस इज करेक्ट कहानी खत्म पैसा हजम एनवायरमेंट इकोलॉजी इजी तो अब अगर वो आपको पता थी कंट्रोवर्सी या वो न्यूज तो ये एक सेकंड में सॉल्व होता नहीं तो ये नहीं होता तो जिनके लिए था उनके लिए सिटर हो गया आई होप आपको समझ में आया और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो एक्सटिंक्शन की उस पर आ गया क्योंकि आपको पता है कि किस प्रकार से विंड पावर फार्म्स जितने भी हैं उनमें लटकी हुई तारों से टकरा टकरा के मर रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विच इज अ रिमार्केबल थिंग बट एनी तो ये है डेजर्ट नेशनल पार्क और यह जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहां पाया जाता है और अगर टू आपको पता है कि गलत है यहां तो तिहत्तर पिचहत्तर गांव है इसके बीच में तो फिर यह क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है अब ये एक सिटर है और अगर आपने ये सॉल्व नहीं किया तो यार आपने बहुत बड़ी गलती कर दी आपने हमारा इंडिया चाइना टेंशन वाला लेक्चर ही नहीं देखा वो आपको देख लेना चाहिए था अगर वो आपने देख लिया होता तो ये पूरी ज्योग्राफी आपकी 100 प्रतिशत क्लियर होती सियाचिन हिम्मत कहाँ है देखो यार ईस्ट ऑफ अक्सई चिन में तो तुम तिब्बत में घुस जाओगे तो वहां तो नहीं जा सकते ना नॉर्थ ऑफ गिलगिट में तो तुम ऊपर अफगानिस्तान में घुस जाओगे तो वहां नहीं जा सकते ना ईस्ट ऑफ लेह में तो तुम अक्सई चिन में घुस जाओगे तो वहां तो नहीं जा सकते ना तो यही हो सकता भले ही नहीं पता हो तो भी यही है और ये उसका चित्र है तो ये है सियाचिन जम्मू कश्मीर इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया और नुब्रा वैली यहां पर आती है ये हमने हमारे इस लेक्चर में बहुत डिटेल में कवर किया बहुत अप्रिशिएट हुआ है लेक्चर आप जरूर देखिएगा वेब लिंक भी दे रखी है पीडीएफ ओपन करेंगे क्लिक करेंगे तो लिंक भी एक्टिवेटेड है तो सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा वैली के उत्तर में है आई होप दिस इज टोटली क्लियर कहीं कोई डाउट नहीं इस चित्र से ये एकदम क्लियर हो जाता है गिलगिट के नॉर्थ में कहाँ जाओगे यार हम अफगानिस्तान में या तजिकिस्तान में घुस जाओगे क्या वो तो पॉसिबल नहीं है तो आई होप दिस इज क्लियर एंड आई होप आप सभी ने इसको सॉल्व किया ये एक सिटर था यस और नो पूरी तरह से क्लियर कोई शक गुड क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन पर आ गए हैं दोस्तों भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए यह टफ है लेकिन जो एंशंट हिस्ट्री यूपीएससी के लिए पढ़ के जा रहे हैं उनको तो ये आना चाहिए तो बेसिकली इसमें राज्यों का और ऐतिहासिक स्थानों का कनेक्शन पूछा गया है, है कि नहीं तो इसमें जो है प्यारे दोस्तों ये कनेक्शन गलत है और ये कनेक्शन भी गलत है याद रखिएगा गिरिनगर ही गिरनार है तो गिरनार तो गुजरात में है यह सभी को पता है गिरिनगर का ही दूसरा नाम गिरनार है गिरनार का ही दूसरा नाम गिरिनगर है तो थ्री तो डेफिनेटली करेक्ट है तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए और हमारा सही आंसर होता है ए तो भीलसा जो था वो परमार डायनेस्टी की सिटी थी और ये वर्तमान में विदिशा को ही भिलसा कहते हैं तो जो लोग विदिशा के थे उनको तो बहुत फायदा हो गया और अगर विदिशा के होके भी तुमको नहीं पता है कि भीलसा नाम था पहले अपना तो भैया बहुत महान व्यक्ति हो फिर तो तुम और करेक्ट आंसर इज ए वन एंड थ्री ओनली कितनों का सही गया विदिशा वाले हाथ उठाओ भैया आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट पर आ गए हैं टफ प्रश्न है इतना सरल प्रश्न नहीं है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का वाटर स्ट्रेस को लेके नीति आयोग ने कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स भी लॉन्च किया है ये चीजें जो है बार 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 डिस्कशन में भी आ रही हैं तो इसलिए ये चीजें पता होनी चाहिए लेकिन यह प्रश्न इतना कठिन था क्योंकि इसमें कुछ तरह के जो फैक्ट्स दिए हैं वो बहुत ही बहुत ही डिफिकल्ट है अब इसमें क्या हो रहा है ये अगर आपने कहीं किसी आर्टिकल में पढ़ लिया होता तो आपको बहुत फायदा हो जाता ये बिल्कुल सत्य वचन है कि भारत ग्राउंड वाटर इरिगेशन सबसे ज्यादा यूज कर रहा है वाटर स्ट्रेस में आने का कई राज्यों का कारण ही है कि आप एक्वीफर से पानी खींचे जा रहे हैं वाटर टेबल से और उसको एडिक्वेट रिप्लेनिशमेंट वाया रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्जिंग कर ही नहीं रहे समय नहीं है इतना दबाव है कि पानी खींच तो रहे रिप्लेनिश नहीं कर रहे हैं और दुनिया में ग्राउंड वाटर यूज करने वाला भारत नंबर वन हो गया है भयानक पानी खींच रहे हैं इसके बहुत भयावह परिणाम होंगे दस साल बाद तो थ्री तो डेफिनेटली सही है तो इसको उड़ा दो इसको उड़ा दो मानते हो ना इस अप्रोच को इस अप्रोच से ही चलना एग्जाम में नहीं तो नहीं होगा अब थ्री सही है तो वन और टू आपको चेक करना है यह बात बिल्कुल सही है कि जहां तक सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है वो ईपीए के तहत ही बनी थी तो भैया मेरे टू एंड थ्री दोनों सही हैं करेक्ट आंसर इस पी आगे समझ में अच्छा सवाल है कठिन है लेकिन एकदम से नॉट डूएबल कैटेगरी में भी नहीं है क्वेश्चन फोर्टी नाइन पर आ गए ज्योग्राफी का है मध्यम लेवल का टफनेस का है अब यहां पर तूफानों की बात हो रही है आज कुछ तूफानी करते हैं कहाँ से कहाँ से कूद जाते हैं दस रुपए की बोतल के लिए भाई मैं ही दिलवा देता हूँ जान खतरे में मत डालो जोखिम में मत डालो जान तुम्हारी कीमती है भाई दस दस रुपए के लिए कूदते हो यहां से वहां ठीक बात नहीं है यह ठीक बात नहीं है क्वेश्चन फोर्टी नाइन जेस्ट स्ट्रीम्स अकर इन द नदन हेमिसफियर ओनली नॉट एट ऑल जिसने बेसिक थोड़ा भी पढ़ा है विंड फ्लोस का पवन पट्टियों के बारे में उनको बहुत अच्छे से पता है कि जेस्ट स्ट्रीम्स कैन अकर इन बोथ द हमिस्फियर इसको उड़ा दो साथ ही साथ इसको उड़ा दो और इसको उड़ा दो यस yes no. और नो और जैसे ही आपने इन दोनों को एलिमिनेट किया तो अब आपके पास ऑप्शन दो ही बचते हैं टू एंड थ्री एंड टू टेम्परेचर इन साइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज टेन डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ सराउंडिंग्स उल्टा होना चाहिए इट इज ऑलवेज हायर नॉट लेसर बहुत ही फाइन पॉइंट पूछा है और यह आसानी से मिलता भी नहीं है कहीं भी लेकिन थ्री गलत है करेक्ट आंसर विल बी टू ओनली एकदम माइक्रो लेवल जानकारी पूछ ली है इसमें समझ में आ रहा है ना आपको तो यह है पूरी कहानी और जय स्ट्रीम दोनों तरफ होती है आंसर हमारा सी था प्यारे दोस्तों क्योंकि वन तो गलत ही है और उसके अलावा वो जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है ना वो अंदर कम होता है टेम्परेचर पूछा है आपने प्रेशर के साथ कंफ्यूज कर दिया तो गए काम से कोई बात नहीं हो जाता है इट्स वेरी ह्यूमन लेकिन अंदर जो टेम्परेचर होता है साढ़े पांच सेल्सियस दस फेरानाइट तक का ज्यादा होता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है लेकिन स्टेटमेंट्स ट्रिकी है लोगों ने जल्दी जल्दी में टेम्परेचर को प्रेशर से अगर कन्फ्यूज किया तो गए काम से क्या आपके साथ ऐसा हुआ कन्फर्म करो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कन्फर्म करने में एनवायरमेंट इकोलॉजी का मॉडरेट लेवल का अब ये जो है ना इसमें वो आपसे 2019 में जो लेटेस्ट लिस्ट आई है आपसे पूछ रहा है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट सबसे ज्यादा कहां थी अब दोस्तों ये इस तरह की सूचियां नॉर्मली कहीं छपती भी नहीं है और इसका जो लेटेस्ट है ना वो ये है ये इनका मैंने 2019 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला है तो इसमें आपको एरिया ऑफ द कोर एंड क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट चीज होती है कोर टाइगर हैबिटेट को ही क्रिटिकल है सरकारी दस्तावेज है गुरु नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का ज्यादा बोलने का ना सरकार का है तो इसमें यह वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो हमारा आंसर है क्योंकि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट पूछा ना विच इज द कोर अब ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में दोनों को एक समान बोला है तो अब इस पर मैं क्या बहस करूं ये फाइनल है तो आपको बस इसमें से इस कॉलम को चेक करना है कि मैक्सिमम किसका है और जब आप चेक कर लेंगे तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे यस और नो तो प्यारे दोस्तों द करेक्ट आंसर इज सी इसका मैक्सिमम है समझ में आ गया आपको दैट्स इट इसका टू फाइव नाइन सेवन स्क्वायर किलोमीटर है नागार्जुन सागर श्री सैलम का लेकिन कॉर्बेट का एट ट्वेंटी वन ही है रणथंबोर का वन 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 थ्री है सुंदरबंश का वन सिक्स नाइन नाइन है अब आप बोलेंगे नहीं सर वहां अभी हाल ही में बड़ा मैं आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं इसके अगले साल का मेरे पास नहीं है है ही नहीं साइड पे इस डॉक्यूमेंट में जो सबसे बड़ा एरिया है वो ये है अब इस पर मैं क्या डिबेट करूं क्या डाउट दिखाऊं दिस इज इट दिस इज वॉट दे हैव सेड एंड इफ दिस इज द ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आई हैव नो रीजन टू डाउट इट समझ में आ गया कि नहीं सुंदर वंश इज दिस क्लियर बस कहानी खत्म दैट्स इट अब अगर आपके पास इसके अलावा कोई और अच्छा डॉक्यूमेंट है लेटेस्ट वाला तो आप बताइए हमें हम हमारा आंसर चेंज कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं बट दिस इज एज फॉर अवर होप यू वुड अग्री विद इट एंड इफ आई एम गोइंग रॉन्ग समवेयर टू पॉइंट इट आउट कोई इशू नहीं है आपको बाघराज की खत्म सर बाघराज कभी नहीं सुना बघीरा सुना है हमने इन्वेंट किया टर्म बाघराज तो बाघों और शेरों के बीच के पांच अंतर बता दो यार हमें तुम्हें इस बाघराज की कसम है फिफ्टी फर्स्ट पर आ गए आधा हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है बचा आधा अब हम फटाफट कंप्लीट करेंगे प्यारे दोस्तों पौने दो घंटे हो गए आपके साथ पढ़ते पढ़ाते कहाँ समय निकल जाता है मालूम ही नहीं चलता है गहराई से पढ़ाते हैं स्कॉलर्स के लिए पढ़ाते हैं सीरियस स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाते हैं हर चीज में फायदा है आपका सिंसियरली करोगे फायदा ही फायदा है सालों तक फायदा मिलेगा कितने लोगों को सेशन में मज़ा आ रहा है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube प्रीमियम सेक्शन को ज्वाइन कीजिए वो पेड करंट अफेयर्स के हमारे सेशन बहुत ही अद्भुत हैं एक महीना तीन महीना छह महीने की मेंबरशिप है मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो एडिटोरियल एनालिसिस इतने जबरदस्त मिलेंगे आज के आज एनरोल कर लो लेवल टू में तीन महीने के लिए पूरा पूरा फायदा ले लो आप आप ही के लिए है मान के चलना आधार मेटा डेटा को लेकर बात हो रही है क्वेश्चन फिफ्टी में आप जानती हैं आधार को लेकर कितना हो हल्ला पहले हो चुका है और बेसिक बात इसमें यह है प्यारे दोस्तों कि क्या आधार का डेटा कब तक रख सकते हैं कैसे रख सकते हैं तो पहले राइट टू प्रिवसी को लेकर पूरा वर्डिक्ट आया नाइन जीरो वर्डिक्ट जस्टिस जेयर खेयर की आ, सुप्रीम कोर्ट से उसके बाद आधार की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर आया तो जैसा कि आप जानते ही हैं दोस्तों केवल टू एंड फोर सही है इसमें बाकी के दोनों गलत हैं यह बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है अगर आप सी एफ आई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं तो आधार कंपलसरी है ही नहीं कोई अगर आपको बोले तो उसको दिखा देना भैया ये और ये बिल्कुल गलत है तीन महीने का फिगर इसमें गलत दिया लेकिन टू एंड फोर इज एब्सोलूटली राइट करेक्ट आंसर इज टू एंड फोर समझ में आ गया आपको तो यह बहुत ही बेसिक आधार संबंधित जो पूरी कहानी थी ये आपके सामने है इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा ये क्यों गलत है छह महीने तक रख सकते हैं उससे ज्यादा नहीं और उसमें भी मेटा डेटा नॉट दी ओरिजिनल ऑथेंटिक पर्सनली आइडेंटिफाइबल डेटा ये थ्योरी है ये ज्युडिशरी के नियम है इन प्रैक्टिस द सिचुएशन इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस बट एटलीस्ट थेटिकली दिस इज आउ इट इज अब बिग डेटा और सारी बड़ी कंपनियां तो चलती हैं इसके आधार पे हैं तो आप समझ ही सकते हो क्या क्या हो रहा है कैसे कैसे हो रहा है और क्या क्या होने वाला है आगे क्वेश्चन नंबर 52 बहुत प्यारा सवाल एकदम फंडामेंटल सवाल है इजी सवाल है पॉलिटी का सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है आपको पता होना ही चाहिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना राज्यसभा की समान शक्तियां ऑल इंडिया सर्विसेस में तो राज्यसभा के पास शक्तियां ज्यादा हैं लोकसभा से कट मोशन में तो शक्ति नहीं है लोकसभा के संदर्भ में रिमूवल में तो नो कॉन्फिडेंस मोशन यहां लाया नहीं जा सकता है अमेंडिंग में बिल्कुल बराबर है तो सही उत्तर होगा संविधान संशोधन करने के ये तो मालूम होना ही चाहिए आपको दी करेक्ट आंसर इज बी मैंने डिटेल में यहां समझा दिया है उम्मीद करूंगा आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी मजा आ रहा है एनालिसिस में वेरी गुड क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एमपी एम लैड योजना को लेकर बहुत हल्ला बहुत शोर हुआ क्योंकि इसमें मिलने वाला पैसा जो है वो भारत सरकार ने पैंडेमिक के बाद रोक दिया दो साल के लिए तो सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिटरली फाइनेंशियल हाथ पांव कट गए क्योंकि अब पैसा ही नहीं है तो लोकली जो खर्च करना है देर इज नो मनी तो चिल्ला रहे हैं सब की, सर, कुछ तो पैसा दो सरकार ने दो साल के लिए उड़ा दिया एमपी लैट्स को तो माइक्रो लेवल पर डिसएम्पावरमेंट हो गया बेचारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का अब इसमें लंबी चौड़ी चार चीजें पूछ ली हैं कि बताओ इसमें से सही क्या है इसमें एक छोटी सी ट्रिक लगती है दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक जो लगती है ना अन यूज फंड नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड एमपी लैड योजना जो है ना ये इतनी मजेदार योजना है कि अनयूज फंड अगले साल जुड़ते जाते हैं जुड़ते जाते हैं जुड़ते जाते हैं जुड़ते जाते हैं नॉन लैपेबल है ये। ये तो इसकी प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए तो मतलब थ्री गलत है अगर थ्री गलत है तो ये दोनों भी गलत हैं। तो अब आप केवल फोर चेक कर लो और अगर फोर सही है तो आपका आंसर डी होगा अगर फोर सही नहीं है तो आपका आंसर बी होगा ए होगा और फोर बिल्कुल सही है सो आंसर इज वन टू एंड फोर क्लियर इसको फास्ट सॉल्व करने का तरीका एब्सोल्युटली वन टू एंड फोर सही है थ्री तो गलत था ही. डिटेल में सारा मैंने आंसर बनाया है ताकि हर किसी के लिए एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस भी बने तो पढ़ेंगे तो चार नई चीजें सीखेंगे जो अगले साल आएंगी एग्जाम में क्वेश्चन 54 पर आ गए हैं मूलभूत अधिकारों की सबसे मूल परिभाषा कि भैया मूल अधिकारों के कौन से ग्रुप में विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इज ऑल अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता के रूप में किए गए विविध के विरुद्ध संरक्षण राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन ये सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा लेकिन जल्दी मत मचाइएगा गलती हो जाएगी प्यारे दोस्तों द करेक्ट आंसर इज राइट टू इक्वालिटी राइट टू इक्वेलिटी में यह बहुत क्लियर है कि अस्पृश्यता बिल्कुल भी नहीं होगी सभी ह्यूमन बींग्स आर इक्वल सभी इंडियंस बराबर है यह राइट टू इक्वेलिटी होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन नहीं अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे सेवन फंडामेंटल राइट्स हैं यह हमारे काम का राइट टू इक्वेलिटी उसमें यह मैंशनड है राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कल्चरल एजुकेशनल राइट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बत्तीस एंड राइट टू एजुकेशन ठीक है तो ये हमारे सात समूह हैं मूलभूत अधिकारों के जिसमें राइट टू इक्वेलिटी समता का अधिकार दिया हुआ है इज दिस क्लियर और नॉट एनी क्वेश्चन आपका सही गया ना ये कुछ गलती तो नहीं करके आ गए इसमें सो दंसर इज टी मजा आ रहा है दोस्तों इन इंडिया द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एक्टिव इज इन जॉइन बाय किसके द्वारा व्यादेश है थोड़ा सा ये ट्रिकी है इसलिए इसको थोड़ा समझते हुए हमें हल करना होगा प्यारे दोस्तों जब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 फाइव प्रियम्बल डिरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सेवन स्केड्यूल कन्वेंशनल प्रैक्टिस हमें याद करना पड़ेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो कि चैप्टर फोर है उसका आर्टिकल फिफ्टी वो बेसिकली क्या कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव तो ये तो एक्चुअली उसमें सजेस्टेड ही है तो हमारा आंसर होगा डिरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी समझ में आ गया थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन सेपरेशन ऑफ जुडिशरी उसमें एक्सप्लिस है ये है अनुच्छेद पचास देख लीजिए तो आंसर तो बी होगा ना और क्या हो सकता है यस और नो अगर ये आर्टिकल याद था तो फिर ये बहुत तेजी से हल होता है क्वेश्चन नंबर 56 पर आ गए इंडियन इकोनॉमी का थोड़ा सा सरल प्रश्न है अब ये अगर आपने गलत कर दिया तो यार फिर बजट की सबसे बेसिक चीज ही आप भूल गए ये एक सिटर प्रश्न है पिछले दो तीन प्रश्नों में भी आपको एक दो सिटर लग सके होंगे मैंने उनको नहीं लिया है क्योंकि मैं जानता हूं थोड़े ट्रिकी हैं आपको लगे सिटर तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए ये कितनों ने हल कर दिया सही अब आप सभी जानते हैं दोस्तों कि सन दो में भारत में एक बहुत बड़ा कानून बना था सरकारों को राजकोषीय उत्तरदायित्व याद दिलाने के लिए और उसकी वजह से हमारे बजट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड हो गए माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एफ से आया है करेक्ट आंसर इस डी बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था और माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और फिर मिड टर्म या मिडिल टर्मिक फ्रेमवर्क कुछ होगा ये फिजिकल पॉलिसी पोजिशन क्या होगी इस तरह की सारी चीजें सब एफ ने ऐड की करेक्ट आंसर एस डी तो जो दस्तावेज आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिमांड फॉर ग्रेड फाइनेंस बिल ये तो बजट हो गया अब एफ बोलता है कि भैया तुम माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट दो मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी कम स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट दो तो ये 2003-4 के बाद से आने शुरू हुए अंडर एफ फिर सारे राज्यों ने भी पारित किया और देश को फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लाने की कोशिश ठीक है सो दी करेक्ट आंसर वॉज डी इसे मैं एक सिटर मानूंगा क्योंकि यह चीज तो हर स्टूडेंट पढ़ के जाता ही है कि भैया बजट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कैसे होता है सबसे पहली चीज ही टीचर ये लिखवाते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं तो कितनों का सही गया एक बार कंफर्म करना क्वेश्चन 56 बता के कि यस सर ये सही गया क्वेश्चन नंबर लिख के बताना बहुत प्यारा फंडामेंटल सवाल है क्वेश्चन फिफ्टी प्रश्न क्रमांक सत्तावन की संवैधानिक सरकार होती क्या है आखिर संवैधानिक सरकार का क्या मतलब मल्टी पार्टी गवर्नमेंट बिल्कुल जरूरी नहीं कि संविधानिक सरकार यानी मल्टी पार्टी होगी पॉप्युलर गवर्नमेंट ये उसकी प्राइमरी डेफिनेशन नहीं है गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर बिल्कुल जरूरी नहीं हो सकता ये तो किसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल देश में भी लिमिटेड गवर्नमेंट वाई लिमिटेड गवर्नमेंट देखिए जो हमने लॉजिक इसमें लगाया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बेसिकली सरकार की सीमाएं तय करती है कॉन्स्टिट्यूशन सरकार की सीमाएं तय करके देता है यह हमारा एनालिसिस है द पीपल ऑफ इंडिया हम भारत के लोग याद रखना हम सुप्रीम है दोस्तों हम सोवरेन हैं। हमने संविधान बनाया है संविधान ने हमें नहीं बनाया है और संविधान ने सरकार बनाई है और सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं इंस्टीट्यूशंस ने और सरकार ने संविधान नहीं बनाया है पावर ऐसे फ्लो होगा यह है पावर का फ्लो यह अलग बात है कि जनता सब भूल गई है जनता को लगता है सरकार मालिक है सरकार मालिक नहीं है सरकार सेवक है सरकार सेवक है संविधान की वो संविधान जो आपने और मैंने मिलकर बनाया मत बोलना कि सर मेरी तो उम्र ही बीस साल है मैंने थोड़ी बनाया दिल टूट जाएगा हमारा तो अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आप ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सीमाएं तय कर रखी हैं हर किसी की इफ यू एवर बी सो हाई रिमेंबर दैट द लॉ इज अबव यू वो क्या होता है वो यही होता है ना तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन है आई होप आप एग्री करेंगे लिमिटेड गवर्नमेंट आपका कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन है तो बता दो तो। क्वेश्चन फिफ्टी एट पर आ गए हैं कि भैया 1948 के यूडीएचआर जिसमें भारत की तरफ से भी एक महिला ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और मैन की जगह उन्होंने ह्यूमंस वर्ड भी ऐड करवा दिया था बहुत 1948 की बात कर रहे हैं सोचो सत्तर साल पहले अदर देन फंडामेंटल राइट भारत के संविधान के कौन से हिस्से हैं जो यूडीएचआर के प्रिंसिपल्स को प्रतिबिंबित करते हैं है कि नहीं तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन यानी कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के कौन से हिस्से या कौन से उसके प्रिंसिपल्स हमारे संविधान के दूसरे हिस्सों में भी दिखाई पड़ते हैं समझ में आ रहा है आपको बहुत ही सीधी सी बात है प्यारे दोस्तों जब हम बात करते हैं लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी तो वो तो यूडीएचआर में है ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में तो कितनी सारी चीजें जो ह्यूमन राइट से जुड़ी हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज में राइट टू एजुकेशन यानी पालकों का दायित्व कि वो बच्चों को शिक्षित करेंगे वो एक फंडामेंटल ड्यूटी है तो तीनों ही चीजें हो गई आप केवल हो सकता है सी के साथ कंफ्यूज कर गए हों इसके साथ और इसलिए आपने आंसर ये चूज कर लिया हो ट्रेजिडी हो गई सॉरी क्योंकि वन टू थ्री तीनों होंगे दोस्तों तो ये टफ प्रश्न था क्योंकि वो थ्री में कई लोग उलझे हैं ऐसा मेरा सेंस है सो दी करेक्ट आंसर इज डी और ऐसा क्यों मैंने विस्तार में यहां समझाया विस्तारवादी नीति है देख रहे हो ना एक्सपेंशनिस्ट वर्सेज एक्सपेंशनरी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन पर आ गए बहुत टफ प्रश्न है बहुत ही टफ प्रश्न है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के बारे में एकदम माइक्रो लेवल चीजें पूछ रहे हैं ऐसी चीजें कि जो आपको बिल्कुल सारे उनके फीचर्स रट के जाने पड़ेंगे तभी काम हो पाएगा और क्वेश्चन फिफ्टी नाइन का आंसर है वन एंड टू ओनली एक छोटी सी ट्रिक लग सकती थी कि आपने अगर कभी ये सोचा हो कि यार सीनियर सिटीजन को कोई हर सीनियर सिटीजन को फ्री लीगल एड थोड़ी मिलती है कितने लोग तो अपने घर का पैसा लगा के दिखते हैं तो अगर आप किसी ऐसे वरिष्ठ नागरिक को खुद जानते हैं जो अदालतों के धक्के खा रहे हैं और पैसे खत्म हो गए तो ये प्रश्न सॉल्व हो सकता था क्योंकि फोर गलत है और फोर गलत है तो ये दोनों गलत हैं तो फिर एटलीस्ट दो ऑप्शन रिड्यूस हो जाते हैं तो वन एंड टू ओनली इज द फाइनल आंसर क्वेश्चन सिक्सटी पर आते हैं बिल्कुल स्टैटिक और करंट जीके पर बेस्ड ये पूरी कहानी है आपको अगर ये सब कन्वेंशंस अच्छे से याद हैं तो आपकी मेहनत यहाँ पर सफल हो जाएगी और आपसे ये प्रश्न हल हो जाएगा वन एंड थ्री ओनली सो दिस इज अ टिपिकल स्टैटिक जीके टाइप क्वेश्चन कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है तो अल्मा आता हेल्थ केयर संबंधित ताला डायलॉग वैश्विक जलवायु परिवर्तन संबंधित बिल्कुल सही है लेकिन जहां तक हेग कन्वेंशन का सवाल इन्होंने ये दिया है वो बेसिकली सिविल एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड एबडक्शन संबंधित था और जहां तक अंडर टू कोलिशन है बेसिकली इसमें यह है कि बड़ी सरकारें नहीं सब नेशनल गवर्नमेंट्स क्लाइमेट चेंज की बात करेंगी तो ये दोनों गलत है हेंस हैं। करेक्ट आंसर वॉज वन एंड थ्री ये बहुत ट्रिकी और बहुत ही टिपिकल हैं तो याद होगा तो होगा जैसे कहते हैं करने से होगा

आप करते ही आनंद परमानंद की स्थिति में आ जाओगे हमारी गारंटी ऐसे टॉपिक्स कवर किए हैं मजा आ जाएगा सीधे सीधे आंसर रेडी होंगे आपके स्वागत है आपका सिक्सटी फर्स्ट पर आ गए प्यारे दोस्तों बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है एंशियंट हिस्ट्री से जिसमें कोई लॉजिक लगना ही नहीं है औरंग बेनियान और मिरासीदार अगर पता है तो हो सकता है नहीं तो नहीं हो सकता या तो आपको यह पता हो कि जिसको यह यहां पर बेनियन यानी कि बेनियान कह रहे हैं ये दरअसल एक भारतीय ट्रेडर था अगर ये पता है तो तो डेफिनेटली तीन ऑप्शन खत्म हो जाते हैं और उस केस में आंसर थ्री डायरेक्टली आ जाता है समझ में आया अगर ये पता नहीं है तो तो फिर तीनों पता होने चाहिए अदरवाइज हल नहीं होगा तो एंशियंट हिस्ट्री से एक कठिन सवाल समझ में आ गया भैया पूरी तरह से क्लियर एंशियंट एंड मीडियावल से सिक्सटी टू फिर से एकदम बारीक चीजें पूछ रहा है बौद्ध धर्म के बारे में सो दिस इज ऑल अबाउट बुद्धिज्म और बुद्धिज्म की एकदम माइक्रो लेवल चीजें इसके अंदर पूछी गई हैं ब्रॉड लेवल की चीजें नहीं पूछी जा रही हैं एकदम माइक्रो लेवल की चीजें पूछी जा रही हैं और इसका सही आंसर है केवल टू एंड थ्री वन नहीं है और ये हमने पूरा डिटेल में यहां पे समझाया है कि किस प्रकार से इसमें लोकोत्तरवादी स्थाविर महासंघिक संप्रदाय इनसे संबंधित कैसे डेवलपमेंट कब कब हुए तो ये पूरी तरह से फैक्चुअल है इसमें कहीं कोई लॉजिक नहीं है क्रोनोलॉजी इन्वॉल्व है नाम इन्वॉल्व है कितने लोगों का सही गया भैया आपने हिस्ट्री ऑप्शन लिया है उसकी तैयारी पहले ही कर ली आपने शायद एंड यू आर डूइंग वेल अदरवाइज छोड़ दीजिए कोई फायदा नहीं है थोड़ा सा आधुनिक इतिहास का थोड़ा सा मॉडरेटली डिफिकल्ट प्रश्न है लेकिन इतना भी टफ नहीं कि सॉल्व ही नहीं हो पाए प्यारे दोस्तों यहां पर हमें बताया गया है कि विच ऑफ दीज एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन इंपैक्ट ऑन इंडिया फ्रॉम एटीन जीरो जीरो फर्स्ट हाफ ऑफ नाइनटीन सेंचुरी रेलवे लाइन्स तो अठारह सो पचास के बाद आई ना उड़ा दो दे आर वेरी क्लियर फर्स्ट हाफ ये तो अंग्रेज करेंगे नहीं इसको उड़ा दो और जहां तक मशीन्स इंट्रोड्यूसिंग इन इंडियन टेक्सटाइल्स हैं ये भी 1850 के बाद हुई थी तो इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट तो था इंपोर्ट अल्टीमेटली बाद में हमारे अपने हस्तशिल्प हमारे अपने कपड़े चलें और हम विदेशियों पर आश्रित नहीं रहें इसीलिए तो महात्मा गांधी ने चरखा लगाया था वो चरखा अंग्रेजों के मुंह पे करारा तमाचा था फिलोसॉफिकल तमाचा था कि हम खुद ही सूत काट लेंगे हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं कर लो क्या बिगाड़ लोगे तुम हमारा जैसे नमक बनाना वो उनका एक था कि भाई हमने बना लिया तुम गलत कानून बनाओगे तो गलत कानूनों का विरोध करना मानवता का धर्म है ये महात्मा गांधी के शब्द हैं आई मीन टू ऑपोज अनजस्ट लॉ इज द बेसिक दायित्व ऑफ एवरी सिटीजन इसी इसी के चलते, पूरा का पूरा मार्च हुआ, इसी के चलते चलते पूरा पूरा का मार्च हुआ चरखा बना तो लोगों को चरखा तो याद है उसके पीछे का जो मूल भाव है वो लोग भूल गए हैं कि वो कितना बड़ा विद्रोह था वो जो चरखा था दिखने में इतना हम्बल चरखा तो पहले दोस्तों इंडियन हैंडीक्राफ्ट फॉर रो इंड पूरी कहानी है सिक्सटी थ्री दी आंसर इज ए अब क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को बोला है टफ क्वेश्चन है लेकिन जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो क्रोनोलॉजी और पीरियोडाइजेशन तो याद करते ही करते हैं तो इस प्रश्न का अगले प्रश्न का सही जवाब प्यारे दोस्तों आंसर है सी टू फोर वन थ्री ये इसकी सही लिंक है समझ में आ गया टू फोर वन थ्री स्टार्टिंग फ्रॉम दी अर्लिएस्ट टाइम तो सबसे पहले पल्लव अंडर महेंद्र वर्मन वन पाल बाय गोपाल प्रतिहार अंडर किंग भोज चोल पावर पारांतक वन हालांकि चोल इसके भी 2000 साल पहले आ गए थे या हजार साल पहले लेकिन पारंतक वन जब बोला गया है तो वो आगे आते हैं हेंस दी आंसर है। अगर आपका गलत गया तो वो सिर्फ इसी वजह से ही गलत गया होगा जिन्होंने थ्री सबसे पहले लिया होगा कि चोल पावर सबसे पुरानी है गलती आप ये कर गए कि आप परांतक नाम भूल गए उसमें ये गलती मत कीजिएगा नेवल पावर जो उन्होंने बहुत बढ़ाई थी तो ये है 64 का आंसर सी टू फोर वन थ्री डिटेल में हमने समझा दिया है आसान नहीं है और वो चोल की वजह से कंफ्यूजिंग भी होगा तो जब हम चोल डायनेस्टी की बात करते हैं तो ये थेटिक एम्पायर था यानी कि अपनी नेवी की शक्ति पर आधारित था समझ में आ गया और एक्चुअली ये 300 हंड्रेड डीसी के आसपास स्थापित हुआ था इसी वजह से आप कंफ्यूज हुए लेकिन दोस्तों और ये तो अशोक के द्वारा मौर्य एम्पायर के जो एडिक छोड़े गए हैं इस पर दो प्रश्न आ गए इस बार वो भी आप बताएंगे आपको उसमें भी उन्होंने इनके बारे में लिखा चोल डायनेस्टी के ऊपर उनका कभी भी कब्जा नहीं हो पाया था उस क्षेत्र पे लेकिन परांतक आए थे आपके टेंथ सेंचुरी सी में तो इसलिए आपने वो गलती की हो तो अगली बात ध्यान रखिएगा टू फोर वन थ्री इज दी करेक्ट आंसर ये हमारे हिसाब से एक सिटर प्रश्न है दोस्तों अब आपसे पूछा गया कि कौन सा जो फ्रेज है इसमें हुंडी को सही ढंग से पोस्ट हर्ष उत्तर हर्षकालीन स्त्रोत में बताता है हुंडी सभी लोग जानते हैं दोस्तों बेसिकली भारत में जितना भी इनफॉर्मल लेन देन चलता है हुंडियों में चलता है अगर इतना भी आपको पता था ये एक सेकंड में सॉल्व होता है इट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज समझ में आ गया हुंडी का मतलब ही वही होता है पूरा तो ये हमारे लिए एक सिटर प्रश्न हमने माना तो मुझे ये बताइए अभी तक ये पैंसठ प्रश्नों में से आपके अभी तक कितने सही गए कितना स्कोर आपका आ रहा है और आपका टोटल स्कोर कितना बन रहा है कॉमेंटरेट में जरूर जरूर बताइए सबका फायदा होगा दोस्तों शेयरिंग इज केयरिंग गो गोहेड बहुत ही डिफिकल्ट सवाल इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का मुझे नहीं लगता ये किसी का भी सही गया होगा दिस इज समथिंग वेरी ऑप्स आई मीन ऑप्सक्योर एंड एप्सूज लेकिन अच्छी बात है नई चीज सबको पता चली एक चीज के बारे में जानने का मौका मिला आप आपसे किसी का ये सही गया हो तो हमें बताएं मतलब एक्चुअली आपको पता था और सही गया तो इस केस में प्यारे दोस्तों आ, हमारा ऐसा मानना है आप सारे के सारे फैक्ट्स एक बार ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न के क्वेश्चन नंबर सिक्सटी के ध्यान से देखें एक बार तो इसका एग्जैक्ट सही उत्तर हम ऐसा लगता है कि देने की स्थिति में नहीं है तो आप हमें बताइए और वो उत्तर हम इसमें लगा देंगे तो वी आर नॉट एग्जैक्टली हंड्रेड परसेंट सर्टन ऑफ इट सो वी हैव वीव लिफ्ट अनश्योर अब यूपीएससी ही इस पर ज्ञान की बारिश करेगा तो करेगा आगे जैसे जैसे उत्तर आएगा तो हम कॉमेंट हेड में अपडेट भी कर देंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन पर आ गए हैं प्रश्न क्रमांक सड़सठ जो है प्यारे दोस्तों ये क्या कहता है प्रश्न सिक्सटी सेवन हमें कहता है एकदम ही भारी चीज गांधी इरविन समझौता के बारे में पूछ ली गई है क्या पूछी गई है कि भैया गांधी इरविन पैक्ट में निम्न में से क्या क्या था मतलब क्या नहीं था अब चार में से क्या नहीं था यह आपको ढूंढ के निकालना है भैया समझ में आ रही है ना मेरी बात चार में से क्या नहीं था यह आपको ढूंढ के निकालना है तो एकदम माइक्रो डिटेल्स पता होने चाहिए कि गांधी जी का यह सजेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ ये इसका हिस्सा नहीं था तो आंसर हो जाएगा वन टू एंड फोर ओनली एब्सोल्युटली फैक्चुअल इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं है जिसने इसको याद करके रखा हुआ है उसका आंसर सही होगा गांधी जी ने मांगा ये सब अंग्रेजों ने दिया ये सब लेकिन इसमें कहीं भी इंक्वायरी इन टू पुलिस एक्सेसिस की कोई बात नहीं हुई थी आंसर वॉज बी वन टू एंड फोर इज दिस क्लियर और नॉट वेरी गुड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट पर विटाल विध्वंसक एकदम ही नया टॉपिक आ गया है सामने नॉर्मली ये जाना पहचाना टॉपिक नहीं है जब हम विटाल विध्वंसक की बात करते हैं तो ये विटाल विध्वंसक क्या था भैया इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रथम मासिक पत्रिका मतलब अस्पृश्य समुदाय के लोगों हेतु गोपाल बाबा वालंकर ने नॉर्मली हम ज्योतिबा फुले या गांधी या अंबेडकर की बात करेंगे लेकिन इनका दावा है कि वालंकर उनसे भी दो कदम आगे थे और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके बारे में पता चली कि, कि किस प्रकार ये पूरा आर्य इमिग्रेशन कहें इन्वेजन कहें उनको लेकर कौन कहाँ से है कैसा है मतलब ये पिछले डेढ़ सालों से डिबेट चल ही रहा है लेकिन अब पिछले दस सालों में जेनेटिक साइंस ने पूरे डिबेट को एक तरह से क्लोज ही कर दिया है और लेटेस्ट फॉर्मेशन ऑफ साउथ इंडियन पॉपुलेशंस के बारे में हार्वर्ड की बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च बताती है कि साउथ एशिया की पूरी पॉपुलेशन कैसे बनी इसको लेकर बहुत अच्छी किताबें भी छपी हैं दोस्तों दो किताबें तो मैं हमेशा बच्चों को रेकमेंड करता ही हूं आपको भी रेकमेंड कर देता हूं मौका मिले तो ये किताबें खरीद के पढ़ लीजिएगा हिंदी भाषा में भी उपलब्ध हो गई हैं ये हैं दो किताबें तो पहली किताब तो है अर्ली इंडियन बट टोनी जोसेफ़ ये हिंदी में भी है भारत की बहुत भाषाओं बहुत प्यारा है कि भारत के लोग हैं कौन कहाँ से आए कैसे मिक्स हुए और दूसरा मानवता क्या है सीपीएंस बाय युवा नोआ हरारी ये दो किताबें एक्चुअली दिमाग को खोलने का काम करती हैं आज के युग में दिमाग को खोलना बहुत बड़ा काम है अपने आप में और वो हर युवा को करना चाहिए हो सकता है आपको भी उससे फायदा हो जाए तो लगे हाँ तो हमने सोचा ये इनपुट भी आपको दे दें नीचे ये पी का लिंक भी हमने दिया फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द पॉपुलेशन फॉर्मेशन ऑफ इंडिया नेचुरली इसको लेकर बहुत डाउट है बहुत डिबेट है और बहुत तीखे डिबेट्स हैं तो ये थे गोपाल बाबा वालंकर जिंदाबाद क्वेश्चन 69 पर आए हैं एंशंट हिस्ट्री का बहुत ही टफ सवाल बिल्कुल स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज पर आधारित है ये एंड द करेक्ट आंसर इज ए मेजरमेंट ऑफ लैंड कुल्या वाप द्रोण वाप ये भूमाप थे मेजरमेंट ऑफ लैंड अब ये पता है तो पता है नहीं पता है तो नहीं पता है क्वेश्चन नंबर 70 एंशंट हिस्ट्री थोड़ा सा मॉडरेट अब ये इतना प्यारा सवाल है कि उस वक्त ये सोचिए जिस किसी भी सम्राट ने अशोक रहे होंगे समुद्रगुप्त हर्षवर्धन कृष्णदेव राय कितनी प्यारी चीज लिखी है आज से मतलब हजारों साल पहले लिखी हुई चीज है सोचिए 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 कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है और अत्यधिक भक्ति से दूसरों की निंदा करता है वो अपने ही संप्रदाय को हानि पहुंचाता है दिस इज दी अर्यस्ट प्रूफ्स ऑफ दी कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ सेक्युलरिज्म प्रेजेंट इन इंडिया ये ऐतिहासिक सेक्युलरिज्म है समझ में आया कि सबका सम्मान होना चाहिए दूसरों की निंदा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए तो यह अद्भुत चीज हजारों साल पहले देने वाले थे सम्राट अशोक सोचिए यह है कहानी सम्राट अशोक की एडिक्ट ऑफ अशोक में रॉक एडिक्ट ट्वेल्थ हमें यह बात बताता है जो कि गिरनार में मिला है गिरनार एडिक्ट और यह उसकी तस्वीरें हैं तो इसको पूरा पढ़ लीजिए समझ लीजिए इसकी समरी हमें जरूर बताइएगा यह है गिरना रेडिक्ट अशोक का लिखा हुआ जिसमें उन्होंने यह कहा था और यह अलग अलग भाषाओं में पूरे भारत में मिलते हैं और आप देख रहे हैं कि साउथ इंडिया इससे मरहूम है यहां तक वो कभी नहीं पहुंचे बाकी जगह पहुंचे तो इसमें इन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है कि हु रिलीजियस सेट ऑफ ब्लेम्स अदर्स विद द व्यू ऑफ ग्लोरीफाइंग सेट बहुत बड़ी बात है अशोक को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि इतने व्यापक भूभाग पे शासन करना तभी संभव होगा जब वो सबको साथ लेके चलेंगे और एक दूसरे का सम्मान करने की शिक्षा अपने करोड़ों निवासियों को देंगे बहुत प्यारा सवाल था ये अशोक एडिक्ट अशोक रॉक एडिक्ट टू ईयर्स की एक्चुअल पूरे लेआउट की तस्वीरें बनाई हैं अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने मजा आया आपको कितनों का सही गया क्वेश्चन सेवेंटी फिर से आते हैं पॉलिटी पे प्यारे दोस्तों इतनी मेहनत करके लोग पॉलिटी की तैयारी करते हैं तो थोड़ा उसका लाभ भी तो मिले अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है भैया संसदीय व्यवस्था संसदीय व्यवस्था वाली सरकार कौन सी होती है सारी पॉलिटिकल पार्टी सरकार में होती हैं बिल्कुल नहीं ये तो नॉनसेंस बात है अगर आप जीतोगे नहीं तो कहां से आओगे द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव बिल्कुल नहीं सब कुछ इनडायरेक्ट हो जाता है फिक्स टर्म बिल्कुल नहीं सरकारों को गिराया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन से तो क्या बी सही है हंड्रेड परसेंट सही है क्लियर ये तो सही गया होगा ना कितनों का सही गया बता देना भैया वेरी गुड और इसमें ऑप्शन ए और सी तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहे हैं कॉमन सेंस ही क्वेश्चन सेवेंटी टू अब आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा हिस्सा है कौन सा भाग है जो कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की बात करता है ये काफी ईजी है क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं प्यारे दोस्तों पिछले कुछ सालों में बहुत बातें हुई हैं डेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो आदर्शवादी वाक्य हैं जो भारत सरकार को पालन करना चाहिए लीगली जस्टिसबल नहीं है सभी जानते हैं लेकिन पालन करोगे तो भैया अच्छा रहेगा तो करेक्ट आंसर इज डीपीएसपी कितनों का सही गया अब आते हैं क्वेश्चन 73 पर हमारा तीन चौथाई प्रश्न पत्र पूरा हो गया पॉलिटियन कॉन्स्टिट्यूशन का है टफ है बहुत शांति से सुनना मेरा क्या एनालिसिस है वो देख लो और ये कई स्टूडेंट्स का गलत क्या क्योंकि उसमें एक छोटी सी गलती लोगों ने की है ऐसा मेरा मानना है और जैसा मैंने कहा भाई यूपीएससी जो आंसर की देगा वो देगा देखो हर साल ये प्रॉब्लम सी सेट में बहुत आती है सी सेट का मैं दूंगा आपको एनालिसिस सी सेट में जो रीडिंग कॉम्प्रियशन का हिस्सा होता है उसमें मेरे बहुत सारे एनालिसिस जो यूपीएससी से मैच नहीं करते हैं एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट माई एनालिसिस मतलब मैंने जो दो दो तीन तीन बार पढ़ के एनालिसिस दिए हैं ऐसे पांच छह प्रश्नों में होता है कि आई एम वेरी सर्टन कि आंसर यही होगा दूसरा नहीं अब यूपीएससी से की मैच नहीं होती क्या कर लोगे आप वो लॉजिक उन्होंने कुछ और ही लगा रखा है तो हम अपनी तरफ से लॉजिक दे सकते हैं और बाकी कहीं यूपीएससी एग्री नहीं करें fine that's a difference of perception and i really cannot do anything about it except the fact that okay perhaps you were wrong and upsc was right and i think you will understand what i'm trying to say my dear students so all difference of opinion is welcome प्रश्न क्रमांक तिहत्तर अब क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में आप जानते ही हैं कि भैया पहला पॉइंट बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर भारत का संविधान परिभाषित करता बिल्कुल गलत संविधान ने थोड़ी दिया है खुद का स्ट्रक्चर जुडिशरी ने डिफाइन किया है संविधान में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर नाम ही नहीं है भैया तो वन गलत है जुडिशरी ने डिफाइन किया है संविधान ने खुद डिफाइन नहीं किया ये बेसिक बात समझो ये बिल्कुल सही है जुडिशियल रिव्यू के प्रोविजंस हैं डेफिनेटली है करेक्ट आंसर इज टू आई होप दिस इज टोटली क्लियर आप कई बच्चे डिसएग्री करेंगे मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा ये पूरा का पूरा लॉजिकल एनालिसिस पढ़ेंगे और उसके बाद डिसएग्री करेंगे एक बार पढ़ लीजिएगा जस्टिस हंसराज खन्ना साहब ने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के दौरान खुल के विरोध करके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रतिपादित की थी तो वो संविधान में थोड़ी ना लिखी हुई वो तो जुडिशरी ने इवॉल्व की है समय के साथ में और जुडिशल रिव्यू जो है प्यारे दोस्तों वो अंडर आर्टिकल थर्टीन क्लियरली मैंशनड है और आर्टिकल 226, 227 में हाई कोर्ट्स को दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल 32, 136 में सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है समझ में आ रहा है ना तो स्टेटमेंट वन की वर्डिंग ऐसी करती ऐसा मुझे लग रहा है अब अगर यूपीएससी बाद में की में बोलता है कि यह भी सही है तो फिर तो एग्जामिनर महान है मतलब वो अपने बनाए हुए शब्दों को ही नहीं समझ पा रहा जबकि ये तो इतना बड़ा इशू है आई होप यू विल रिमेंबर दीज वर्ड्स एंड आई होप यू विल सी हाउ लॉजिकली दी एनालिसिस इज टू बी डन इस प्रश्न पत्र का शायद सबसे खूबसूरत प्रश्न मुझे बहुत मजा आया यह प्रश्न देखकर और अच्छे अच्छे इसमें ढीले हो जाएंगे गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक सहमति है एक तो है ही और वो क्या है देखिए बेसिक फंडा है कि गांधी नॉन वायलेंट फिलोसॉफी में यकीन करते थे क्लास स्ट्रगल फंडामेंटली वायलेंट होगा बुर्जुआजी वर्सेस ियट गांधी इसमें कभी यकीन नहीं करेंगे निजी संपत्ति की समाप्ति एक वॉयेंट एक्शन है गांधी इसके साथ कभी नहीं करेंगे हालांकि ऑफ well के खिलाफ जाएंगे इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म गांधी जी के उसमें नहीं था लेकिन फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी बिल्कुल था यस और नो कि एक स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए समझ में आया अब आप में से कईयों को सर क्या बात कर रहे हो स्टेट मतलब आज का माहौल है द गवर्नमेंट इज सो स्ट्रांग तो लोगों को ये विचारी क्रांतिकारी लगता है कि स्टेटलेस सोसाइटी दैट इज व्हाट कम्युनिज्म इज इज ऑल अबाउट दैट व्हाट गांधी वॉज ऑल अबाउट अरे हर गांव रिपब्लिक होगा ये गांधी ने बोला था अंबेडकर ने विद्रोह कर दिया था कि हर गांव को आप रिपब्लिक बनाओगे तो वहां तो छुआ के अड्डे हैं गांव तो भारत के नाइनटीन और इसलिए नहीं गांव आधारित भारत नहीं बनेगा शहर आधारित बनेगा संविधान पूरा वैसा बना समझ में आ रहा है ना? बापू कहते थे कि गांव आधारित स्वराज होगा एवरीजेंट एक आसपास के दो-तीन से रिश्ते रखेगा। economically उनको दिल्ली जाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि state is so big कि वो तो अमानवीय हो जाता है ये बापू का विजन है आपको समझ में आ रहा है मतलब स्टेटलेस और क्लासलेस होना चाहिए यही मार्क्स का विजन था तरीके अलग अलग थे तो ये एक ऐसा खूबसूरत सवाल था कि डीप सवाल और अगर आपने इसको सही किया तो आप बधाई के पात्र हैं यू हैव बीन रीडिंग अ लॉट और अभी भी आपको डाउट हो तो ये गांधी के लिखे हुए स्टेटमेंट्स हैं इनको जरा एक बार पढ़ लेना आपको समझ में आ जाएगा उन्होंने कम्युनिस्ट बोल्शेविक क्रांति को पूरी तरह से खारिज किया था उसका यह मतलब नहीं कि वो स्टेटलेस क्लासलेस के खिलाफ थे समझ में आ गया आपको आई होप दिस इज क्लियर प्यारे दोस्तों अगर आपको पॉलिटिकल फिलोसॉफीज पे बहुत डिटेल में इंसाइट चाहिए तो ये मेरा वीडियो अवेलेबल है फ्री यूट्यूब पर इस पर क्लिक कीजिए ओपन कीजिए और इसको देख लीजिए ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं ज़रूर पढ़िएगा आपको बहुत फायदा होगा तीन चौथा प्रश्न पत्र कंप्लीट हो गया हिम्मत है मरदा तो मदद है खुदा अभी तक होना कि सो गए या भाग गए ऐसा मत करना यार मैं बैठा हूं तुम भी बैठे रहो यार ऐसा गज़ब मत करना और हमारा प्रीमियम सेक्शन ज्वाइन करो दोस्तों उन्नीस तारीख से लाइव कोर्सेस आ रहे हैं लाइव हमारी साइट है उसको ओपन करो बहुत प्यारे प्यारे कोर्सेज 2021 के लिए आ रहे हैं जिसमें आप रूबरू मेरे साथ लाइव चैट मोड में पढ़ाई करेंगे आई की अभी के अभी एनरोलमेंट लीजिए बहुत प्यारे प्यारे ऑप्शन भी हैं डू सपोर्टर्स थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव एंड कॉन्स्टिट्यूशन मॉडरेट लेवल का सवाल तो क्या बोल रहा है भैया ये क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव में क्वेश्चन सेवनटी फाइव में एक आइडियल अभिकल्पना जो सरदार पटेल ने भारत की ब्यूरोक्रेसी की, की थी ब्यूरोक्रेसी कितना इसको जी पाई नहीं जी पाई वो एक मुद्दा है लेकिन थ्योरेटिकली तो बिल्कुल क्लियर है ना कि भारत में नौकरशाही का काम क्या है नौकरशाही का काम है लोक नीति को क्रियान्वित करना कार्यान्वित करना नौकरशाही का काम पॉलिटिक्स को एक्सपेंड करना तो हो ही नहीं सकता फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को स्ट्रांग करना इंस्टीट्यूशंस का काम है नौकरशाही का नहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नौकरशाही थोड़ी लाएगी फिर हमारे राजनेता बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे उनके इलेक्टोरल बॉन्ड कौन खरीदेगा तो एन एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी हंड्रेड परसेंट और यह सरदार पटेल का विजन था समय के साथ बहुत कुछ बदल गया और समय के साथ ब्यूरोक्रेट्स किस तरह से क्या करते हैं सबके सामने है लेकिन फिर भी एक मुद्दा है सो सेवेंटी फाइव द करेक्ट आंसर इज डी आई होप दिस इज टोटली टोटली क्लियर भारत के संविधान की उद्देशिका यह सवाल हर बार सीधे उल्टे तरीके से आता ही है अब इसमें आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यह तो गलत है क्योंकि जुडिशरी खुद बोल चुकी है कि इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया लीगल इफेक्ट उसका वैसा नहीं होता है यह आप जानते हैं क्योंकि जस्टिसबल नहीं है तो ये दो तोड़ गए अब या तो आंसर होगा ये या तो आंसर होगा ये हमारे हिसाब से आंसर ये बेहतर है क्यों बेहतर है भैया इट हैज नो लीगल इफेक्ट जब आप ऐसा बोलते हैं तो आप प्रियम्बल की पूरी ताकत को एक सेकंड में खत्म कर देते हैं लेकिन जब आप ये बोलते हैं इट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट अन्य भागों से स्वतंत्र तो यह बिल्कुल सही साउंड करता है तो हमने इसको डिटेल में समझाने की कोशिश की है क्योंकि वन इज मेकिंग इट ब्लंटली पावरलेस विच इट इज नॉट हेंस डी इज द करेक्ट आंसर कितनों का सही क्या एग्री करते हो हमसे वर्ल्ड करंट अवेयरनेस का एक बहुत इजी गोल्ड ट्रांच अब अगर सिर्फ इतना आपको पता हो कि गोल्ड ट्रांच व्यवस्था आईएमएफ चलाता है तो वो क्या है क्या नहीं है कोई फर्क क्योंकि चारों में से आई एम एफ एक ही जगह तो एक सेकंड में सॉल्व हो जाता अगर आपको गोल्ड ट्रांश आईएमएफ की व्यवस्था है ये पता होता तो नहीं तो फिर इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती सो करेक्ट आंसर वाज डी हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट क्वेश्चन 78 फिर से पोलिटिकन कॉन्स्टिट्यूशन पर आ गए हैं रिलेटिवली थोड़ा सा सरल सवाल है क्या सरल सवाल है भैया विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन इन पार्ट फोर पार्ट फोर में आते हैं डिरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इस बार के प्रश्न पत्र में तो एग्जामिनर को डिरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से प्यार मोहब्बत हो गई है भैया खूब पूछ रहा है तो आपको हम उसका एक यात्रा भी अभी करा देंगे पूरे डीपीएसपी करना चाहोगे तो विच ऑफ दीज इज आर करेक्ट ठीक है ये पूछा गया है तो दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स डीपीएसपी तो होते नहीं है दुर्भाग्यवश तो वन गलत है उड़ा तो तो अब आपको केवल थ्री चेक करना है क्योंकि ये गया ये गया तो तीन देख लो तीन सही है तो अलग नहीं तो हंड्रेड परसेंट करेक्ट थ्री इज करेक्ट सो दी करेक्ट आंसर इज टू एंड थ्री ओनली कितनों का सही गया होना ही चाहिए तो बेसिक डेफिनेशन ही है तो भारत के संविधान का ढांचा ये रहा तो जो ट्वेंटी टू पार्ट आपके सामने हैं वो ये हैं देख लीजिए एक बार अच्छे से कुछ कुछ सब पार्ट्स बाद में जुड़ते चले गए सारे डी पे एक बार नजर डालना चाहेंगे पार्ट फोर वाले आर्टिकल थर्टी सिक्स टू फिफ्टी वन और पार्ट फोर ए वो मूल कर्तव्य इंदिरा गांधी जी ने जुड़वाया था सोवियत यूनियन से प्रभावित होकर आर्टिकल फिफ्टी वन ए शुरू करें ये रहे सारे डी तो आप देखेंगे कि काफ़ी एक पॉजिटिव स्पिरिट के साथ काफी फ्यूचरिस्टिक एक वेलफेयर स्टेट बनाने की अभिकल्पना के साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लाए गए थे समय के साथ ऐसा लगा कि ये तो सिर्फ दिखावा है इनका कुछ होता हवाता है नहीं सब बेकार है लेकिन फिर समय के साथ ही यह भी हुआ कि हमारी हायर जुडिशरी ने सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग डिसीजन देने में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और क्योंकि उन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो सरकारों ने कानून बनाने में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उस सब की वजह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आप एक्चुअली बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं आप देख रहे हैं ना इसका पूरा जो फ्लेवर है वेलफेयर स्टेट बनाने का वो ये है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स वगैरह में ये सारी चीजें काफी अच्छे से उठ के सामने आती हैं। आई होप दिस इज टोटली क्लियर तो ये थी हमारी कहानी प्यारे दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की ये सारा एफर्ट अगर आप अप्रिशिएट करते हैं सेशन को लाइक को और शेयर कीजिएगा और कम से कम तीन चार पाँच कमेंट में अलग अलग बातें लिखिएगा तो मजा आएगा क्वेश्चन 79 पर आ गए हैं 10 से 15 मिनट में सेशन को विराम देंगे पॉलिटियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक कठिन सवाल है तो क्या कठिन है भैया इस सवाल में देख लेते हैं अभी बाइंड यर स्टूडेंट्स भारत के संविधान इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट कम्युनिटी में हम अपना एनालिसिस दे देते हैं आप अपना एनालिसिस दीजिए हो सकता है हम दोनों ही सही हो जाए ओके <laughs> okay. तो क्या हो रहा है यहां पर हमारे हिसाब से प्यारे दोस्तों इसका आंसर है नाइदर वन नॉट टू नहीं 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 नाराज मत हो यह, सुन लीजिए सुन लीजिए एक्साइट मत होइए सुन लीजिए देखिए दोस्तों बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि हम सभी जानते हैं वोटिंग की एज अट्ठारह मेरे हिसाब से तो वोटिंग की एज भारत में पच्चीस से कम नहीं होनी चाहिए क्या समझता है आदमी को पच्चीस साल के पहले यार चौबीस पच्चीस छब्बीस के पहले तो वोटिंग वो मेरे विचार हैं भैया मत मानो पाँच साल की उम्र से कर दो वोटिंग मेरे को कोई दिक्कत नहीं है एनी वे अब ये बोलता है पहले पॉइंट में कि एनी पर्सन एलिजिबल टू वोट मतलब 18 साल का लड़का या लड़की अब छह महीने के लिए मिनिस्टर बन सकता है लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हैं एमएलए बनने के लिए तो उम्र की सीमा पच्चीस होती है तो उसके पहले आप मिनिस्टर कैसे बना सकते हो अगर उसके पहले टेक्निकली बनाया तो जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर बना सकते हैं क्योंकि उसके बाद हटा देंगे ना बेटा उसको मेलाफाइडी इंटेंशन कहते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कहती है कि द स्टेट विल नॉट डू इनडायरेक्टली डायरेक्टली वॉट इट कैन नॉट डू डायरेक्टली दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन इन जुडिशरी यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली डायरेक्टली वॉट यू आर नॉट अलाउड टू डू डायरेक्टली तो ये तो आप इनडायरेक्टली धोखा दे रहे हो जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते थे तो जब पता ही है कि 18 साल का आदमी बन ही नहीं सकता चुनाव ही नहीं तो ये तो कलरेबल लेजिस्लेशन में कवर हो जाएगा पेथन सब्सटेंस में कवर हो जाएगा तो ये बिल्कुल गलत है तो जिन लोगों को वो जुडिशरी के सिद्धांत नहीं पता है वो इसको लेके बहुत आर्ग्यू कर रहे हैं लेकिन ये गलत है ये नहीं हो सकता है तो वन तो बिल्कुल ही गलत है और परमानेंट डिसक्वालिफिकेशन का कोई सिद्धांत नहीं है वन और टू दोनों गलत है खुले दिमाग से थोड़ा सुनिएगा खुले दिमाग से इसको पढ़िएगा तब आपको ये बात समझ में आएगी क्योंकि आप सिर्फ अगर टेक्निकल बोलेंगे कि अठारह का तो कर देंगे तो छह महीने में हटा देंगे वहां तक तो ठीक है लेकिन फंडामेंटली इट्स अ माल ऑफ आइडिया एंड इट इज कवर्ड बाय वेरियस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट तो ये गलत होगा ऐसा हमें लगता है अब यूपीएससी को क्या लगता है ये तो भैया यूपीएससी ही जाने तो खैर आप अग्री करें तो हमें बताएं कमेंट सेट में डिसएग्री करें तो वो भी बता दो यार क्वेश्चन एटी पर आ गए पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन मॉडरेट प्यारे दोस्तों यहां पर हमारा उत्तर होगा एबीसीडी में से क्या होगा भैया देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यह कहीं लिखा ही नहीं गया है कि तीन सत्र होंगे वो ठीक है बजट सेशन होता है मानसून होता है विंटर सेशन होता है ये लिखा कहां है ये लिखा कहीं भी नहीं है हमारा फाइनल आंसर है सी एक और तीन ये दोनों बिल्कुल सही है समझ में आ गया और एक्चुअली ये सही है और इसका बहुत घातक परिणाम हो रहा है कि हर साल नंबर ऑफ डेज कम होते जा रहे हैं राज्य विधानसभाओं की तो हालत इतनी भयंकर खराब है कि राज्य विधानसभाएं तो मिलती नहीं है मतलब ये पूरा लजिस्लेचर और ये जनता की आवाज और पक्ष विपक्ष ये धीरे 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 खत्म होता जा रहा है बहुत सारी राज्य विधानसभाओं में और संसद में भी नंबर ऑफ डेज कम हो रहे मैं प्री पैंडेमिक की बात कर रहा हूं तो आंसर वॉज वन एंड थ्री ओनली आर्टिकल एटी फाइव वन में ये कवर होता है हमने यहां लिख दिया है इसको पढ़ लीजिएगा छ महीने की वो है लेकिन कहीं भी तीन सेशन होंगे ये कहां लिखा है हेंस आंसर इज वन एंड थ्री आई होप सभी का सही गया होगा क्वेश्चन एटी वन पर आ गए साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत डिफिकल्ट है कार्बन नैनोट्यूब सभी पढ़ते हैं कार्बन नैनोट्यूब वो अद्भुत मैजिकल चीजें हैं हमने हमारे साइंस टेक्नोलॉजी कोर्स में बहुत डिटेल में ये सब पढ़ाया हुआ है ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया था कार्बन नैनो ट्यूब जो होती हैं प्यारे दोस्तों उनके क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं ये आपसे पूछा गया है मतलब माइक्रो लेवल पर एक एक आपको याद होना चाहिए कि भाई कार्बन नैनोट्यूब तो एक्चुअली ये चारों काम कर सकते हैं दे आर कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस बिल्कुल जा सकते हैं उनके साथ में हम ड्रग मॉलिक्यूल्स को फिट करके भेज सकते हैं तो वन डेफिनेटली करेक्ट है तो टू थ्री एंड फोर गलत हो गए दे कैन बी मेड इन टू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज बिल्कुल वो इतने फाइन होते और इतने लंबे बनाए जा सकते हैं कि उनसे ये बन सकता है टू इज डेफिनेटली करेक्ट तो ये भी उड़ गया तो उसके बाद थ्री या फोर में से कोई एक चेक कर लो जी हाँ इनको बायोडिग्रेडेबल भी बनाया जा सकता है तो करेक्ट आंसर इस फो तो ये बिल्कुल जादू ही है सी कहते हैं इनको कार्बन नैनोट्यूब्स चारों सही हैं मैंने डिटेल में सॉल्यूशन दे दिया है सी अपने आप में पिछले 20 साल का एक चमत्कार है इसीलिए मैं कहता हूं मटेरियल साइंस का चमत्कार कपल्ड विथ नैनो टेक्नोलॉजी कपल्ड विथ क्वांटम कंप्यूटिंग कपल्ड विथ बायोटेक्नोलॉजी दुनिया को पूरी तरह से बदल देने के लिए तैयार है आप उसमें से बहुत कुछ अच्छा होगा बहुत कुछ बहुत डेंजरस भी होगा जैसे कि जीन ड्राइव बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी क्या खतरनाक है जीन ड्राइव में बताइए अब आते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी थोड़ा सा मॉडरेट टफ तो आपसे अब ये एग्रीकल्चर से संबंधित ये पूछा गया है कि भैया एग्रीकल्चर नहीं ड्रोन से संबंधित सॉरी कि ये जो ड्रोन्स हैं ये क्या क्या कर सकते हैं मतलब एक बहुत ही सरल और मासूम सवाल पूछा गया है कि ड्रोन्स इसमें से क्या क्या कर सकते हैं तो ये एक तरह से करंट अवेयरनेस भी हो गया स्पेस सॉरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हो गया स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड तो करते ही हैं ड्रोन से कई जगह हो रहा है हालांकि सरकार इसकी अनुमति नहीं देती है एक्टिव वॉल्कन में घुस घुस के फोटोग्राफी करते ही हैं ऐसे कई न्यूज़ आइटम्स भी आए हैं और स्पाउटिंग वेल का डीएनए एनालिसिस के लिए वो भी लेते हैं ब्रेस्ट सैंपल्स एब्सोलूटली तो स्पाउटिंग वेल्स आपको पता है ना समुद्र में से होता क्या है वेल्स तो मैमल्स हैं तो जब वेल्स ऊपर आते हैं सांस लेने के लिए तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इतना बड़ा जीव आता है तो उसके स्पाउट्स से वो पूरा का पूरा जब हवा लेता है पानी छोड़ता है तो वो पूरा स्पाउट दिखता है इस पर से एक अंग्रेजी की बहुत अच्छी कहावत भी है स्पाउटिंग वेल ड्रॉस दी हारपून कोई बताएगा हमें वॉट डू वी मीन बाउटिंग वेल्ड ड्रॉस द हारपून तो ड्रोन से आप सब कुछ कर सकते हैं ये एक तरह से करंट अवेयरनेस का सवाल था और ये उसका रेफरेंस भी हमने सारी लिंक्स भी आपको दे दी हैं तो कंटिन्यूअसली साइंस टेक्नोलॉजी की खबरें पढ़ते रहना आवश्यक है क्योंकि कौन सी बारीक चीज कहाँ काम आ जाए कह नहीं सकते साइंस टेक्नोलॉजी मॉडरेट लेवल का टफनेस बेसिकली इसमें से आप थोड़ा एलिमिनेशन करके अच्छे से जानते हैं कि वोयर्जर टू तो हो नहीं सकता न्यू होराइजन हो नहीं सकता ये दोनों तो बहुत ही अलग काम के लिए भेजे गए थे और वोजर तो हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ के गुडबाय करके जा चुका है तो यहां पर ट्रायो ऑफ स्पेसक्राफ्ट सुनते ही आपको इवॉल्व लीजा याद आना चाहिए इवॉल्व लीजा जो है लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना ई लीजा बेसिकली ग्रेविटेशनल यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा और इसमें ये तीनों आपस में ऐसे कनेक्टेड होंगे और इस तरह से 10-10 लाख मदर और डॉटर स्पेस दस दस लाख किलोमीटर लंबी लेजर बीम से कनेक्टेड होंगे इस चित्र में ये बहुत अच्छे से समझाया गया है वोएजर टू तो ऑलरेडी सोलर सिस्टम छोड़ के जा चुका है न्यू होराइजन प्लूटो के एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा गया था समझ में आया आपको तो सी और डी के बीच में ही होगा तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न है दोस्तों बहुत पूछा जा रहा है आजकल और ई लीजा वाकई में बहुत अच्छा सवाल था अब अगला सवाल जेनेटिक साइंस पर आ गए हैं साइंस और टेक्नोलॉजी मॉडरेट बायोटेक्नोलॉजी पे पर सवाल पर हैं सौ तक हमें जाना है सेशन एंजॉय किया आपने बहुत मेहनत से तैयार होती हैं चीजें कोशिश ये है कि इस साल के स्टूडेंट्स और जो अब आने वाले सालों की तैयारी कर रहे हैं आपको एक ब्रॉड पैरामीटर मिल जाए कि भाई इस तरह से पढ़ाई होती है इस तरह से क्वेश्चन को अटैक किया जाता है इतने आड़े टेड़े क्वेश्चन आ जाते हैं कॉन्फिडेंस आएगा मजा आएगा फ्री रिसोर्स यूज कीजिए तो एटी में क्या पूछते हैं बेसिकली सारा का सारा आपसे पूछा जा रहा है जेनेटिक टेक्नोलॉजी के थ्रू जो बच्चे पैदा करने की पूरा कार्यक्रम है उसके बारे में पूछा जा रहा है नाउ इफ यू लुक एट इट ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली करेक्ट क्या हम जेनेटिक चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्जॉस्ट स्पर्म्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव पेरेंट एब्सोल्युटली कर सकते हैं अ पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ बिल्कुल कर सकते हैं वो चीन का वैज्ञानिक गिरफ्तार हुआ ना तो उसके बारे में कितनी उसने वो ट्विंस के केस में किया था जेनेटिक एडिटिंग ही कर दी थी वर्ल्ड फर्स्ट एडिटेड फिर चाइना की सरकार को पता चला उसको गिरफ्तार कर लिया ह्यूमन इंड्यूस फ्लूरी पोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इन टू एमरी ऑफिक बिल्कुल ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं करेक्ट आंसर इज वन टू एंड थ्री फैक्चुअल है ये पूरी तरह से और अगर फैक्चुअल है तो ये सारा उसका डेटा भी दिया है क्वेश्चन एटी फाइव पर आ गए दोस्तों बहुत ही डिफिकल्ट और ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है बहुत से लोग इसको नहीं कर पाए होंगे और वो बहुत नॉर्मल है घबराने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर 85 में आपसे पूछा गया न्यूमोकोकल यानी कॉन्जुगेटी वैक्सीन के संदर्भ में भारत में क्या क्या सही है अब ये इतना टिपिकल और प्रिसाइस प्रश्न है कि पूरा पूरा याद हो तो ही हो सकता है बस एक ही लॉजिक लगा सकते हो कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स ना हो ऐसा सामान्यतः नहीं हो सकता है तो थ्री यूजुअली नहीं होगा बट एनी वे फॉर एटी फिफ्थ दी करेक्ट आंसर वॉज बी और क्योंकि एक फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसमें कुछ ज़्यादा वैल्यू एडिशन करने का स्कोप नहीं है फिर भी हमने यहां पर डिटेल में इनपुट्स तो लगा ही दिए आपके लिए इन इनपुट्स को देखिए समझिए पढ़िए और अगले साल की तैयारी में जुट जाइए वैक्सीन 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 सोचा गया था कोविड पे काफी अच्छे सवाल आएंगे कोविड पर एक भी डायरेक्ट सवाल नहीं आया जबकि उस पर पूछे जाने चाहिए तो दो तीन बहुत अच्छे सवाल पूछे जा सकते हैं बट ठीक है यूपीएससी ने किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा तो आप भी सोच समझ के निर्णय लें सरकारी परीक्षाओं के लिए ये बहुत बढ़िया गवर्नमेंट स्कीम का कंपाइलेशन है आपको बहुत इसमें फायदा होगा जरूर आगे बढ़िए और एनरोल कीजिए मतलब इसको परचेज कीजिए पीडीएफ है लिंक दे रखी है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ये पदबंध किसके प्रसंग में यूज किया जाता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली ये सारा खेल डिजिटल सिक्योरिटी के लिए होता है पब्लिक की प्राइवेट की पब्लिक की आपने क्रिप्टो करेंसी के केस में सुना होगा तो वहां से हिंट मिल जानी चाहिए थी ये थोड़ा सा आसान था पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहां एक्सप्लेन कर दिया है देख लीजिएगा अब जनरल साइंस पर आते हैं बहुत अच्छा सवाल था हालांकि थोड़ा सा आपको ऐसा एमबीगुअस ऑप्सक्योर कि यार ऐसे सवाल क्यों लेकिन बायोलॉजी सिलेबस में है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जनरल साइंस के सिलेबस में है प्रेलिम्स के पता है ना वो ठीक है वो उस पर एक दो एक दो ही सवाल पूछते हैं लेकिन पूछ ही लिया ना एट्टी सेवन क्वेश्चन आपके सामने है बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों ये कि बेसिकली प्लांट तो आप तो आपको तो तुरंत क्रैक करते आना चाहिए था सो डियर स्टूडेंट्स हियर द करेक्ट आंसर इज सी वन एंड थ्री आर करेक्ट बट टू इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट प्लांट सेल्स की सेल्यूलर सेल वॉल्स होती हैं एनिमल सेल्स की नहीं होती हैं मेच्योर प्लांट सेल्स का लार्ज वैक्यूल होता है एनिमल्स में बहुत सारे हो सकते हैं रसधानी और टू बिल्कुल गलत है दोनों में होती है तो करेक्ट आंसर इज वन एंड थ्री एटी एट पर आ गए हैं बेंजीन पोल्यूशन किस किस से होता है अब यह बहुत ही डिफिकल्ट सवाल था क्योंकि बेंजीन पोल्यूशन किस 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 से होगा वो सारे सोर्सेस याद रखो मतलब ये वो मिनरल याद रखने वाला या वो सारा रिवर बेसिन के साथ में प्रोटेक्टेड एरियाज को मैप करने वाली कहानी का पार्ट थ्री हो गया ये तो विज ऑज द फॉलोइंग रीजन फैक्टर ऑफ एक्सपोजर टू बेंजीन पॉल्यूशन आप में से कितनों का ये सही हो पाया दोस्तों अगर आप सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो में हैं तो तो बिल्कुल सही गया ही होगा पता चला कोई बच्चा बोले सर मैं वहीं हूँ लेकिन नहीं हुआ सर ये सही तो 88 का आंसर हमारा डी है वन टू थ्री फोर एंड फाइव ये सभी से बेंजीन का पॉल्यूशन होता है जी हाँ सभी से होता है वो सब हमने यहां पे समझाया है कि कैसे कैसे होता है एक एक से लेकिन इसमें छोटी सी ट्रिक भी है अब वो ट्रिक मैं प्रोमिनेंटली इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो हर किसी को दिखेगी भी नहीं लेकिन फिर भी है तो सही पोली यूरिथीन के प्रोडक्ट से बेंजीन निकलता है ये अगर पता है तो केवल एक ही आंसर हो सकता है क्योंकि बाकी में फाइव है ही नहीं खत्म हो गई सारी बात शायद एग्जामिनर ये ट्रिक यूज करना चाहता था शायद हाल ही में प्रोडक्ट्स ऑफ पोलियोन इन कंट्रोवर्सी और उस पर आधारित है ये प्रश्न खत्म हो गई बात अब आते हैं क्वेश्चन एटी नाइन पर बहुत प्यारा लॉजिकल क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आए तो ज्यादा फायदा होगा देश का ब्रह्मांड का आकाश गंगा का नहीं नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया देश तक ही रहते हैं अगर एक और वैश्विक अब ये पूरा संकट आ गया आर्थिक संकट 2008 में आया था आप अच्छे से जानते हैं प्यारे दोस्तों 2008 के वैश्विक संकट में भारत को बहुत दिक्कत हुई तो सरकार ने मॉनेटरी और फिजिकल दोनों स्टिमुलर दो ढाई साल तक बहुत जबरदस्त दिए फिजिकल डेफिसिट बढ़ा लेकिन देश बाहर आ गया हालांकि पीछे पीछे एन आ गए तो अब सवाल ये पूछा जा रहा है हमें बहुत अच्छा सवाल है ये ऐसे सवाल आने चाहिए कि यदि फिर से आ गई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस निम्न में से क्या भारत को कुछ समर्थन प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति इम्यूनिटी दे सकती हैं समझ में आया कि नहीं आपको दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा भारत का शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्रैक्टिकली जीरो है हम शॉर्ट टर्म विदेशी कर्जों पर निर्भर ही नहीं है और यह बहुत अच्छी बात है नहीं तो देयर कैन बी अ रन ऑन द रुपी और वो बहुत दिक्कत होती है यूरोपियन सोवरेन डेट क्राइसिस में ग्रीस की पिटाई इसीलिए हुई थी तो वन तो डेफिनेटली सही है तो हमारा आंसर थ्री नहीं हो सकता ये एग्री करते हैं कि नहीं थ्री नहीं हो सकता ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स बिल्कुल नहीं अगर ऐसा होगा तो आपका रिस्क बढ़ेगा कम नहीं होगा मेंटेनिंग फुल सीएसी बिल्कुल नहीं कैपिटल फ्लाइट हो जाएगा भारत का पूंजी खाता आज भी पूरी तरह से खुला नहीं है आप यहां बैठ के अचानक बोलो मैं एक अरब डॉलर खरीद रहा हूं अमेरिका में इतना रुपया भेज के आप नहीं कर सकते यू कैन नॉट हैव अ फ्री अनलिमिटेड फ्लाइट ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया सरकार कंट्रोल करती है बड़े ट्रांजेक्शन को तो अगर वो होता तो कैपिटल फ्लाइट भारत से हो सकता था तो उससे इम्यूनिटी नहीं आएगी आप और खतरे में आ जाओगे और प्रॉब्लम आई थी ईस्ट एशियन देशों को ईस्ट एशियन क्राइसिस में सो द करेक्ट आंसर इज वन ओनली ये मॉडरेटली टफ है लेकिन इसको थोड़ा लॉजिक से किया जा सकता था करेक्ट आंसर इज एटी नाइन स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बाकी दोनों गलत है क्वेश्चन नंबर नाइनटी अब अगर आपको एम जीरो एम वन एम टू एम थ्री की डेफिनेशन पता है तो यह प्रश्न हल होगा अदरवाइज हल नहीं होगा तो प्यारे दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मनी सप्लाई को एक्चुअली क्या है कि आरबीआई के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़ो मनी की कोई परिभाषा ही नहीं है मनी हैज नो फॉर्मल डेफिनेशन और ये पूरी दुनिया चल रही है इसीलिए युवाल नोवा हरारी वो सेपियंस वाला जो किताब आपको मैंने दिखाई थी वो यही कहता है कि मॉडर्न ह्यूमन ह्यूमन सिविलाइजेशन इज रनिंग ऑन फिक्शन एवरीथिंग इज अ फिक्शन मनी इज द बिगेस्ट फिक्शन ऑफ ऑल एंड एवरीबडी अग्रीज दैट मनी हैज वैल्यू सो मनी हैज वैल्यू बट वॉट मनी वॉट वैल्यू डज मनी है क्या आप मनी लायन सोसाइटी में ला सकते हो चिम्पांजीज में ला सकते हो इट्स ओनली फिजिकल हियर वी हैव क्रिएटेड फिक्शनल थिंग्स एंड इट इज वर्किंग टू फिक्शन वर्क विथ ह्यूमन समझ में आ रहा है आपको तो अब आपको मनी की डेफिनेशन नहीं होती लेकिन मनी सप्लाई की होती है उसमें एम जीरो एम वन एम टू एम थ्री एम फोर होता है तो यहां पर जो है ना वो बोल रहा है डिमांड डिपॉजिट आप जो जल्दी जल्दी निकाल सकते हो अगर उसमें से एक लाख रुपये आपने निकाल लिए तो एग्रीगेट मनी सप्लाई का क्या होगा हालांकि यहां उन्होंने एम वन एम टू एम थ्री स्पेसीफाई नहीं किया है लेकिन जो एम वन होता है ना दोस्तों उसमें करेंसी विद पब्लिक भी होता है तो एम वन में आ गया करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस सम अदर डिपॉजिट विरबीआई तो एक हाथ से निकाल के दूसरे हाथ में आया डिमांड डिपॉजिट से निकाल के करेंसी विद पब्लिक में आया तो मनी सप्लाई पर क्या असर होगा कुछ भी नहीं होगा इट विल लीव इट अनचेंज्ड आपको बात समझ में आ रही है इट विल सिंपली लीव इट अनचेंज्ड अब आप बोलेंगे सर कैसे सर कैसे सर कैसे सर ऐसे ये सारी परिभाषाएं दे दिए मैंने यहां बहुत डिटेल में बनाए हिंदी सोल्यूशन इस वेबसाइट पर उपलब्ध है देखें और वहां जाएँ तो ज़रूर टेस्टिमोनियल लिखेगा हमारे प्रीमियम कोर्सेज ज्वाइन करें ज्वाइन का बटन यूट्यूब पर भी है मेंस की तैयारी करने वाले हो तो लेवल टू जरूर ज़रूर ज्वाइन करना पावर ऑफ टेन और करंट अफेयर बूस्टर जिसमें दो दो एडिट तो वहां होती हैं हर संडे दस दस होते हैं बहुत फ़ायदा होगा आपको तो ये एम वन की परिभाषा दी है तो यहां से निकाल के यहां ले जाने में कौन सा एम वन चेंज हो जाएगा बस दैट द लॉजिक अच्छा सवाल था अच्छा सवाल था क्वेश्चन नाइन्टी वन पर आ गए हैं एंशंट हिस्ट्री का मॉडरेट क्वेश्चन है बेसिक डेफिनेशन और बेसिक ज्ञान आधारित है भैया बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि ये जो परामिता है ये दरअसल है क्या वॉट इज परामिता तो बेसिकली दोस्तों ये वो सभी परिपूर्णताएं थी परफेक्शन थी कि अगर आपने ले लिया तो बोधिसत्व पथ पर आप निकल जाओगे आपको समझ में आ रहा है तो ये डेफिनेशन ही है इसकी तो एंशियंट हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है आप देख रहे हैं बौद्ध धर्म पर आज काफी सारे सवाल आ गए हैं श्रवण परंपरा से निकला हुआ धर्म है ये 92 पर आ गए ये ऐसा केस था जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना था लेकिन आप तो सभी ने सुन लिया और अब तो ज्यादा ही सुन लिया जरा सो so नाइनटी का आंसर है बी टू एंड थ्री ओनली ये वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन का मूल सवाल नहीं है क्योंकि रखमाबाई का व्यक्तिगत जीवन का पूरा का पूरा जब लेखा जोखा पढ़ा जाता है तो किस प्रकार विवाह को लेकर उस समय आज से डेढ़ सौ साल पहले जब भारतीय समाज में महिलाओं का सभी का बाल विवाह ही होता था मोटे तौर पर और कोई आवाज ही नहीं थी मतलब महिलाओं का ना शिक्षा दी जाती थी न वो कभी किसी चीज का विरोध कर सकती थी कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं उस वक्त रखमा बाई का इतना खुद के लिए जागरूक होना इसी वजह से ये सवाल बना है तो महान लोग रहे हैं ये सब इसमें कोई शक नहीं रखमाबाई जिंदाबाद करेक्ट आंसर वॉज टू एंड थ्री बहुत कम ये बड़ा इजोटेरिक और बहुत ही जैसे मैंने कहा ऑब्सक्योर सा केस है नॉर्मल पॉपुलर मीडिया में हमारे सामने ज्यादा नहीं आता है, पर अब आ गया है 93 पर आते हैं तो इंडिगो कल्टीवेशन नील की खेती भारत में अचानक से क्यों कोलैप्स हो गई ये तो एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही ईजी सवाल है नील की खेती भारत में जिसकी वजह से गरीब किसानों का भयानक शोषण हुआ जिसकी वजह से चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का उदय हुआ बेसिकली उसका जब एक ऑल्टरनेटिव एक दूसरे ने डेवलप कर लिया था तो वो पूरा का पूरा खत्म हो गया नए नए इन्वेंशन ऐसे आ गए कि फिर किसानों से जबरदस्ती उस कैश क्रॉप को उगवा के बिकवाना पूरी तरह अंग्रेजों को बेकार लगने लगा जर्मन केमिस्ट था जिसने सिंथेटिक इंडिगो बना दिया तो खेल ही खत्म हो गया क्वेश्चन नाइंटी फोर पर आते हैं ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक बारीकी इन्वॉल्व देर इज अ वेरी फाइन आस्पेक्ट इन्वॉल्व इन दिस मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन और इसका आंसर है डी आप में से कुछ लोगों ने शायद यह मेंशन कर दिया होगा लेकिन यह उसका सही आंसर नहीं है वो दरअसल ब्रिटिश सिविलियंस को भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रेन करने के लिए वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी फोर्ट विलियम्स कॉलेज इसके एक साल पहले टीपू सुल्तान को मारा गया था 1799 याद है ना आपको अंग्रेज इतना घबरा गए थे टीपू टीपू से क्योंकि फ्रांसीसियों को ला रहा था और पूरी रॉकेट रेजिमेंट थी उसके पास और एक से डरते थे टीपू जिसने कभी उनके सामने दरन डेरी नहीं किया जो उनको वाकई निपटा देता साउथ इंडिया में तो उन्होंने टीपू को निपटा ही दिया दे डिड नॉट गो फॉर एनी ट्री टीप इसको मारना ही पड़ेगा श्रीरंगपट्टनम में उसको मार ही दिया तो नाइनटी फोर करेक्ट आंसर वॉज टी 95 पर आ गए दोस्तों ये एक सेकंड में सॉल्व करना चाहिए अगर आपको उलगुलान नहीं पता है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता हमारे महान आदिवासी भाई बहनों ने उलगुलान किया बिरसा मुंडा की क्रांति थी और अंग्रेज उस क्षेत्र में कम से कम बुरी तरह से बौखला गए थे तो उलगुलान यानी बिरसा मुंडा का विद्रोह ये तो एक सेकंड में जवाब देते आना चाहिए तो बिरसा मुंडा जो कि जननायक माने जाते हैं उनको भगवान बिरसा मुंडा भी कहते हैं उल गुलान आदिवासी बेसिकली वो सब मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स से भयंकर परेशान थे और उनका पूरा जो सिस्टम था फार्मिंग का वो खराब होते जा रहा था क्योंकि उस वक्त ये पूरा खुंट कट्टीदार सिस्टम और ये सारे ओरिजिनल क्लियर ऑफ फॉरेस्ट वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहा था तो उन्होंने विद्रोह कर दिया था तो आदिवासी अधिकारियों की अधिकारों की लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ी गई है और अलग 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 अलग, अलग रेजी में इनके अधिकार कुचले जाते हैं फिर ये लड़ते हैं फिर कानून आते हैं फिर लड़ते हैं बहुत पुरानी कहानियां हैं दोस्तों ये तो ये एक सिटर था उम्मीद करता हूं आपका सही गया कितनों का सही गया कन्फर्म करो नाइन्टी सिक्स पर आते हैं दोस्तों ये हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ की आ, पूरा का पूरा पीरियोडाइजेशन के ऊपर एक सवाल है तो एंशंट में आप जब पढ़ते हैं तो ये चीज़ें तो आप करते ही करते हैं कि कौन एंशंट पर्सनैलिटी किस राजा के समय फ्लरिश की यस और नो तो इसका सही उत्तर केवल थ्री ओनली है कालिदास एंड चंद्रगुप्त सेकेंड बाकी के जो नाम यहाँ पे दिए हुए हैं उनकी टाइमिंग इसमें गलत हो गई है प्यारे दोस्तों जब हम बोलते हैं पाणिनी तो पाणिनी जिन्होंने अष्टध्यायी लिखी अष्टध्यायी यानी संस्कृत के ग्रामर का पूरा जिसमें कहते हैं पाणिनी एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे गुरु माता ने कहा हिमालय में जाओ तो हिमालय में गए तो भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिए तो पाणिनी बोला भगवान बचा लो काम हो नहीं रहा एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो भगवान शंकर ने डमरू बजाया उसमें से स्वर निकले जिसको शिव महेश्वर सूत्राणी कहा गया अयुन रिलक ए औ वरट लण नमड़ डनम झभन घड़ दश जब गड़ दश हल तो ये स्वर उसमें से निकले जो संस्कृत व्याकरण का बेस बना ऐसी पूरी कहानियां हैं तो ये वो वाले पानी नहीं है भैया जिन्होंने अष्टध्यायी लिखी और ये तो टू फिफ्ट सेंचुरी बीसी थे पुष्यमित्र शुंग कौन थे पुष्यमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग वो ब्राह्मण थे मिलिट्री लीडर जिन्होंने आखिरी मौर्य एम्पायर एम्पायर ब्रदर्स का गला काट दिया था और वहां से शूंग डायनेस्टी शुरू हुई थी काफी उस वक्त हिंसा हुई थी लाखों मतलब उस वक्त के तीनों जो प्रमुख ग्रुप थे यू हैव द ब्राह्मण वेदिक ग्रुप यू हैव द जैन यू हैव द बुद्धिस्ट काफी संघर्षों की कहानियां पता चलती हैं इतिहास काफी कलरफुल रहा है और बहुत संघर्ष अलग अलग ग्रुप कभी कोई बढ़ गया कभी कोई बढ़ गया कभी कोई घट गया कंटिन्यूअस चला इतिहास में ऐसा स्टेबल नहीं होता दोस्तों ये कंटिन्यूस स्टोरी होती है इतिहास तो खैर फिलहाल तो ये था केवल थ्री आई होप आपको मजा आया तो ये बड़ा इतिहास हमारा रंग बिरंगा है भैया अब फिर से साइंस टेक्नोलॉजी मॉडर्न में आ जाते हैं बहुत टफ था यह प्रश्न नाइनटी जो था बहुत स्पेसिफिक नॉलेज की आपसे उम्मीद थी इसका करेक्ट आंसर है डी बेसिकली यह सूत्र कणिका रोग यानी कि माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीजेस को रोकने के लिए प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर किया जाता है तो जो पेशेंट कपल होता है फॉल्टी माइट्रोकॉन्ड्रिया वाला और डोनर कपल होता है बेसिकली न्यूक्लियस हटा के आप इसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज कर पाते हैं समझ में आ गया तो अब तो मैंने कहा ना इंसान जो है भगवान ही बन चुका है एक तरह से और माइक्रो लेवल पे हम हर चीज कर पा रहे हैं क्योंकि सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं क्रिस्पर कैस नाइन का नोबेल भी इस साल दिया गया उसकी मदद से जीन ड्राइव्स बन रही हैं जो पूरी पूरी स्पीसीज को उड़ा सकती हैं खैर उस सब पे बात करेंगे फिलहाल आप सेशन को समाप्ति की ओर ले जाना है दोस्तों नाइनटी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकता है अब ए के बारे में सबने थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा है भारत सरकार भी बहुत सीरियस है हाल ही में वो रेस का इवेंट भी हुआ सब हुआ सब हो रहा है ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि सारे एप्लीकेशंस आपको पता होने चाहिए एक्चुअली ए ये सब कुछ कर रहा है यहां आप शायद अटक गए होंगे लेकिन वैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है वन टू थ्री फोर का तो आपको हिंट मिली होगी लेकिन ए ये सब कुछ कर रहा है जी हां जी हां जी हां ए ये पांचों काम कर चुका है तो इसलिए हमारा आंसर है ऑल ऑफ दीज वन टू थ्री फोर एंड फाइव ये हमने डिटेल में यहां समझाया है इट्स रिमार्केबल ट इवन इन वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ए से आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो बहुत कठिन सवाल वी के संदर्भ में विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा ये पॉपुलर टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन इस पर सवाल पूछ लिया तो वी टेक्नोलॉजी के बारे में ये पूछ रहे हैं कि क्या सही है तो इसका सही उत्तर है वन थ्री फोर टू गलत यह लॉन्ग रेंज नहीं होता है लेकिन वन बिल्कुल सही है ये भी सही है ये भी सही है एक्चुअली ये अगर आपको पता होता ना कि इसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता है तो फोर इज डेफिनेटली करेक्ट तो एक ऑप्शन आपका यहां पर उड़ जाता तो हमने आपके लिए ये पूरा कंपैरिजन दिया हुआ है कि किस प्रकार से ब्लूटूथ और वीएल का आप कम्पेरिजन कर सकते हैं इसमें आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रो इंटरफेरेंस तो यहाँ आपको क्लियरली नो मिलेगा ये एक बहुत बड़ा रीजन है वी को एक्चुअली यूज़ करने का और आंसर है वन थ्री एंड फोर एकदम टेक्निकल और एकदम माइक्रो लेवल का सवाल है आज का आखिरी सवाल जिसके साथ यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर वन हमारा कंप्लीट हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मॉडरेट भैया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है उसके संदर्भ में अब बहुत अच्छा सवाल बनाया है इन्होंने देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा कैसे इसको हल करेंगे जब हम बात करते हैं ब्लॉक टेक्नोलॉजी की नाव इट इज अ पब्लिक लेजर एवरी कैन इंस्पेक्ट एंड नो सिंगल यूजर कंट्रोल तो ब्लॉक चेन के तो परिभाषा ही वो है ना डिसेंट्रलाइज तो वन तो करेक्ट है ये उड़ा दो यस और नो द स्ट्रक्चर इज सच दैट ऑल द डेटा इज ओनली अबाउट क्रिप्टो करेंसी ये तो बच्चे वाली बातें हैं तो ये तो होगा ही नहीं टू गलत है इसको उड़ा दो ब्लॉकचेन के तो 500 दूसरे यूज है ना लैंड रिकॉर्ड अपडेशन हो सकता है सब कुछ हो सकता है एप्लीकेशन कैन बी डेवलप विदाउट एनी बडी परमिशन येस एब्सोलूटली दिस इज करेक्ट ये हो सकता है एंड थ्री ओनली ये हमने इसमें समझाया है पूरा लिंक्स के साथ में समझाया पढ़ लेना आपको समझ में आप चाहो तो उसमें परमिशन सिस्टम डाल सकते हो लेकिन उसके बिना भी होता है ये सब इसमें दिया है तो दोस्तों ये थे हमारे सारे सॉल्यूशंस एक क्वेश्चन हमने छोड़ा बाकी के सारे बताए आठ आपको सिटर्स दिए कितने लोगों ने सारे सिटर्स सॉल्व किए और आपको पूरा मेरा एनालिसिस कैसा लगा ये बताओ अरे बड़ा मेहनत करके तैयार किया जैसे मैंने पहले का स्कॉलर्स के लिए है बारीक है सबका फायदा होगा तो इसको स्प्रेड करो ताकि लोगों को मिले तो भैया आनंद परमानंद हो जाए ये पूरा का पूरा एनालिसिस आपके सामने है इसको देखें उसको समझें और अगले साल की तैयारी करें पॉजिटिव रहें अगर टफ है तो सबके लिए टफ है आप अकेले नहीं हो हमारा एफर्ट अच्छा लगा यस और नो तो फटाफट इस लिंक को ओपन करके एक सुंदर सा टेस्टिमोनियल लिखो और उससे भी सुंदर काम आप ये कर सकते हो कि मेरे साथ उन्नीस अक्टूबर के कोर्स में एनरोल कर लो अभी के भी लाइव डॉट जाके कॉम्प्रहेंसिव कोर्स भी है शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं आइए ज्वाइन करें साथ में पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया ये है वो कोर्स लाइव का उम्मीद करता हूं आपका प्यार और सहयोग मिलेगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू इसी के साथ आज का सेशन अब यहीं कंप्लीट करने का समय आ गया है बहुत मजा आया सीसेट का एनालिसिस भी हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी आप तक लाया जाए तो पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए अब हमारी जो प्रीमियम यूट्यूब मेंबरशिप सर्विस है उसमें करंट अफेयर्स और एडिटोरियल का शानदार कंपाइलेशन है जो भी लोग श्योर हैं कि प्रेलिम्स तो निकाल ही लेंगे आप बिना देर किए तुरंत लेवल टू में नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा है तीन से छह महीने की मेंबरशिप लीजिए आपको कितना फायदा होगा ज्वाइन होते ही आपको एक घंटे में समझ में आएगा जब आप सेशंस में गो थ्रू करेंगे यू विल सी द लेवल ऑफ एनालिसिस अवेलेबल आनंद परमानंद बहुत मजा आएगा आई विश यू ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स अगले साल की तैयारी अच्छे से करें मेंस की तैयारी अच्छे से करें घबराई नहीं अगर टफ है तो सभी के लिए टफ है आप अकेले नहीं हैं अब आप संदीप मानो को इजाजत दीजिए नमस्कार जय हिंद